हाय एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, अंकल चाचा ये सब क्या चल रहा है भाई? ये क्या नया रिश्ता बना लिया तुमने मेरे साथ? चलो, और आवाज़ आ रही है क्या? एक बार बता देना मुझे। बहुत आवाज़ कम है ना, लेकिन इसको बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब सही है आवाज़? चलिए, तो वेलकम बैक टू द क्लास, वेलकम बैक टू वेदांतो नीट टॉपर्स। और आज हम लोग बच्चों इस सेशन में एक बहुत ही अच्छा चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर करेंगे, मैराथन में करेंगे, लंबी क्लास होगी, एंड वी आर गोइंग टू डू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने इस रीस्टार्ट बैच में काइनेमेटिक्स से शुरू करके, प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी बेटा, काइनेमेटिक्स कर लिया है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स कर लिया है ना, लॉज ऑफ मोशन, फिर आपका वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, और यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा 12th के टॉपिक्स उठा रहे हैं, ठीक है ना। और जैसा कि आपने देखा होगा कि ये बहुत ही डिटेल्ड कोर्स है, यहाँ ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर 2 घंटे में कराता हूँ मैं, है ना। कुछ पुरानी वीडियोस आपको मिल जाएंगी जहां 2-2 घंटे में भी चैप्टर हो रखे हैं, वो उन बच्चों के लिए अच्छे हैं जिनको थोड़ा सा थ्योरी रिवाइज करना है, पढ़ाई हो रखी है। लेकिन अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो दिस इज द सेशन फॉर यू, जहां पे आप क्वेश्चंस भी करेंगे मेरे साथ, जहां पे आप थ्योरी भी करेंगे, और जहां पे आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो PYQ की बुक है हमारे पास, है ना। लेट अस बिगिन द क्लास बच्चों। और अगर मैं आपको बताऊं कि आज तक कितने क्वेश्चंस आए हैं यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, तो यू विल सी कि काफी अच्छा वेटेज है बच्चों इस चैप्टर का, और ऑलमोस्ट एवरी ईयर यहां से क्वेश्चन आ ही जाता है ना। अच्छा वेटेज है और ऑलमोस्ट एवरी ईयर यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कई बार यहाँ के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी भी हो जाते हैं, जैसे एक दो बार वो जो पेंडुलम वाला क्वेश्चन आया है कि दो पेंडुलम है, उनमें नीचे चार्ज लगा हुआ है, फिर वो चार्ज धीरे धीरे लीक कर रहा है, तो पेंडुलम पास आएंगे तो कितनी रफ्तार से आएंगे और डिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो वी विल सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस, जो भी PYQ में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जो आपको थोड़ा भी परेशान करते होंगे, वी विल सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। ठीक है, शुरू करें क्या बच्चों? आर वी ऑल रेडी फॉर दैट, बताइए। हाँ जी, गुड आफ्टरनून, शैल वी स्टार्ट? यस, चलो लेट अस बिगिन ऑन द नेम ऑफ गॉड। आइए, सो सबसे पहले चार्ज क्या होता है? व्हाट इज चार्ज? व्हाट इज चार्ज, है ना। सबसे पहले जब आप ये चैप्टर उठाते हो बेटा, तो आपके सामने एक सवाल आता है कि भाई चार्ज क्या है ना। तो चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जस्ट लाइक मास। चार्ज क्या है बच्चों? किसी भी पार्टिकल का इनहेरेंट, यानी कि वो होना जरूरी है ना, वो होगा ही होगा, प्रॉपर्टी है। और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक ये वाले फोर्सेस एक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो चार्ज एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जस्ट लाइक योर मास। जैसे कोई पार्टिकल है तो उसका मास होगा, है ना, वैसे ही चार्ज भी होगा। ठीक है, इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बेटा, राइट। जब ये चार्ज रेस्ट पे होता है, जब ये चार्ज रेस्ट पे होता है, तो उसको हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ते हैं बेटा, और उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो आज हम लोग यहां पे पढ़ेंगे। तो जनरली द चार्ज विल बी एट रेस्ट, उसकी स्टडी होती है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज हो गया, और स्टैटिक्स का मतलब हो गया रेस्ट, सो चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, हालांकि जब ये मूव करता है विथ सम वेलोसिटी, वेलोसिटी जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लग जाता है, तो इसके लिए हमने एक अलग चैप्टर बना के रखा है, बिकॉज अ मूविंग चार्ज क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई चार्ज मूव करता है ना बेटा, तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है, तो इसको हम लोग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका कि नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, है ना,
या फिर आप ओवरऑल इसको मैग्नेटिज्म बोल सकते हो, ठीक है, मैग्नेटिज्म आप इसको बोल सकते हो, वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट का एक और मतलब है बेटा, क्या है सर वो? एक्सेलरेशन जीरो, बिल्कुल सर। तो यहां पे जनरली एक्सेलरेशन हम लोग जीरो मान लेते हैं, है ना। लेकिन जब चार्ज एक्सेलरेट कर जाए, जब चार्ज एक्सेलरेट कर जाए, है ना, चार्ज का कुछ एक्सेलरेशन हो, चार्ज जब एक्सेलरेट कर जाए, तो इस चैप्टर को हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको बोला जाता है पूरा का पूरा, और आप इसको पढ़ते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, ईएम वेव्स, ठीक है ना, ईएम वेव्स। तो ये जो ईएम वेव्स बनती हैं, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती हैं, वो चार्ज के एक्सेलरेशन से बनती हैं, है ना। उसमें एक ऑसिलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है, एक ऑसिलेशन मैग्नेटिक फील्ड का होता है, और चार्ज ऐसे आगे बढ़ता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। तो इस पूरे को मिला दिया जाए, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, ईएम वेव सभी को, तो इस पूरे को मिला के हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, है ना, ये सारा का सारा। अभी हम तो इसको अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा, है ना, हम तो इसको अलग अलग चैप्टर में पढ़ेंगे, बट दिस इज व्हाट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें आप ईएमआई भी लगा दो, है ना, हालांकि ईएमआई थोड़ा सा अलग फील्ड हो गया, बट फिर भी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म अभी कुछ दिनों तक इस चैनल पे हम लोग पढ़ेंगे, लाइक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, फिर करंट भी पढ़ेंगे, कैपेसिटर भी पढ़ेंगे, है ना, वी विल स्टडी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिज्म इन मैटर, जहां से अर्थ मैग्नेटिज्म वगैरह डिलीट हो चुका है, देन वी विल डू ईएमआई, देन वी विल डू एसी, एंड देन वी विल डू ईएम वेव। तो अभी हमारा आगे यही सब चलने वाला है, लंबी लंबी क्लासेस लेके बहुत जल्दी इसको फिनिश कर दिया जाएगा, ठीक है। हाँ, आपको रिवीजन का प्रॉपर टाइम देंगे, ठीक है, अगर एक दिन लंबी क्लास हुई है तो अगले दिन आपकी छुट्टी भी रहेगी, है ना, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाओ, ताकि आप पीवाईक्यूज लगा पाओ, ताकि आप डीपीपी सॉल्व कर पाओ, एंड एवरीथिंग, ठीक है बेटा। तो ये बेसिक आइडिया था जो मैंने आपको दिया। नाउ मेनली चार्ज जो है बेटा वो हम दो टाइप के पढ़ते हैं, है ना, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज। अब जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, अच्छा पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं एक दूसरे को, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं सर, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है ना, और नेगेटिव नेगेटिव भी क्या करते हैं सर, ये दोनों भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है बेटा माइनस ई, और ये जो E है उसकी वैल्यू होती है 1.6 into 10 की पावर ऑफ माइनस 19 कूलॉम्ब, ठीक है, और इसका जो मास होता है ना, अच्छा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन बराबर है ना, इतना ही चार्ज प्रोटॉन के पास भी होगा, इतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन के पास भी होगा, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन काफी कम होता है, एंड दैट इज गिवन बाई 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 केजी, है ना, 10 की पावर माइनस 31 केजी। यहीं पे अगर हम लोग बेटा प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे, तो ये चार्ज जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.6 10 की पावर माइनस 19, और मास हो जाएगा 1.67 into 10 की पावर माइनस 27, है ना। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो उसका चार्ज जीरो, क्योंकि वो न्यूट्रल है, नाम ही न्यूट्रॉन है ना, लेकिन मास जो होता है वो न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, हल्का सा, बट फॉर ऑल यू नो न्यूमेरिकल पर्पजेस एंड एवरीथिंग हम लोग लेते हैं न्यूट्रॉन का मास अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू प्रोटॉन का मास, बट वी नो कि भाई न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा होता है प्रोटॉन से, है ना, 1.673 आ जाता है उसमें, तो बहुत कम वैल्यू है, बट फिर भी अगर आप अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स एनालाइज करोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं बेटा, इस पे पीवाईक्यूस वगैरह जो आए हैं वो हम लोग करेंगे, है ना। कूलॉम्स लॉ में जाने से पहले चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। पहला है बेटा कि चार्ज जो है वो स्केलर होता है ना, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, यूनिट जो है वो कूलॉम्ब है। ये प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हम डिस्कस कर रहे हैं, जल्दी से कर लेंगे, है ना, स्केलर होता है। दूसरा, रिलेटिविस्टिकली
रिलेटिव अगर आप एनालिसिस करो रिलेटिविस्टिकली तो चार्ज इज इनवेरिएंट. हम बोलते हैं रिलेटिव में हम बोलते हैं कि चार्ज इज इनवेरिएंट. एक्चुअली जब आप बहुत ज़्यादा स्पीड में चले जाओ जब आपकी स्पीड चेंज होती है तो मास जो है वो चेंज हो जाता है. जैसे मास का एक फॉर्मूला है मास बराबर एम नॉट यानी कि मास एट रेस्ट अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 - v² / c² ठीक है ना. तो ये फॉर्मूला चाहो तो याद कर लो. ये है मास एट रेस्ट, ये है बेटा मास एट रेस्ट, और ये है मास एट सम स्पीड, सम स्पीड, और वो स्पीड है बेटा v, है ना. तो बहुत हाई वेलोसिटीज में मास में सिग्निफिकेंट वेरिएशन देखा जाता है. मास में सिग्निफिकेंट वेरिएशन देखा जाता है यानी कि मास जो है वो वेरी करता है हाई स्पीड्स पे, बट जो चार्ज होता है बेटा वो इनवेरिएंट है. इनवेरिएंट का मतलब वो वेरी नहीं करता है, है ना. तो चार्ज डज नॉट वेरी इवन इफ यू गो एट वेरी हाई स्पीड्स, ठीक है. रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, मास वेरी करता है, वो फॉर्मूला हो गया मास का, ठीक है. अगर उस पर क्वेश्चन आया कि भाई इतनी स्पीड है बताओ मास कितना होगा, वैसे ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी एक आइडिया के लिए आपको हम लोग दे देते हैं ये चीज, है ना. तीसरा है बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना. क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, किसी भी चीज को जब आप कहते हो ना कि वो क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड है, तो वो n का मल्टीपल में होगा और n की वैल्यू होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे इंटीजर में, ठीक है. तो अगर कोई आपके पास आके बोले कि मेरे पास 1.5 × e इतना चार्ज है, तो क्या आप इस पे भरोसा करेंगे बेटा बताइए मुझे, क्या आप इस पे भरोसा कर पाएंगे बेटा बताइए मुझे. नहीं, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का, स्मॉलेस्ट यूनिट है चार्ज का वो है ई, है ना, ई. तो अगर उसके पास 1.5 e है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1e + 0.5e. अब सवाल ये उठता है कि e तो सबसे छोटा है, e तो सबसे छोटा है, तो उसका आधा कैसे कर लिया किसी ने, है ना, उसका हाफ कैसे कर लिया. तो दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, है ना, दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल. तो ये फ्रैक्शन में डेसिमल में ऐसे नहीं हो सकता, ये प्लस माइनस एनी के फॉर्मेट में होगा, है ना, प्लस माइनस एन इंटू ई के फॉर्मेट में होगा, ठीक है. अगर ऐसा है तो n कैन टेक एनी वैल्यू, इंटीजर इट कैन टेक, है ना. तो 1e भी पॉसिबल है, 2e भी पॉसिबल है, 3e भी पॉसिबल है, 4e भी पॉसिबल है, एंड सो ऑन, सारे ये पॉसिबल हैं, ठीक है बेटा. डन सर, डन सर. इस पे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं बेटा, आप बताइएगा जो चार्ज मैं आपको दे रहा हूं वो पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है ना, बस आपको इतना बताना है, ठीक. मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि इट इज 6.4 × 10⁻¹⁹ कूलॉम. इज दिस चार्ज पॉसिबल और नॉट अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इज दिस चार्ज पॉसिबल और नॉट, क्या कहते हैं आप, पॉसिबल है या नहीं है, बस इतना बताइए, पॉसिबल है या नहीं है. ऋषभ कह रहा है पॉसिबल सर. और आंसर चाहिए मुझे, कम ऑन, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है. कायनात इज सेइंग पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, पॉसिबल है, सबके सब कह रहे पॉसिबल है. खुशी इज सेइंग नहीं है सर पॉसिबल. देखो देखो जनरली क्या होता है ना, जैसी बच्चा देखता है 6.4 उसके मन में आता है कि सर ने बोला था कि या तो 1 रहे 2 रहे 3 रहे 4 रहे तब पॉसिबल है. लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि ये इंटू ई का फॉर्मेट नहीं है, इंटू ई का फॉर्मेट ये नहीं है, ये टोटल चार्ज गिवन है. देखो इसको आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई टोटल चार्ज बराबर एनी, तो वो क्या गिवन है आपको, ई गिवन है क्या, नहीं सर. एन गिवन है क्या, नहीं सर. क्यू गिवन है, क्यू क्यू गिवन है. तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वहां पे एन फाइंड करें और उसको चेक करें
कि वो 1, 2, 3, 4 में से कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रही बात? जो आपको गिवन है बेटा वो क्यू गिवन है, क्योंकि कूलॉम इज द यूनिट, है ना, कूलॉम। ई का मल्टीपल तो गिवन नहीं है, हमें ई का मल्टीपल कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे इफ दिस इज क्यू, तो क्यू बराबर होता है एनी, क्यू की वैल्यू हो गई 6.4 × 10⁻¹¹. एन मुझे निकालना है और ई हो गया 1.6 × 10⁻¹¹. ठीक है बेटा? तो अब मैं जब इसको इधर लेके आऊंगा, ये दोनों तो चलो कैंसिल हो गए, है ना, तो एन आएगा बच्चों 6.4 / 1.6. जब आप इसको डिवाइड करोगे इट विल बी एन इंटीजर विच इज 4, है ना, 16 × 4 = 64, एंड हेंस इट इज पॉसिबल, एंड हेंस इट इज पॉसिबल। ठीक है ना, ये पॉसिबल है बेटा, बिल्कुल पॉसिबल है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो कि भाई पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है ना, 1.6 से डिवाइड करके देखो तो 4 आ रहा है, तो नाउ यू कैन राइट इट एज 4 टाइम्स ई एंड इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। राइट एवरीवन, दिस इज हाउ वी चेक वेदर द चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। ओके, चलिए बहुत बढ़िया सर। कितनी प्रॉपर्टीज बता दी सर आपने? 3 तो बता ही दी है, स्केलर, रिलेटिव, इनवेरिएंट, है ना, आपका हो गया क्वांटाइजेशन हो गया। देन वी विल टॉक अबाउट कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सो द फोर्थ पॉइंट जल जा भाई, हां, इज कंजर्वेशन। जब होता है वी मीन कि हम ना तो उस चीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। लैग आया था क्या बेटा? यहां पे दिखा रहा है OBS रीकनेक्शन सक्सेसफुल, लैग वैक तो नहीं आया था? बता दो मुझे एक बार जल्दी से। आई डोंट थिंक कोई लैग आया था ना, ठीक है ना सब? हाँ, तो कंजर्वेशन का मतलब होता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। आप उसको क्रिएट नहीं कर सकते, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना, आप उसको जो है क्रिएट भी नहीं कर सकते, आप उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, है ना। तो बेसिकली जितना चार्ज है एक सिस्टम में वो कांस्टेंट रहेगा। अब हो सकता है किसी सिस्टम के अंदर, मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये एक सिस्टम है, है ना, ये एक सिस्टम है, यहां पे एक बॉडी है, यहां पे एक बॉडी है और यहां पे एक बॉडी है, ठीक है। मान लीजिए इस पे अभी 2 कूलॉम का चार्ज है, इस पे 3 कूलॉम का चार्ज है, इस पे 5 कूलॉम का चार्ज है। तो अगर इस तीनों को सिस्टम मान लिया जाए बेटा, कैन यू टेल हाउ मच इज द टोटल चार्ज? यस सर, 3, 2, 5 एंड 5, 10। तो द टोटल चार्ज इज 10 कूलॉम। नाउ ऐसा पॉसिबल है कि ये आपस में चार्ज का आदान प्रदान कर ले, है ना, थोड़ा ये इसको दे दे, थोड़ा ये इसको दे दे, ऐसा पॉसिबल है। लेकिन जो टोटल है इस सिस्टम का 10, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। दिस इज व्हाट चार्ज कंजर्वेशन एक्चुअली मींस, है ना। तो मान लीजिए थोड़ी बार आपने देखा, थोड़ी देर बाद तो इसके पास 1 कूलॉम बच गया था, है ना, थोड़ी देर बाद आपने देखा तो इसके पास जो है 4 कूलॉम आ गया था। अब आपसे पूछा गया बताओ तीसरे वाले के पास कितना चार्ज होगा, तो आप बोलेंगे बहुत सिंपल है भाई, टोटल 10 था पहले इस सिस्टम में, तो अभी भी 10 ही होगा। यहां पे 4 है, यहां पे 1 है, 5 तो ऑलरेडी है, इसके पास 5 ही रहेगा, है ना, 5 ही रहेगा। ठीक है बेटा, तो दैट सिंपल, मतलब है ना, इतना सिंपल है ये, बहुत आसान सी बात है, ठीक है ना बेटा। चलिए अब क्या होता है ना, क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ना बेटा PYQ में, तो किसी भी PYQ बुक में आपको पहला ही टॉपिक मिलेगा कूलॉम्स लॉ। जबकि इसके बाद अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, है ना, कोई भी कोर्स आप करेंगे जो डिटेल्ड है, तो इसके बाद आपको पढ़ाया जाता है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। तो एक काम करते हैं, मैं मेथड्स ऑफ चार्जिंग स्किप नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं उसको आपको एक कंपैरिजन के तौर पे 3 टेबल बना के बस ऐसे ही पढ़ा दूंगा, ठीक है, ताकि वहां से अगर गलती से कोई थियोरेटिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको मिस ना करें, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले तो बेटा 2 टाइप के मटेरियल्स होते हैं, थोड़ा सा उसका आइडिया ले लो आप, है ना। एक होता है बेटा इंसुलेटर और एक होता है बेटा कंडक्टर। वैसे तो एक और होता है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर, बट उसके लिए हमने अलग से चैप्टर बना रखा है मॉडर्न फिजिक्स में, उसको वहीं पे डिस्कस किया जाएगा, है ना। इंसुलेटर्स कौन होते हैं? इंसुलेटर्स वो बॉडीज हैं बेटा
जिनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या हुआ सर? एक्चुअली जनरली इलेक्ट्रॉन्स कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठे होते हैं, लेकिन आपके कंडक्शन में मान लीजिए आपको करंट फ्लो कराना है तो उसमें कौन कंट्रीब्यूट करता है? जो फ्री टू मूव होता है। इंसुलेटर बेचारे के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और वेरी फ्यू फ्री इलेक्ट्रॉन्स विच आर नॉट इवन काउंटिंग, है ना। सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो इसलिए ये कंडक्ट नहीं कर सकता, है ना। इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है बेटा। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया और करंट भागना शुरू हो गया, ऐसा नहीं होगा, है ना, क्योंकि चार्जेस आर नॉट फ्री टू मूव, राइट सर। बट ये जो कंडक्टर होते हैं ना बेटा, इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल, मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल एंड दैट इज व्हाई दे कैन इजीली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ये बहुत आसानी से कंडक्ट कर सकते हैं, राइट। अब क्या हुआ, बारी आई कि अगर किसी बॉडी को मुझे चार्ज करना है तो कैसे करूं, है ना। तो इस टॉपिक का नाम लिख लो आप, चार्जिंग ऑफ बॉडीज, है ना, चार्जिंग ऑफ बॉडीज, ठीक है। अब क्योंकि डिटेल्ड कोर्स है, वी विल डू एवरीथिंग, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। चार्जिंग ऑफ बॉडीज में बात करी गई कि यार मान लो मेरे पास दो बॉडीज हैं, ठीक है, दो बॉडीज हैं, ऐसे दो बॉडीज हैं, एक ऑलरेडी चार्ज्ड है और दूसरा अनचार्ज्ड है। मान लो एक ऑलरेडी चार्ज्ड है और दूसरा अनचार्ज्ड है। अब मान लो दोनों कंडक्टर हैं, कंडक्टर हैं, तो कैसे इस पे चार्ज पहुंचाया जाए, है ना। सुनो ध्यान से, ये चार्ज्ड है, इसके पास चार्ज है बट इसके पास अभी नहीं है आज की डेट में, तो यहां से चार्ज इस तक कैसे पहुंचाया जाए? तो कंडक्टर एक गाना गाता है, जरा जरा टच मी टच मी टच मी, ऐसे बस टच करा दो आप, दैट्स इट, काफी है। बिकॉज जब ये दोनों कंडक्टर्स एक दूसरे को टच करेंगे, दे विल बी ट्रीटेड एज अ सिंगल कंडक्टर एंड कंडक्टर्स में चार्जेस आर अलाउड टू मूव, है ना, अलाउड टू मूव, अभी अभी आपने देखा है, तो यहां के चार्जेस निकल के इसमें चले जाएंगे और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे अगर दोनों कंडक्टर सिमिलर हैं तो। क्या मेरी बात सबको समझ में आई बेटा? कंडक्टर में बस आपको टच करा देना है, कंडक्टर में बस आपको टच करा देना है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो अगर मेरे पास चार्जिंग ऑफ बॉडीज का टॉपिक है और मैं कंडक्टर्स को चार्ज करना चाहता हूं, तो दैट मेथड इज नोन एज कंडक्शन, कंडक्शन, ठीक है, ठीक है सर, कंडक्शन बोलते हैं उसको। इसमें क्या होता है बेटा, आपका ये भी एक कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर है, मान लीजिए दोनों सिमिलर शेप साइज के हैं, ठीक है, रेडियस इज आर एन आर, ठीक है, बहुत बढ़िया सर। इस कंडक्टर के पास मान लो आपके पास 10 माइक्रोकूलम का चार्ज था, 10 माइक्रोकूलम का चार्ज था बेटा, इसके पास कोई चार्ज नहीं था, जीरो चार्ज था। आपने क्या किया, बस दोनों को ऐसे टच करा दिया, टच करा दिया, तो यहां के चार्जेस यहां चले गए। अगर दोनों आइडेंटिकल हैं, अगर मैं कहता हूं बेटा कि दोनों के दोनों आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल हैं, तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी कि इस पे भी 5 माइक्रोकूलम, है ना, इस पे भी 5 माइक्रोकूलम और इस पे भी 5 माइक्रोकूलम आ जाएगा, ठीक है, इफ बोथ आर आइडेंटिकल, अगर दोनों का रेडियस जो है बेटा वो सेम है तो ऐसा होता है, ठीक है। अब नेचुरली एक बच्चे के मन में सवाल आएगा, जो अच्छी पढ़ाई करता है उसके मन में सवाल आएगा कि सर अगर आइडेंटिकल हैं तो आपने बता दिया, है ना, बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जैसे टोटल 10 था, देखो 10 और 0 को मिला के 10 था, तो 10 का हाफ इसको मिल गया, 10 का हाफ इसको मिल गया। तो कल को अगर मेरे पास एक सवाल आया कि भाई ये दोनों आइडेंटिकल हैं, इसका भी रेडियस आर है बेटा और इसका भी रेडियस आर है, यहां पे 5 कूलम का चार्ज है और यहां पे 7 कूलम का चार्ज है, इनको जो है टच करा के अलग कर दिया गया, एक वायर से कनेक्ट किया गया फिर अलग कर दिया गया, तो इसके पास कितना आ जाएगा, इसके पास कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर देखो बहुत सिंपल है, 5 और 7 होता है 12,
12 था, 12 का आधा इसे मिल गया 6, और 12 का आधा इसको मिल गया 6, तो सर आइडेंटिकल वाला तो मैं कर दूंगा, आइडेंटिकल वाला तो मैं कर दूंगा, ठीक है ना। अब मेरे से पूछा गया कि सर अगर नॉन आइडेंटिकल हुआ तो क्या करेंगे, है ना, नॉन आइडेंटिकल हुआ तो क्या करेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक छोटा स्फीयर है, ठीक है सर, इसका रेडियस है बेटा 3 सेंटीमीटर, ओके सर, और इस पे कूलॉम्ब, कितना कूलॉम्ब चार्ज है, तो मैं कह रहा हूं मान लो 4 माइक्रो कूलॉम्ब चार्ज है। सुनना, ध्यान से सुनना, है ना, स्पैमर्स को इग्नोर करेंगे अपन, है ना। अब देखो दूसरा क्या कह रहा है ना, दूसरा भी एक स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस ले लेते हैं 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और इस पे जो चार्ज है वो है 6 माइक्रो कूलॉम्ब। समझे, क्वेश्चन क्लियर हुआ, एक 3 सेंटीमीटर का है और एक 9 सेंटीमीटर का है, तो आइडेंटिकल तो नहीं है सर दोनों, एक पे 4 माइक्रो कूलॉम्ब चार्ज है, एक पे 6 माइक्रो कूलॉम्ब चार्ज है, इनको आपस में जो है कनेक्ट किया गया और फिर डिस्कनेक्ट कर दिया गया, कनेक्ट करके या फिर आप कह लो चिपका के फिर अलग कर दिया गया। व्हाट विल हैपन टू द फाइनल चार्जेस, इस पे कितना फाइनल चार्ज होगा, है ना, उसको मान लेते हैं अपन Q1, और इस पे कितना फाइनल चार्ज होगा, है ना, उसको अपन लिख लेते हैं बेटा Q2। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं आपको सिखाता हूं। देखो बेटा, आपने शायद बचपन से अभी तक एक चीज सीखी होगी कि जितने अननोन्स होते हैं ना किसी भी क्वेश्चन में, उतने ही इक्वेशंस की हमें आवश्यकता होती है। नंबर ऑफ अननोन्स जितने हैं, मान लीजिए एक ही अननोन है तो एक इक्वेशन से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, दो अननोन्स हैं दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, तीन अननोन्स हैं तीन इक्वेशन की जरूरत कम से कम पड़ेगी, है ना। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन बेटा, Q1 एंड Q2, टू अननोन्स। यू विल बी रिक्वायरिंग टू इक्वेशंस। पहला इक्वेशन सुनो, पहला इक्वेशन आएगा बेटा चार्ज के कंजर्वेशन से। पहला इक्वेशन कहता है कि अगर इन दोनों को मैं एक सिस्टम मान लूं, है ना, तो चार्ज कंजर्वेशन कहता है कि भाई जो टोटल चार्ज पहले था वो टोटल चार्ज बाद में भी रहेगा। तो बताइए बेटा टोटल चार्ज कितना था इसका और इसका मिला के, इनको मैंने एक सिस्टम की तरह कंसिडर कर लिया, हाउ मच वॉज द टोटल चार्ज बेटा, सर 4 एंड 6, यानी कि 10 वॉज द टोटल चार्ज, है ना। तो बाद में मान लो बाद में ये चार्ज कुछ हो जाता है Q1, मुझे नहीं पता Q1 कितना है, ये हो जाता है Q2, मुझे नहीं पता Q2 कितना है ना, तो आई विल बी राइटिंग कि भाई Q1 और Q2 को भी अगर जोड़ा जाएगा बाद में, मान लो इसका वैल्यू कुछ और आ गया, मान लो 3 आ गया, इसका वैल्यू मान लो 7 आ गया, तो 3 + 7 भी 10 ही होना चाहिए। दिस इज वॉट चार्ज कंजर्वेशन, पहले का चार्ज बराबर बाद का चार्ज, तो Q1 प्लस Q2 बराबर 10, ये मैं पहला इक्वेशन लिख सकता हूं, लिख सकता हूं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर आप। दूसरा बेटा, हालांकि अभी आपने पोटेंशियल पढ़ा नहीं है, लेकिन अब आप पढ़ोगे इस चैप्टर में आगे जाके, कि जब दो कंडक्टर्स को आपस में टच कर दिया जाता है ना, तो उनका पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो जाता है, दे विल बी एट सेम पोटेंशियल इफ दे आर इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर एंड देन सेपरेटेड। तो मैं कहूंगा पोटेंशियल ऑफ 1 बराबर पोटेंशियल ऑफ 2, तो बताइए इसका पोटेंशियल आप कैसे लिखेंगे। सर अगर आपको नहीं पता है, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, है ना बेटा, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, पोटेंशियल का एक्चुअली फॉर्मूला होता है K Q divided by R। डोंट वरी, मैं पढ़ाऊंगा आगे जाके। इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ/R² एंड पोटेंशियल इज KQ/R। वी विल डू दैट, है ना, डोंट वरी। अभी के लिए आप इसको याद रखो कि दूसरा इक्वेशन आएगा पोटेंशियल्स को इक्वेट करके बेटे। तो देखो K ने K को मार दिया, है ना, K क्या है, 9 × 10⁻⁹ कॉन्स्टेंट है। अब देखो Q1 / R1 कितना है, 3। Q2 / R2 कितना बेटा, 9, है ना, 9 है सर। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे मिलेगा Q2 बराबर 9/3 Q1, यानी कि 3 Q1, है ना, Q2 बराबर, ये देखो ना,
9 इधर गया, 9 बाई 3, 3 क्यू 1, है ना बच्चों? बिल्कुल सर। अब मैं इस पहले वाले इक्वेशन में, इस वाले इक्वेशन में इस वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगा, यानी कि क्यू 2 बराबर 3 क्यू 1। तो जैसे ही मैंने रखा क्यू 2 बराबर 3 क्यू 1, जैसे ही मैंने रखा तो क्या मिलेगा, देखो क्यू 1 तो है ही वहां पे, प्लस यहां पे कितना आ गया बेटा 3Q1, ये देखो, ये देखो 3Q1 इज इक्वल टू 10 माइक्रो कूलम। अब ये 3 और 1 कितना हो गया 4, सो 4Q1 इज इक्वल टू 10, तो Q1 कितना आ रहा है बेटा 10/4, बोले तो 2.5 माइक्रो कूलम। ये देखो ये आ गया आपका 2.5 माइक्रो कूलम हो गया। दीज आर द टू इक्वेशंस यू नीड टू सॉल्व If you have non-identical spheres, ठीक है? अच्छा, अब देखो एक और चीज, अगर total 10 था, है ना? 2.5 यहाँ पे आ ही चुका है, तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा? 10 में से माइनस कर दो आप, है ना? 10 टोटल है, 10 में से इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा आपका 7.5, सही बोल रहा हूँ ना? 7.5 माइक्रो कूलम। या फिर आपको 10 में से माइनस नहीं करना है, तो आप ये जो 3Q1 है इसमें आप Q1 की वैल्यू डाल दीजिए, है ना? Q1 इज 2.5, यहां डाल दीजिए, तो 3 इंटू 2.5 25, 3 जा 75, तो अपने आप आ जाएगा 7.5। दिल बना के बताइए क्या नॉन आइडेंटिकल क्लियर है? अगर दो कंडक्टर्स आपको दे दिए जाएं विच आर नॉन आइडेंटिकल इन शेप, विल यू बी एबल टू फाइंड आउट कि उनमें कितना कितना चार्ज होगा? यस और नो बेटा, यस और नो बेटा, कर लेंगे, है ना? कर लेंगे। अब देखो आप बोलोगे सर आइडेंटिकल में तो आपने डायरेक्टली बता दिया, है ना? आइडेंटिकल मान लो इसका भी रेडियस आर है और इसका भी रेडियस आर है, है ना? तो सर यहां पे भी वो फॉर्मूला लग सकते हैं क्या जो दो फॉर्मूले आपने अभी बताए थे? बिल्कुल लग जाएंगे बेटा। देखो मैं इसको फटाफट करके दिखाता हूं आपको। मान लो इसके पास शुरू में था 7 माइक्रो कूलम और इसके पास शुरू में था 5 माइक्रो कूलम। अब आप जानते हो कि जब दोनों जुड़ेंगे तो 7 और 5 12, 7 और 5 12, तो जब इक्वली डिवाइड होंगे तो 6 और 6 आएगा। अब आप इसको प्रूफ देख लो फटाफट। देखो ये Q1 हो गया, है ना? इसको आपने Q2 मान लिया, ये आपका R हो गया और इसको भी आपने R मान लिया। पहला इक्वेशन क्या था बेटा? टोटल चार्ज सेम होना चाहिए। टोटल कितना है 7 और 5 12, और यहां कितना है Q1 और Q2, तो मैं लिखूंगा Q1 प्लस Q2 बराबर 12, पहला इक्वेशन। दूसरा देखो, पोटेंशियल सेम होना चाहिए। इसका पोटेंशियल क्या आएगा? Q1 बाई R बराबर उसका क्या आएगा, मतलब K भी है, चलो K Q2 बाई R, सही है ना? रेडियस तो दोनों का सेम है सर, सेम है सर, है ना? तो आप देखोगे K और K कैंसल, R और R भी कैंसल, यहां से एक ब्यूटिफुल इक्वेशन आया विच इज Q1 इज इक्वल टू Q2, है ना बेटा? बिल्कुल सर। अब जब दोनों इक्वल आ गए तो आप समझ गए इक्वली डिवाइड होना है, तो 6-6 आएगा। और नहीं समझे तो इसको यहां पुट करो, Q1 के जगह पे Q2 डाल दो, है ना? तो यहां पे भी Q2 प्लस Q2 बराबर 12, तो Q2 बराबर 12/2 यानी कि 6। तो इतना क्यों करना है आपको? हालांकि मैंने आपको बताया कि कैसे आता है इक्वल, आइडेंटिकल में क्यों आ जाता है इक्वल, है ना? दो इक्वेशन है, वही दो इक्वेशन नॉन आइडेंटिकल में भी लग सकता है, आइडेंटिकल में भी लग सकता है, बट आइडेंटिकल में आप इक्वेशन लगाने के बजाय डायरेक्ट आंसर करिए कि आइडेंटिकल कंडक्टर्स में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? तो दो कंडक्टर्स अगर आपके पास हैं, अगर दो कंडक्टर्स आपके पास हैं तो आप आराम से ऐसे डिवाइड कर सकते हो, है ना? ठीक, डन। चलिए अब बेटा एक और सवाल उठा। क्या सवाल उठा सर? कि मान लीजिए हमारे पास दो इंसुलेटर हैं, हमारे पास दो इंसुलेटर हैं, अरे बाप रे, मान लो एक ग्लास से बना हुआ रॉड है, ठीक है, ये भी इंसुलेटर है, और एक सिल्क का कपड़ा है। ये सिल्क क्लॉथ है और ये ग्लास रॉड है। चलो मैं ऐसे क्यों एग्जांपल दूं, मैं बस आपको इतना बोल रहा हूं कि भाई दो इंसुलेटर्स हैं, है ना? बस दो इंसुलेटर, इतना जान लो आप। चलो अब अगर आप इनको टच कराओगे, मान लो किसी एक पे चार्ज है नहीं है, जो भी है, टच कराओगे, कुछ होगा क्या?
टच कराने से कुछ बिगड़ेगा क्या? कुछ नहीं होगा, टच कराने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दे आर नॉट कंडक्टर्स, ये कंडक्टर्स नहीं है, इनके पास फ्री चार्जेस नहीं है बेटा। तो अगर दो इंसुलेटर्स है ना, तो आपको इनको पकड़ के घिसना पड़ता है चार्ज करने के लिए, घिसना पड़ता है ना, घिसना पड़ता है, रब करना पड़ता है, रब। इसको बोलते हैं चार्जिंग बाई फ्रिक्शन। तो सर ऐसा क्या हो जाता है घिसने से, ऐसा क्या हो जाता है सर घिसने से? देखो मैं बताता हूं क्या होता है घिसने से, है ना। सो मैं आपको यहां पे समझाता हूं घिसने से क्या होता है। मान लीजिए आपका कोई रॉड है, अभी इसके अगर ये न्यूट्रल है शुरू में, जनरली सारी बॉडीज न्यूट्रल होती हैं, अवर अर्थ इज ऑल्सो न्यूट्रल, है ना। तो यहां पे बराबर मात्रा में प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस है, तभी तो न्यूट्रल है। देखो न्यूट्रल का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि उसके पास चार्ज ही नहीं है। चार्ज तो बेटा इनहेरेंट प्रॉपर्टी है किसी भी पार्टिकल का, चार्ज तो होगा ही होगा, है ना। लेकिन यहां पे न्यूट्रल का मतलब है बराबर मात्रा में प्रेजेंट है दोनों। इधर देखो बेटा सिल्क क्लॉथ है मान लो, है ना, इसके पास भी जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, जो भी है ना, बराबर मात्रा में प्रेजेंट है। ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। जब इनको पकड़ के घिसा गया तो एक एनर्जी डाली गई क्या? फ्रिक्शन के थ्रू एक एनर्जी डाली गई बेटा, है ना। अगर वो एनर्जी सफिशियंट है टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय आयनाइजेशन एनर्जी? जो आपके अलग अलग लेवल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन के, अलग अलग ऑर्बिट्स होते हैं, अगर आप पहले वाले की आयनाइजेशन एनर्जी निकाल रहे हो, तो इसका मतलब वो एनर्जी जो ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को उखाड़ के इनफाइनाइट पे ले जाए, मतलब पार्टिकल से या बॉडी से बाहर निकाल ले, एटम से बाहर निकाल ले, उसको बोलते हैं बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। तो फ्रिक्शन के थ्रू जो मैंने एनर्जी डाली, अगर वो किसी भी बॉडी में आयनाइजेशन एनर्जी से ज्यादा है, तो वहां के इलेक्ट्रॉन को उखाड़ फेंकेगा, वहां के इलेक्ट्रॉन को उखाड़ देगा। अब मान लो, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इन दोनों बॉडीज में से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी मान लो कम है, ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम है। एनर्जी कम है मतलब क्या, आयनाइजेशन एनर्जी कम है का मतलब क्या, कम एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। आयनाइजेशन मतलब क्या, कितना एनर्जी चाहिए टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अब मान लो ये कम है आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से उखड़ जाएगा। और जब ऐसा होगा, आपने जब रब किया, आपने एनर्जी डाली, तो यहां का आयनाइजेशन एनर्जी कम थी, इलेक्ट्रॉन्स निकले, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस पे चले जाएंगे, है ना, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकल के इस पे चले जाएंगे। आप ये सवाल पूछ सकते हो कि सर कैसे पता चलेगा कि किस बॉडी से किस बॉडी में जाएगा इलेक्ट्रॉन? तो हम लोग के भगवान ब्रह्मा नहीं है कि देख के बता दे अच्छा इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, एक्सपेरिमेंट से ही पता चलेगा। अब या तो आयनाइजेशन एनर्जी पता हो दोनों की, है ना, या फिर आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि किसमें से किसमें जा रहा है। तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जैसे कई एग्जांपल्स बुक में लिखे होते हैं कि ग्लास रॉड और सिल्क क्लॉथ में क्या होगा, है ना, ऐसे आपको याद नहीं करना है। बस इतना याद रखो कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरे वाले में चला जाएगा। बट जाने के बाद क्या क्या होगा, उसकी एनालिसिस हमको आनी चाहिए। देखो जाने के बाद क्या क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स इसको छोड़ के चले गए, है ना, मान लो दो चार इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के चले गए, गए यहां से गए, है ना, गए गए, तो क्या मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव्स की मात्रा बढ़ जाएगी, है ना। पहले तो बैलेंस था, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव थे, अब इलेक्ट्रॉन चले गए बेटा तो माइनस वाले चले गए, पॉजिटिव्स बढ़ जाएंगे, तो दिस बॉडी विल बी पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना। जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज करे वो अब पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और इसको एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मिले, यहां से यहां आ गए, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा बढ़ गई, माइनस चार्ज ज्यादा हो गया पॉजिटिव के कंपैरिजन में, तो ओवरऑल दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज्ड, है ना बेटा। यस सर, बिल्कुल सही है सर। अब यह भी पूछते हैं कि बताओ इनमें से किसका मास बढ़ेगा, किसका मास कम होगा, या क्या दोनों का मास सेम रहेगा? तो जनरली बच्चे इसमें बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है, 9.10^-31, दो चार इलेक्ट्रॉन चले भी गए, 10-20 इलेक्ट्रॉन चले भी गए, क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो स्पेसिफिकली पूछ रहा है बेचारा कि मास का क्या होगा, तो आपको आंसर अकॉर्डिंगली करना है। क्या आंसर करना है आपको? यह बोलना है
कि यहां से कुछ चार्ज पार्टिकल्स चले गए, यहां से कुछ चार्ज पार्टिकल्स चले गए, तो जाहिर सी बात है इसका मास कम हो जाएगा, इसका मास कम हो जाएगा। लेकिन यहां से जो यहां गया इसके पास एक्स्ट्रा चार्ज पार्टिकल्स आ गए, इसका मास बढ़ जाएगा, इसका मास बढ़ जाएगा। मैं इसको याद करने का एक बहुत ही घटिया तरीका दूंगा आपको, लेकिन उससे आपको याद हो जाएगा। तरीका क्या है, जब कोविड आया था, है ना, कोविड आया था, तो जब आप नहीं मतलब कोई भी मान लो इंसान अगर कोविड पॉजिटिव हो जाता था तो उसका वेट कम हो जाता था, कमजोरी आ जाती थी बॉडी में। तो देखो अगर पॉजिटिव हो गया, वो कोविड पॉजिटिव हो गया तो मास कम हो जाएगा, ऐसे याद कर लो आप, ठीक है, अगर कंफ्यूजन होता है तो। और जैसे ही आप कोविड नेगेटिव हुए आप इंप्रूव करना शुरू कर देते हैं, है ना, तो आपका मास जो है वो बढ़ने लग जाता है। तो कोविड नेगेटिव हुआ आपका मास बढ़ गया, ये बस इसका चार्ज से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, बट ये याद करने में मदद करता है, ये याद करने में मदद करता है कि भाई जो बॉडी पॉजिटिव हो जाती है उसका मास कम हो जाता है और जो बॉडी नेगेटिव हो जाती है उसका मास बढ़ जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलो तो इस तरीके से यू कैन रिमेंबर। नाउ अगर आपने सवाल नहीं पूछा है तो मैं पूछूंगा और मैं ही आंसर करूंगा। सर आपने बोला कि घिसने से एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरी बॉडी में चला जाता है, तो सर इलेक्ट्रॉन ही क्यों जा रहा है, है ना, इलेक्ट्रॉन ही क्यों जा रहा है, ये पॉजिटिव भी तो जा सकता था यहां से यहां, इलेक्ट्रॉन ही क्यों जा रहा है सर, है ना, इलेक्ट्रॉन ही क्यों जा रहा है सर। इसके लिए आपको थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स का आइडिया होना चाहिए, एटम्स का आइडिया होना चाहिए, कि एटम्स के पास ना बीच में एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बेटा प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इनके बीच बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस पाए जाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस पाए जाते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस, 10^-15 मीटर पे लगता है वो, है ना। तो इतना स्ट्रॉन्ग इनके बीच में बॉन्ड है, इसमें प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी बॉन्ड होगा, है ना। आप बोलोगे सर प्रोटॉन प्रोटॉन तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वजह से करेंगे। अब वो रिपल्शन कम है लेकिन जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है इन दोनों के बीच में वो कहीं ज्यादा है, जिस वजह से यहां से एक प्रोटॉन को अलग कर पाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, अलग कर पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन इलेक्ट्रॉन लोफर की तरह बाहर घूमता रहता है, वो लोफर लड़के होते हैं ना, केटीएम ड्यूक लेके घूमते रहते हैं, 150 cc का बाइक लेके, है ना, ये वैसे ही बेटा गोल 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 घूमता रहता है, है ना। इसको निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कम है, बाहर घूम रहा है आराम से, तो हमने जैसे ही घर्षण किया, फ्रिक्शन किया, तो इलेक्ट्रॉन कहता है अरे मैं आता हूं, है ना, मैं आऊंगा आपके साथ, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के दूसरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है बेटा। यस सर, बहुत बढ़िया सर। अब देखो तुम लोग डाउट पूछ नहीं रहे हो तो मैं खुद ही डाउट क्रिएट कर करके तुम्हारे को आंसर कर रहा हूं, है ना। तो दैट इज वाई जब फ्रिक्शन किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करते हैं। अब एक बच्चे को एक और डाउट आ गया, क्या डाउट आया, सर देखो यहां पे +5 था, यहां पे +7 था, है ना, कंडक्शन में सर दोनों में पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज था, आपने बोला बाद में यहां पे +6 हो गया, यहां पे +6 हो गया, इसका मतलब सर ये हुआ ना कि यहां से 1 कूलम्ब +1 कूलम्ब यहां चला गया, तभी तो ऐसा होगा। तो देखो सर पॉजिटिव जा तो रहा है, हाँ अभी आपने बोला यहां पे बोला, देखो कंफ्यूज कर रहा हूं तुमको ताकि तुमको एनटीए कंफ्यूज ना कर पाए, ठीक है ना। सर आपने यहां पे बोला कि इलेक्ट्रॉन जाते हैं एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह, ये जो कंडक्शन वाला केस था सर उसमें तो पॉजिटिव चार्ज भी जा रहा है, तो बेटा यहां पे दीज चार्जेस आर फ्री टू मूव, इसको कोई बॉन्ड नहीं तोड़ना है, यहां पे इसको कोई न्यूट्रॉन को छोड़ के निकलना नहीं है, कोई बाइंडिंग एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, दीज चार्जेस आर फ्री टू मूव। तो जब इलेक्ट्रॉन्स भी फ्री हैं, प्रोटॉन्स भी फ्री हैं, तो दोनों मूव कर सकते हैं ना। तो कंडक्टर का केस बिल्कुल अलग है इंसुलेटर से, बिल्कुल अलग है बेटा।
अगर मैं कहता हूं कि दो बॉडीज में चार्ज ट्रांसफर के बीच में इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर हो रहा है, तो आई एम टॉकिंग अबाउट इंसुलेटर्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट चार्जिंग बाई फ्रिक्शन. आपने फ्रिक्शन किया, घर्षण किया, इलेक्ट्रॉन लोफर की तरह बाहर घूम रहा था, वो ट्रांसफर हो गया. प्रोटॉन नहीं आया क्योंकि प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ बैठा हुआ है और वो खुश है अपनी दुनिया में. लेकिन यहां पे ये फ्री चार्जेस हैं, दीज आर द फ्री चार्जेस, है ना. यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री चार्जेस ऑन कंडक्टर्स, तो वहां प्रोटॉन फ्री टू मूव है, वो न्यूट्रॉन के साथ बंधा हुआ नहीं है, तो करेगा मूव. प्रोटॉन भी करेगा, इलेक्ट्रॉन भी करेंगे, जिसकी जरूरत पड़ेगी वो मूव करेगा, ठीक है ना. तो डोंट कंफ्यूज बिटवीन दीज टू केसेस, ओके. चलो तो बेटा, फ्रिक्शन दो इंसुलेटर्स के लिए है, ये भी इंसुलेटर है और ये भी इंसुलेटर है, तो फ्रिक्शन चाहिए आपको. ये भी देखो कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, तो कंडक्शन चाहिए आपको, ठीक है ना. अब क्या हुआ, सुनना ध्यान से. दो कंडक्टर थे, ठीक है, ऐसे रखा हुआ था, ये इंसुलेटिंग हैंडल बनाया मैंने, ठीक है ना. चलो एक ही कंडक्टर था, ऐसे समझो आप, एनसीईआरटी के तरीके से समझो. एनसीईआरटी में एक कंडक्टर लेके समझाया है आपको, ठीक है, ऐसे ही समझो आप. ये कंडक्टर है, ठीक है ना, ये एक कंडक्टर है. मैंने पहले ही बोल दिया कि ये कंडक्टर है. इसको चार्ज होना है, दुनिया में ये चार्ज होना चाहता है, ठीक है ना, इसको चार्ज होना है. लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कोविड का एग्जांपल दिया था ना, तो मान लीजिए कोविड आया हुआ है दुनिया में, कोविड आया हुआ है दुनिया में, है ना. हमने इसको एक ऑप्शन दिया कि भाई हम एक दूसरा कंडक्टर तुम्हारे पास चार्ज करके भेज देंगे. इसने बोला ठीक है भेज दो, क्या करना पड़ेगा उसके बाद. तो हमने बोला कुछ नहीं करना है, ये आके तुम्हारी चुम्मी लेगा और तुम चार्ज हो जाओगे, मतलब टच करेगा तुमको आके, है ना, ऐसे टच करेगा और तुम चार्ज हो जाओगे. अगर ये 10 माइक्रोकुलम लेके आया होगा तो उसका आधा तुमको मिल जाएगा, खुशी खुशी तुम चार्ज हो जाओगे, ठीक है ना. तो ये डर गया, ये बोलता है अरे कोविड के टाइम पे है ना बाहर निकलना मुश्किल है, तुम कह रहे हो बाहर से कोई आएगा और चुम्मी लेके जाएगा, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे. ना ना ना, मुझे नहीं होना है चार्ज, मुझे नहीं होना है चार्ज, नहीं होना मुझे चार्ज, मैं किसी को टच नहीं करना चाहता. अगर बिना टच करे कुछ हो सकता है तो बताओ. टच तो मैं किसी को नहीं करूंगा, तुम चुम्मी लेने की बहुत बड़ी बात कर रहे हो, है ना, मैं तो किसी का हाथ भी नहीं पकड़ू, ठीक है. तो कंडक्टर ने मना कर दिया, उसने बोला नहीं मेरे को नहीं चाहिए ये मेथड, मेरे को नहीं चाहिए, कंडक्शन नहीं चाहिए. तो कोविड के समय पे एक नया मेथड इजाद किया गया, मैं ऐसी कहानी बना रहा हूं, बहुत पुराना मेथड है ये, है ना, इंडक्शन. इंडक्शन, इंडक्शन में क्या होता है, देखो देखो यहां पे पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं, बराबर बराबर मात्रा में है ना बेटा, दोनों बराबर बराबर मात्रा में है. इंडक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से एक ऑब्जेक्ट ले आते हैं जो कि ऑलरेडी चार्ज्ड है. देखना, सुनना ध्यान से, ठीक है, ये ऑलरेडी चार्ज्ड है, चार्ज्ड है, और इसको बस इस कंडक्टर के थोड़ा दूर ले जाके रख देते हैं, कांटेक्ट नहीं कराते, टच नहीं कराना है क्योंकि कोविड का समय है. उसने भी मास्क लगा रखा है और वो फेस शील्ड लगा रखा है ना, जो भी है, बस इसको दूर ले जाके रख देते हैं. अब सुनना, मान लो बेटा इस पे पॉजिटिव चार्ज है, प्लस 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 प्लस, है ना बेटा, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. तो सोचो इस कंडक्टर के पास जो नेगेटिव्स हैं वो इसको देख के अट्रैक्ट नहीं हो जाएंगे, होता है ना अट्रैक्शन ऑपोजिट ऑपोजिट चार्ज में. आप ऐसा सोच लो बेटा कि ये लड़की वालों का घर है, शादी हो रही है, ठीक है, लड़की वालों का घर है, ये है दूल्हे राजा, दूल्हे राजा, पॉजिटिव चार्जेस दूल्हे राजा, और ये नेगेटिव हैं दुल्हन की बहनें और सहेलियां, मतलब इसकी सालियां. तो होता है ना बारात जब आती है तो क्या होता है, जब दूल्हे राजा बारात लेके पहुंचते हैं, है ना, पॉजिटिव 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 दूल्हे राजा आए, तो जो दुल्हन की सहेलियां और जो बहनें हैं, सालियां हैं इसकी, वो सब यहां पे कोने में आ जाएंगी, खिड़की के पास आ जाएंगी, छत पे आ जाएंगी, और सब नाचने लगेंगी, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, है ना, जीजा जी आ गए. तो देखो जीजा जी को देखने आ गए कि आज जीजा जी कैसे लग रहे हैं घोड़ी पे सवार, है ना, सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे. तो ये सब के सब इधर आ जाते हैं इनको देखने के लिए, ठीक है. और ये सब हैं साले साहब लोग,
इनको जीजा जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इनको जीजा जी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये अपना अलग ग्रुप बना के जीजा जी से रिपेल्ड हो जाते हैं, इधर चले जाते हैं, है ना बेटा। मतलब मैं जीजा साली इसलिए समझा रहा हूं कि आप थोड़ा सा जल्दी आपके दिमाग में घुस जाए कि बेसिकली पॉजिटिव्स को देखने, नेगेटिव्स आ गए इस तरफ और पॉजिटिव्स चले गए उस तरफ। अब ध्यान से देखना, इनके बीच में अट्रैक्शन है, इनके बीच में अट्रैक्शन है ना, तो इसने इसको खींच रखा अपनी तरफ, जीजा ने पूरा अट्रैक्ट कर रखा अपनी तरफ, जाने नहीं दे रहा वहां से, है ना, वो पूरा ऐसे ऐसे देख वेख रहा है ना, नाच वाच रहा है, फुल अटेंशन दे रहा है। तो ये जो लड़कियां हैं यहां पे आके देख रही हैं जीजा जी को, लेकिन ये बेचारे पहले ही रिपेल्ड थे, पहले ही रिपेल्ड थे। इस पे क्या किया, एनसीईआरटी कहती है कि हमने और क्या किया कि यहां पे एक अर्थिंग कर दी अचानक से, किसी ने अनाउंसमेंट कर दी कि भाई खाना शुरू हो चुका है, खाने आ जाओ। तो ये तो इससे अट्रैक्टेड है, बेचारी चाह के भी वहां से हट नहीं पा रही है, लेकिन ये बेचारे जो ऑलरेडी रिपेल्ड थे ये तो यहां से भागना चाहते थे, यार कौन देखेगा जीजा जी को, भागो यहां से। अब उनको किसी ने बोल दिया कि इधर अर्थिंग भी हो रखी है ना, और चार्जेस क्या है बेटा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागते, तो भाई यहां से इधर भागे, इधर भागे, इधर भागे, है ना, खाना शुरू हो गया, भागो रे बाबा। तो सारे के सारे पॉजिटिव जो हैं वो यहां चले जाते हैं, अर्थ में जाके समा जाते हैं। तो बेटा अगर सारे पॉजिटिव्स चले गए तो क्या बचा बेटा, स्फीयर पे क्या बच गया, अब नेगेटिव्स बच गए, नेगेटिव्स बच गए। अब जीजा जी बोलते मेरा काम हो गया, मेरे को यही करना था, अब मैं यहां से जा रहा हूं। अब जो स्फीयर के पास बचे हैं वो सिर्फ नेगेटिव्स बचे हैं, सिर्फ नेगेटिव्स बचे हैं। ये लोग भी सोच में पड़ गए कि कहां चले गए सारे के सारे लड़के, ये क्या हुआ हमारे साथ। तो सब इनकी चाल थी कि लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखो, ठीक है, लड़कों को रिपेल करके रखो, उसके बाद इधर अर्थिंग करा दो, बाद में अनाउंसमेंट करवा दो कि खाना शुरू हो गया है, सारे लड़के भागेंगे खाने की तरफ, ये कमरा पूरा खाली, इसमें बचेंगी सारी लड़कियां बस, है ना। तो अब देखो ये कंडक्टर जो पहले न्यूट्रल हुआ करता था, इसके पास बराबर मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव थे, इस कांड के बाद देखोगे अब सिर्फ नेगेटिव बचे हैं, यानी कि ये न्यूट्रल से नेगेटिवली चार्ज्ड हो चुका है बिना टच किए, बिना टच किए। दिस इज कॉल्ड बेटा इंडक्शन, दिस इज कॉल्ड इंडक्शन, है ना। क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी ना दूल्हे ने, यस, दिस इज कॉल्ड बेटा इंडक्शन, ठीक है। अब कुछ देखो इंपॉर्टेंट बातें मैं बताऊंगा, इससे पहले आप इसको लिख लो, एनसीईआरटी में सेम एक्सप्लेनेशन गिवन है विदाउट जीजा जी ऑब्वियसली, है ना, यस, बट ऐसे ही दिया हुआ एनसीईआरटी में आपके, वरना एक और होता है जिसमें दो कंडक्टर लिया जाता है, फिर छोड़ो वो सब, आप छोड़ो, जो एनसीईआरटी में वही पढ़ो आप, है ना, ज्यादा ऊपर की चीजें छोड़ दो, बिकॉज एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा कुछ, ठीक है, डन है बेटा। चलो अब इस पे मैं आपसे सिर्फ दो सवाल पूछूंगा, आपको आंसर करना है, ठीक है। पहला सवाल मेरा ये है कि अगर जीजा जी का चार्ज नेगेटिव होता, नेगेटिव होता, अगर जीजा जी का चार्ज नेगेटिव होता, है ना, दूल्हे का चार्ज अगर नेगेटिव होता, तो ये कंडक्टर में फाइनल चार्ज कौन सा देखा जाता, फाइनल चार्ज कौन सा देखा जाता, बताओ फटाफट बताओ। सर फाइनली इसमें पॉजिटिव देखा जाता। कैसे सर कैसे होता, ये कि माइनस को देख के पॉजिटिव से इधर आ जाते, है ना, पॉजिटिव से इधर आ जाते क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, और नेगेटिव इधर चले जाते क्योंकि वो उनको देख के रिपल हो रही है, माइनस माइनस में रिपल्शन होगा, इधर आपने जैसी अर्थिंग करी ये माइनस इसमें चले जाएंगे, बचेंगे खाली प्लस। तो बेटा इंडक्शन में ना जो आपकी प्रीवियसली चार्ज्ड बॉडी है उसका ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है अनचार्ज्ड बॉडी के अंदर, ऑपोजिट चार्ज डेवलप होता है अनचार्ज्ड बॉडी के अंदर, ठीक है ना। इंडक्शन में द चार्ज डेवलप्ड इन द प्रीवियसली अनचार्ज्ड बॉडी इज ऑपोजिट टू द चार्ज ऑफ प्रीवियसली
चार्ज्ड बॉडी, ठीक है ना। अगर प्रीवियसली चार्ज्ड बॉडी नेगेटिवली चार्ज्ड है तो जो फाइनल चार्ज डेवलप होगा वो प्लस होगा, और अगर प्रीवियसली जो है वो पॉजिटिव है तो जो फाइनल डेवलप होगा वो नेगेटिव डेवलप होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू बेटा? सिर्फ एग्जाम्पल है, इतना सीरियस नहीं लेना है। हाँ हाँ इतना सीरियस मत लेना, है ना। क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन ये था जिसका आपने आंसर तो नहीं किया, मैंने कर दिया, है ना। आपने से भी कुछ लोगों ने शायद किया होगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा बेटा ये है कि हमने पहले ही लिख दिया था कि ये ससुरा कंडक्टर है, ये कंडक्टर है ना। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि चलो इसका कंडक्टर होना जरूरी है, मैं मानता हूं, तभी तो इसमें से चार्ज निकल के जाएगा बेटा। जैसे आप अर्थिंग करोगे तो ये पॉजिटिव क्या बोलेगा कि हाँ भाई मैं तो कंडक्टर के अंदर हूं, मैं तो फ्लो कर सकता हूं, जा रहा हूं मैं। लेकिन अगर ये इंसुलेटर होता तो प्लस मूव करने से मना कर देता, मैं बोलता मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो फिक्स्ड हूं, है ना, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरे को तो फ्री नहीं किया गया है। तो ये कंडक्टर होना इसका तो जरूरी है, आप बताइए इसका भी जरूरी है क्या कंडक्टर होना, या फिर अगर ये इंसुलेटर है तो भी काम हो जाएगा? बताइए बताइए बेटा, ध्यान से सुनना। ये आपका कंडक्टर भी हो सकता है, ये आपका इंसुलेटर भी हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इसका काम तो सिर्फ दूर से ललचाने का है। आप एक इंसुलेटर ले लो, पहले से चार्ज कर दो उसको और यहां पे रख दो, है ना, चार्ज तो है ही उसके पास पॉजिटिव, उसको देख के नेगेटिव इधर आ जाएंगे, पॉजिटिव उधर चले जाएंगे, आपका जॉब हो गया। सो दिस वन नीड नॉट बी कंडक्टर और इंसुलेटर, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि कंडक्टर ही हो इंसुलेटर ही हो, कुछ भी हो सकता है, काम चलेगा, लेकिन उसका कंडक्टर होना आवश्यक है, ठीक है ना। तो मैंने आपको बढ़िया से ये सब चीजें अच्छे से सिखा दी हैं बेटा, और अगर गलती से एग्जामिनर कोशिश करता है यहां से क्वेश्चन देने की तो आप उस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, ठीक है ना। इस पे न्यूमेरिकल भी आ सकता है, ठीक है ना, आइडेंटिकल दे सकते हैं, नॉन आइडेंटिकल दे सकते हैं, दोनों मैंने करवा दिया। इस पे कोई न्यूमेरिकल बनता नहीं है, इस पे थ्योरी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैंने करवा दिए आपको, ये भी पूरा थ्योरी है फ्रिक्शन वाला भी, ठीक है ना। चलो जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर, मजा आ गया सर। अब आगे बढ़ते हैं, कूलॉम्स लॉ, ठीक है, कूलॉम्स लॉ, आ जाओ बेटा। कूलॉम्स लॉ क्या कहता है, देखो इंपॉर्टेंट बातें करेंगे, उसके बाद अपन ज्यादा कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग प्रैक्टिस कर पाए, क्योंकि कूलॉम्स लॉ पे दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, है ना। कूलॉम्स लॉ के अंदर फोर्स निकालना पूछ सकते हैं, वो पेंडुलम वाला क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार, ठीक है। देन यू कैन हैव क्वेश्चन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां पे जीरो होगा, ठीक है ना, द पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो, ये निकालने को बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, और मैं आपको एक एक चीज बढ़िया से डिटेल में करवाऊंगा। आइए बेटा पढ़ते हैं, आइए देखिए। कूलॉम्स लॉ कहता है कि मान लो तुम्हारे पास एक Q1 चार्ज है यहां पे और एक Q2 चार्ज है यहां पे, इनके बीच की जो दूरी है वो है बेटा R, है ना, R है। नाउ डिपेंडिंग ऑन कि दोनों पॉजिटिव हैं कि नेगेटिव हैं, उनके बीच में एक फोर्स लगेगा, इधर अट्रैक्शन वाला या फिर रिपल्शन वाला, एंड दैट फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू चार्जेस का प्रोडक्ट एंड इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। और जब इस पूरे को एक साथ लिखा जाए तो इट विल बी एफ प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, एंड वंस यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनैलिटी साइन अ कॉन्स्टेंट शुड बी इंट्रोड्यूस्ड, दैट कॉन्स्टेंट इज कॉल्ड K, इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्स्टेंट, एंड द फॉर्मुला बिकम्स के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना बेटा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ओके सर, ग्रेट। यहां पे बेटा जो K है उसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻¹. अब आप पूछेंगे सर यूनिट, तो बेटा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जब मैं यूनिट्स एंड डायमेंशन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको दिखाया था कि दे आस्क्ड द यूनिट ऑफ एप्साइलन नॉट, यहीं से एप्साइलन नॉट अभी बनेगा, इसकी यूनिट पहले आप देख लो, ठीक है।
देखो ये क्या है, न्यूटन, फोर्स क्या है बेटा, न्यूटन, तो न्यूटन ये इधर जाएगा, जब आप के की यूनिट निकालेंगे तो ये उधर जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन क्यू वन क्यू टू क्या है बच्चों, चार्ज का स्क्वायर, कूलॉम्ब स्क्वायर, ठीक है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम्ब स्क्वायर. नाउ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन यूनिट्स एंड डायमेंशंस कि अगर नीड है डायमेंशन निकालने की तो वो कैसे निकालना है, यू कैन डू दैट. आगे बढ़े, है ना, चलो. अच्छा अब देखो, ये फोर्स जो है बेटा वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है ना. अगर ये दोनों आपके प्लस और प्लस हैं तो ये रिपल्सिव होगा. अच्छा रिपल्सिव कैसे सर, एक में इधर लगा दूं एक में उधर लगा दूं चलेगा? नहीं बेटा, ऐसे नहीं लगाना है. ये बेटा एक सेंट्रल फोर्स है, जो कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स आप पढ़ते हैं ये एक सेंट्रल फोर्स है, और सेंट्रल फोर्स हमेशा अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ही लगता है, ठीक है ना. तो अगर ये आपकी लाइन ज्वाइनिंग है बेटे, तो इस पे इधर और इस पे इधर लगेगा. और ऐसा भी कहते हैं कि अगर F ऑन Q1 ड्यू टू Q2 है ये, और ये F ऑन Q2 ड्यू टू Q1 है, तो दीज टू फोर्सेस आर इक्वल, यानी कि F12 का मैग्नीट्यूड बराबर F21 का मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो बराबर होता है, इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक है. डायरेक्शन विल बी अपोजिट बट द मैग्नीट्यूड विल बी सेम, राइट राइट एवरीवन. चलिए सर, चलिए सर, क्वेश्चन क्वेश्चन कराइए सर, फटाफट आगे बढ़ते हैं, आइए, ज्यादा कुछ थ्योरी में रखा नहीं है, है ना. आओ बेटा चलो एक क्वेश्चन करो. मान लो मैंने यहां पे रख दिया 5 कूलॉम का चार्ज और यहां पे मैंने रखा 1 कूलॉम का चार्ज, ठीक है बच्चों? जी सर. इनके बीच की जो दूरी है बेटा वो है 1 मीटर. मान लीजिए इसमें फोर्स लगा आपका F1 और इसमें आपका फोर्स लगा बेटा F2. फाइंड F1 इज टू F2. ऑप्शन ए है बेटा 5 is to 1, ऑप्शन बी है बेटा 1 is to 5, ऑप्शन सी है बेटा 25 is to 1, या फिर ऑप्शन डी है 1 is to 1. फटाफट कम ऑन, पोल करें, पोल करें, अभी पता चल जाएगा, पोल कर लेते हैं. हाँ बेटा पीडीएफ आपको मिल गया होगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का, बिल्कुल मिल गया होगा, है ना, नो डाउट इन दैट. ए बी सी और डी, चलो बताओ क्या आंसर है. हो गया पोल, वाह बेटा वाह, 26% बच्चे बोल रहे हैं कि सर आंसर ए होगा, 5:1 होगा, है ना, क्योंकि सर यहां का चार्ज ज्यादा है यहां का चार्ज कम है, 5 है यहां पे 1 है, 5:1 होगा. हाय रे नमूनो. देखो बेटा मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया कि दोनों का फोर्स बराबर होता है, इस पे जो फोर्स लगा उस पे भी वही फोर्स लगा. आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ये दोनों मिलके एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, और एक्शन रिएक्शन पेयर का मतलब है दोनों में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगेगा. तो अगर इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, तो इक्वल का क्या मतलब हुआ, 1:1, इतनी सी तो बात है बेटा. देखो देखो, अगर तुमको इस पे फोर्स लगाना है, निकालना है, तो क्या लिखोगे, K Q1 Q2 5:1 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर. इस पे निकालना है तो क्या लिखोगे, K Q1 Q2 तो 1:5 अपॉन अगेन 1 का स्क्वायर. क्या दोनों सेम नहीं है बेटा, देखो तो क्या ये दोनों सेम नहीं है बेटा? सर सेम ही तो है, तो यही तो मुझे आपको सिखाना था, तभी तो मैंने ये क्वेश्चन दिया आपको. और देखो सिर्फ 50% लोग इसको सही किए हैं, बाकी लोगों ने पता नहीं क्या ही कर दिया है.
सो बोथ द फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट. तो अगर मैं आपसे सिर्फ मैग्नीट्यूड का रेशियो पूछूंगा तो आप बोलोगे सर 1:1 होगा. ठीक, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों. अब देखो ये जो आपने फोर्स लिखा था के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, इसमें जो के है ना बेटा उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/4πε0 क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. ठीक है बेटा, एप्साइलन नॉट जो है इसको बोलते हैं रिलेटिव, नहीं रिलेटिव तो नहीं, रिलेटिव तो एप्साइलन आर हो जाएगा, सॉरी एप्साइलन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. ठीक है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, किसी भी यू नो मीडियम में या फिर स्पेस में कितनी आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड को सेटअप किया जा सकता है वो बताता है ये. ठीक है, तो एप्साइलन नॉट की जो वैल्यू होती है बेटा वो होती है 8.85 × 10^-12. अब यूनिट बताओ बेटा इसकी, यूनिट बताओ बेटा इसकी. देखो के बराबर है 1/4πε0, 4π की कोई यूनिट नहीं है सर, तो क्या के और एप्साइलन नॉट रेसिप्रोकल हैं? रेसिप्रोकल हैं, हाँ है ना, इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है. तो अगर के की यूनिट ये थी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, तो एप्साइलन नॉट की यूनिट इसके जस्ट ऑपोजिट होगी या रेसिप्रोकल होगी, तो कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है, जस्ट उल्टा कर दो, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर. ठीक है बेटा, डन सर, डन सर, डन सर, डन सर, डन सर. चलो सर आगे बढ़ते हैं सर. देखो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आओ 2019 देखो क्या बोला इन्होंने. बोला कि भाई दो चार्जेस हैं ए और बी प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, मैं आपको सारा पीवाईक्यू भी कराता जाऊंगा साथ साथ में. एक है बेटा प्लस क्यू और यहां पे है बेटे माइनस क्यू. ठीक है सर, कहा गया कि इनके बीच लगने वाला फोर्स एफ है, कुछ भी डिस्टेंस ले लो इनके बीच में. ठीक है ना, लेट्स से द डिस्टेंस इज आर, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है बेटा वो एफ है, इनके बीच जो लगने वाला फोर्स है वो एफ है. ठीक, अब कहता है कि अगर 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, ये ए है और ये बी है, 25% चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर्ड टू बी, है ना, ट्रांसफर्ड टू बी, नया फोर्स बताइए, नया फोर्स बताइए, नाउ फोर्स विल बी हाउ मच, है ना. ठीक है सर, बताइए बेटा, पहला है 4f/3, अच्छा 4f/3 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है बेटा f ओनली, सेम रहेगा क्या. ठीक है, तीसरा ऑप्शन है बेटा 9f/16 और चौथा ऑप्शन है बच्चों 16f/9. पोल करें, हाँ चलो पोल करते हैं. कोरोना का साल नहीं बट कोरोना इस टाइम तक आया नहीं था, जब नीट का एग्जाम हो रहा था 19 में तब थोड़ी ना आया था कोरोना. कोरोना आया था 19 के एकदम एंड में, चाइना में आ गया था, फिर 20 शुरू होते ही इंडिया में लॉकडाउन लग गया था, है ना, आई थिंक फेब मार्च के आसपास में. तो उसको बोलते हैं कोविड-19, लेकिन वो अपना इफेक्ट दिखाना उसने इंडिया में 2020 से ही शुरू किया था. तो 19 पेपर वॉज नॉट अफेक्टेड ड्यू टू कोविड, बट 20 का जो पेपर था वो अफेक्ट हुआ था. हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है बताइए बेटा.
डन, पोल कर दिया आप लोगों ने। प्रेम कह रहा है इसका आंसर अगर बी नहीं हुआ तो मैं नीट नहीं दूंगा। इतने बड़े बड़े कमिटमेंट क्यों करते हो भाई तुम अपने साथ? तुम कहीं के तोप हो क्या? गलती तुमसे नहीं हो सकती क्या? ये क्या बात हुई? यही सब ईगो तो नहीं लाना है अपने अंदर? ये सब ईगो नहीं आने देना बेटा अपने अंदर, ये गलत ईगो है। मैं भी जब गेट का एग्जाम दे रहा था, पहला क्वेश्चन टॉलरेंस पे आया था, मेरे को लगा ये तो होगा ही होगा मेरे से, ईगो पे ले लिया था मैंने, 10 मिनट बर्बाद किए थे। फिर दिमाग में आया कि छोड़ यार ये नहीं हो रहा तो आगे बढ़ते हैं, बाकी क्वेश्चन करे, लास्ट में उस क्वेश्चन को दोबारा किया तो हो गया है ना, तो ऐसे ईगो में नहीं आते। इसमें तेरा घाटा, एनटीए का कुछ नहीं जाता। और एक्चुअली जो आंसर है बेटा वो बी नहीं है प्रेम, है ना, आंसर इज सी, आंसर इज सी, 9F/16। आई विल जस्ट कंफर्म। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, 9F/16 है। अब ये मत बोलना कि मैं नीट नहीं दूंगा, है ना। चलो बाप रे, 36% लोगों ने, 36% लोगों ने बी दिया है, यानी कि सेम रहेगा, है ना। क्या सोचा तुमने, क्या सोच के ऐसा बोला कि अगर 25% यहां से निकाल के उधर दे दें तो क्या ही फर्क पड़ेगा, है ना, यहां का चार्ज वहां आ गया, क्या ही फर्क पड़ेगा बेटा, एक बार निकाल के तो देखो क्या फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अच्छा 25% का मतलब क्या होता है? कैन आई से 1/4? 25% का मतलब क्या होता है बेटा? 1/4 है ना, 1/4। अरे यार 25% को क्या लिख सकते हो आप? 1/4 नहीं लिख सकते क्या? 100/25 है ना, तो इट विल बी 4, तो इट विल बी एक्चुअली 1/4 है ना, 1/4। तो अगर यहां से 1/4 गया तो कितना बचा यहां पे? क्यू में से क्यू बाई फोर चला गया तो यहां पे बचा बेटा 3Q/4, है ना, बिल्कुल सर। अब वो 1/4 यानी कि क्यू बाई फोर इसको मिल गया तो ये बनेगा -Q+Q/4, सही है ना। अरे भाई क्यू बाई फोर का ट्रांसफर होना है 1/4 का, तो यहां से माइनस कर दो, इसमें घटा दो और उसको इधर जोड़ दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा अपना, ये बनेगा आपका -4+1/4 × Q, तो इट विल बी एक्चुअली -3Q/4। अब देखो चार्जेस कैसे चेंज हो गए, जहां क्यू था वहां आ गया 3Q/4 और जहां -Q था वहां आ गया -3Q/4। डिस्टेंस विल रिमेन सेम, डिस्टेंस विल रिमेन सेम। अब जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे, प्रोडक्ट लोगे तो ऊपर क्या बनेगा, देखो 3Q/4 × 3Q/4, खाली मैग्नीट्यूड ले लो, है ना, इस पे खाली मैग्नीट्यूड लेते हैं अपन, तो आपका आंसर आएगा 3Q/4 × 3Q/4 × K/R² 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9/16। R will remain same। चलें आगे बढ़े, चलिए बेटा। अच्छा 2017 में जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा बच्चों, वो बहुत कैलकुलेटिव पूछ दिया, उसमें था कुछ नहीं, है ना, उसमें था कुछ नहीं, बट वो ना बहुत कैलकुलेटिव था। तो आइए मैं उसका अप्रोच आपको सिखा देता हूं, बट जो कैलकुलेशन है वो आप कर लेना, है ना, एक बार देख लेना। बहुत सारे बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया था एग्जाम में बिकॉज लॉट ऑफ कैलकुलेशन वॉज देयर इन द क्वेश्चन। बोलता सपोज द चार्ज ऑफ प्रोटोन एंड इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली। वैसे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटोन का चार्ज सेम होता है, बट अब वो बोल रहा है कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि भाई जो इलेक्ट्रॉन है जो प्रोटोन है उनका चार्ज थोड़ा सा अलग है। कहता है कि वन ऑफ देम इज माइनस ई, है ना, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो बोलता है माइनस ई है और जो प्रोटॉन का चार्ज है वो है E+ΔE, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। इफ नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम्स प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस डी
much greater than atomic size, a part is zero, then delta E is of the order of, है ना, delta E is of the order of. बताओ तो बेटा कैसे सॉल्व करोगे इसको आप? डेल्टा ई कितना होगा अगर नेट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशन इज जीरो. अच्छा पहले सोचो, हाइड्रोजन एटम बोल रहा है राइट, हाइड्रोजन की बात कर रहा है वो राइट, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होगा क्या बेटा? भाई हाइड्रोजन जो होगा है ना उसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. तो हाइड्रोजन का बेटा टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बताओ? अगर एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, जब आप दोनों को जोड़ोगे है ना, जब आप दोनों को जोड़ोगे तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन को मिला के एक हाइड्रोजन एटम बनेगा, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा? माइनस ई प्लस ई प्लस डेल्टा ई, ई और ई कैंसिल हो गए तो डेल्टा ई आ गया. अब सुनना, बोल रहा है कि दो हाइड्रोजन एटम ले लो, दो हाइड्रोजन एटम ले लो. हमने बोला ठीक है बेटा ले लिया. क्या एक हाइड्रोजन एटम में इतना चार्ज है डेल्टा ई? हाँ सर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है हाइड्रोजन के अंदर है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है तो दोनों को हमने जोड़ा, जोड़ने से डेल्टा ई आया. तो यहां पे भी डेल्टा ई चार्ज, यहां पे भी डेल्टा ई चार्ज. क्या बेटा इनके दोनों के बीच में रिपल्शन नहीं होगा? बिल्कुल होगा सर, दोनों में प्लस डेल्टा ई है तो रिपल्शन होगा है ना. अब वो बोल रहा है कि डेल्टा ई की वैल्यू बताइए सच दैट जो इनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है भाई, ग्रेविटी तो हमेशा अट्रैक्टिव होती है ना बेटा, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर ले. अच्छा क्वेश्चन है. देखो दो हाइड्रोजन एटम है, बराबर चार्ज है, उनके बीच में रिपल्शन हो रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक. इलेक्ट्रोस्टैटिक कह रहा है कि एक दूसरे से दूर चले जाओ, लेकिन ग्रेविटी बोलता है ना 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 ना, दूर मत जाना, ग्रेविटी की वजह से पास रहना पास रहना पास रहना. तो व्हेन डू यू थिंक बोथ विल कैंसल आउट ईच अदर? किसी भी एक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो जब ग्रेविटी वाला फोर्स बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला फोर्स होगा तो दे विल कैंसल आउट ईच अदर बेटा. सही बोल रहा हूं क्या? सही बोल रहा हूं क्या? बिल्कुल सही बोल रहे सर आप. तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर एफ ग्रेविटी. ठीक है जी सर. इनके बीच का डिस्टेंस चलो अपन आर ले लेते हैं, ठीक है ना, इनके बीच का डिस्टेंस अपन बेटा आर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, आर ले लो सर. एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या लिखा जाएगा? के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन क्यू टू क्या हो जाएगा? डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन अपॉन आर स्क्वायर है ना, बराबर जी, मान लो इसका मास एम, इसका भी मास एम, तो मैं लिखूंगा जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर. सही है बेटा, जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. पता है ना ग्रेविटी में ये फॉर्मूला होता है जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर. आर स्क्वायर ने तो आर स्क्वायर को मार दिया. तो जो लोग ये सोच रहे थे कि सर डिस्टेंस तो दिया नहीं है सर, सॉल्व कैसे करें, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है बेटा, आर स्क्वायर और आर स्क्वायर आपका कैंसल हो जाएगा. ठीक है, अब देखो, अब मेरे को चाहिए डेल्टा ई. कैलकुलेशन ऑलरेडी मैंने बोल दिया था, इसमें बहुत लेंदी दे दिया है इन लोगों ने. ठीक है, जी की वैल्यू होती है 6.67 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई. अब बताओ बेटा हाइड्रोजन का मास कितना लोगे आप लोग? हाइड्रोजन का आप लोग मास कितना लोगे बेटा? सर हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास तो सर बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम होता है ना. और आपको पता होगा हाइड्रोजन का मास हम लोग 1 amu लेते हैं, 1 amu इज इक्वल टू मास ऑफ अ प्रोटॉन. तो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ले लो, तो मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27 माइनस 27, अरे यार बार बार 7 क्यों लिख रहा हूं मैं यहां पे, का स्क्वायर है ना, क्योंकि m का स्क्वायर है, एंड डिवाइडेड बाय ये k यहां नीचे चला जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9. इसको सॉल्व करके डेल्टा ई का स्क्वायर आएगा और उसका रूट लेके आपका आंसर आएगा अराउंड 10 की पावर माइनस 37 कूलम्ब. जनरली इतना कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, ठीक है ना. और मैं अगर होता एग्जामिनर और ये क्वेश्चन मैं बना रहा होता
तो मैं आपको चार ऑप्शन ऐसे दे देता कि बताओ डेल्टा ई की वैल्यू कितनी है, और ये ज्यादा अच्छा लगता देखने में। मैं ऐसे दे देता, एक ऑप्शन ऐसे दे देता, अंडर रूट जी एम स्क्वायर, हाइड्रोजन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई के, दिस वॉज द राइट आंसर, है ना। ये पूछ लो ना बच्चे से, उसका मल्टीप्लीकेशन डिविजन क्यों टेस्ट कर रहे हो आप, ये देखो कि उसको फिजिक्स आ रही है कि नहीं आ रही, है ना। अगर यहां तक बच्चा ले आ रहा है तो ठीक है, दे दो उसको मार्क्स, है ना। तो यहां से देखो बेटा सॉल्व करके वही आएगा, डेल्टा ई बराबर जी एम स्क्वायर बाई के और उसका अंडर रूट, ठीक है ना। तो जिसको फिजिक्स आ गई वो इस क्वेश्चन को कर लेगा, बट उन्होंने फिर भी कैलकुलेशन वगैरह दे दिया था 2017 में, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन, ठीक है। एनीवेज कंसेप्ट आ गया बेटा आपको सभी को, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। चलो नाउ नेक्स्ट टॉपिक, है ना। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डाल लो बेटा पेंडुलम। चलो अगला क्वेश्चन यहां पे पेंडुलम का दिख रहा है मुझे, है ना। अगला हेडिंग आप डाल लो बेटा पेंडुलम। चलो हेडिंग डालो पेंडुलम, कम ऑन। रोटेशनल मोशन पार्ट थ्री पीडीएफ देखो ना जाके, उसी में होगा, क्या कहते हैं आपका सेशन में जाके देखो। लिंक वॉज नॉट गिवन, अच्छा मैं बोल दूंगा टीम को, है ना। ठीक है मैं बोल दूंगा टीम को, डोंट वरी। इस पर ही आया था दिमाग घिसने वाला क्वेश्चन, हाँ सही कह रहे हो आप, पेंडुलम पे अच्छा क्वेश्चन आया है। एनीवेज बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है वो, है ना। आ जाओ करते हैं इसको सॉल्व और पेंडुलम सीखते हैं, चार्ज्ड पेंडुलम क्या होता है, कैसे काम करता है ना। दो बार क्वेश्चन आया है लगातार 2 साल, ठीक है, एंड दैट वॉज इन आई थिंक ईयर 2016, अच्छा 16 और 13 में दो बार क्वेश्चन आया है फ्रॉम पेंडुलम, ठीक है। देखो बेटा होता क्या है, मान लीजिए एक स्ट्रिंग ये है और एक पेंडुलम ये है, ये दूसरा हो गया, है ना। ये एंगल वर्टिकल से आप थीटा ले लो, ठीक है बेटा, डन सर, ले लिया सर थीटा ले लिया। अब देखो होता क्या है, मान लो इसका चार्ज जो है वो आपका कुछ भी है Q ले लो, इसको भी आप Q ले लो, मास M ले लो, मास M ले लो, है ना, डन सर। बच्चों बताओ कितने टाइप के फोर्सेस लगेंगे पेंडुलम में, कितने टाइप के फोर्सेस लगेंगे। सर दो टाइप के फोर्सेस लगेंगे, कौन कौन से। एक अगर इनके बीच की दूरी आप x ले लो, अगर इनके बीच की दूरी आप x ले लो तो एक रिपल्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला, है ना, F इलेक्ट्रोस्टैटिक। कितना लिखा जाएगा, K Q स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर। कितना लिखा जाएगा तो बहुत सिंपल है, किधर होगा बस वो देख लो आप जल्दी से, है ना बेटा। ये भी चार्ज पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। नाउ यहां से नीचे लगेगा MG और यहां से भी नीचे लगेगा
एम जी। तो जो पहला क्वेश्चन पेंडुलम में बनता है वो ये है कि ये एंगल कितना होगा इन टर्म्स ऑफ दीज टू फोर्सेस, ये आप हमें बताइए। ठीक है ना बेटा, ये हमारा पहला क्वेश्चन होता है। देखो इसको कैसे अटेम्प्ट करना है, सुनो ध्यान से। ये आपने डायग्राम बना लिया सभी ने, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, एम जी यानी कि वेट नीचे, और इधर क्या लग जाएगा बच्चों? तो सर टेंशन लग जाएगा सर, ये तो है ना बेटा, ये तो सर टेंशन हो जाएगा। ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इस वाले चार्ज का। तो आप बोलोगे सर इधर लग रहा है एफ ई, सर नीचे लग रहा है आपका एम जी, और इधर लग रहा है आपका टी। अगर वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल देखा जाए तो ये थीटा है, तो ये भी आपका थीटा ही होगा, तो दिस इज ऑल्सो थीटा। अब इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक होता है बेटा कि आप कॉम्पोनेंट ले लो, है ना। एक होता है तरीका कि आप कॉम्पोनेंट ले लो, टी का दो कॉम्पोनेंट ले लो, सॉल्व कर लो। और एक होता है बेटा साइन लॉ, है ना, कि टी अपॉन साइन 90, फिर एफ ई अपॉन ये वाला एंगल, फिर ये आपका एम जी अपॉन ये वाला एंगल। मैं ऐसे में कॉम्पोनेंट लेना ज्यादा आसान समझता हूं, आपके लिए भी बहुत आसान पड़ेगा। फटाफट आप इसका कॉम्पोनेंट लेके इक्विलिब्रियम ले लो। देखो टी इधर लग रहा है, इधर थीटा है, तो ये हो जाएगा आपका टी कॉस थीटा। इधर ये वाला हो जाएगा आपका टी साइन थीटा। सही बोल रहा हूं बेटा, है ना, बिल्कुल सर। अब देखो राइट का फोर्स बराबर लेफ्ट का फोर्स फॉर इक्विलिब्रियम, तो यू विल बी राइटिंग टी साइन थीटा बराबर एफ ई, और ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, तो ये आ जाएगा टी कॉस थीटा बराबर एम जी। डिवाइड कर देंगे आप दोनों को, तो टी और टी कैंसिल, साइन बाय कॉस इज गिवन बाय टैन थीटा बराबर एफ ई अपॉन एम जी, आपका आंसर है। ठीक है ना। तो अगर एंगल पूछेगा आपसे कि व्हाट इज द एंगल विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल, वर्टिकल के साथ ये वाला एंगल कितना बन रहा है, तो आप क्या आंसर देंगे? सर टैन थीटा इज इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी, एफ ई अपॉन एम जी। इसको रट लो बेटा, इसको आप रट लो, ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? अगर x है तो आंसर ऑफ एफ ई इज के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, डन सर, लिख लिया, लिख लिया। चलो मान लो बेटा एक क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, और कहा, मैंने कहा कि यहां पे एफ ई लग रहा है और यहां पे एम जी लग रहा है। एकदम सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर मैं नीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा, अच्छा वाला, है ना, जो अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा था। यस, और हमें बोला गया, हमें बोला गया कि एफ ई इज अंडर रूट थ्री टाइम्स एम जी। बताओ थीटा कितना होगा, बताओ तो फटाफट। इसका आंसर तो तुरंत आना चाहिए, इसका आंसर तो तुरंत आना चाहिए। देखो tan थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी, है ना। तो एफ ई अपॉन एम जी कितना हो जाएगा? अंडर रूट थ्री। तो tan थीटा रूट थ्री कब होता है सर? यही तो पेन है हमको, है ना, 60 डिग्री पे होता है बेटा। 1/√3 होता है 30 पे, और रूट थ्री होता है 60 पे। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है कि आपको एफ ई और एम जी के बीच का रिलेशन दे दें और आपसे थीटा पूछ लें। ठीक, अब लेकिन हुआ क्या? एक्सपेक्टेड तो ऐसा था, लेकिन 2016 में कैसा आया देखो। क्या मैं आपको हर बार बोलता हूं बेटा कि 2016 का पेपर अच्छा आया था? हर बार बताता हूं कि आपको, जब भी मैं 2016 का क्वेश्चन आपको देता हूं, मैं आपको बताता हूं ना कि द क्वेश्चन वॉज गुड, है ना। रोटेशनल में भी देख लो, किसी भी चैप्टर में आप उठा के देखो, थोड़ा सा क्वेश्चन उस साल, है ना, थोड़ा सा जो है आप कह लो नीट के लेवल से ऊपर आया हुआ था। ठीक है, अब देखो बोलता है टू चार्ज स्फीयर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय टू मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल आर इनिशियली एट अ डिस्टेंस डी। पहली तीन लाइन में कुछ खास नहीं है, ऐसा बोल रहा है कि भाई दो चार्ज स्फीयर हैं, ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है ना, इनका लेंथ एल है, इनिशियल डिस्टेंस जो है वो डी है। और एक बात ऐसे भी बोली गई है कि जो ये डिस्टेंस है इनिशियल वाला, इनिशियल वाला, वो बहुत छोटा है बेटा एल से, वो बहुत छोटा है एल से, ठीक है ना। इसका भी कुछ यूज तो होगा, तभी बोला गया है।
बोल रहा है ये जो डिस्टेंस है डी, ये लेंथ के कंपैरिजन में काफी छोटा है, ठीक है ना? डन सर. कहता है द चार्जेस बिगिन टू लीक फ्रॉम बोथ द स्फीयर एट अ कॉन्स्टेंट रेट. अरे बाप रे, देखो बेटा कुछ तो चार्ज था इसमें, है ना, कुछ तो चार्ज था. अब वो चार्ज इसमें से धीरे धीरे लीक हो रहा है, लीक हो रहा है, और यहां से भी वो चार्ज धीरे धीरे लीक हो रहा है एट अ कॉन्स्टेंट रेट. अच्छा, चार्ज का लीक होना उसका रेट कॉन्स्टेंट है, मतलब क्या कॉन्स्टेंट है एक्चुअली सर? डी क्यू अपॉन डी टी. टाइम के साथ कितना चार्ज निकल रहा है. कॉन्स्टेंट रेट का मतलब क्या होता है? व्हेन वी टॉक अबाउट रेट, है ना, इन फिजिक्स में व्हेन वी टॉक अबाउट रेट ऑफ डूइंग समथिंग, तो हम जनरली बोलते हैं कि भाई टाइम से डिवाइड करो उसको, है ना. तो चार्ज अपॉन टाइम, ये आपका जो है बेटे कॉन्स्टेंट है दोनों साइड, है ना. अब सोचो जब चार्ज लीक करेगा, चार्ज आपका लीक करेगा, तो यहां पे जो प्रेजेंट चार्ज की वैल्यू वो कम हो जाएगी बेटा. तो अगर चार्ज की वैल्यू कम हो जाएगी तो ये रिपल्शन कम हो जाएगा. देखो ना, यहां से रिपल्शन नहीं होता बेटा, यहां से रिपल्शन होता है ना, एंड रिपल्शन डिपेंड्स ऑन चार्ज, है ना, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर, वट एवर. सोचो जब चार्ज ही कम हो जाएगा तो रिपल्शन कम हो जाएगा, और जब रिपल्शन कम हो जाएगा तो ये एक दूसरे के पास आएंगे. चमकता है, ये भी बात उसमें लिखी हुई है. एज अ रिजल्ट ऑफ लीकिंग द चार्जेस और स्फीयर्स अप्रोच ईच अदर विथ वेलोसिटी वी. अब ये एक दूसरे की तरफ आना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के नजदीक आना शुरू कर देते हैं वेलोसिटी वी के साथ, है ना, वेलोसिटी वी के साथ, ठीक है. बोलता है v का वेरिएशन बताओ विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस. अगर किसी पॉइंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे दो चार्जेस के बीच का या दो स्फीयर के बीच का डिस्टेंस x है, तो बताओ कितनी वेलोसिटी से वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, v और x में क्या रिलेशन है, है ना. दिस क्वेश्चन टेक्निकली शुड बी इन जेई एडवांस, है ना, जिस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया था ये नीट में आना ही नहीं चाहिए था, ठीक है. एम्स में भी आ जाता तो चल जाता, क्योंकि यार नीट में वी हैव जस्ट 1 मिनट और सो टू सॉल्व अ क्वेश्चन, और ये वो क्वेश्चन नहीं है जो आपका इतनी जल्दी सॉल्व हो जाए, है ना, 1 मिनट में सॉल्व हो जाए. बट फिर भी क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है, मे बी दे कैन टारगेट सिमिलर क्वेश्चन, है ना, सिमिलर कंसेप्ट एटलीस्ट दे कैन टारगेट, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और डिटेल में करेंगे, ठीक है. ये बेटा आपके ऑप्शंस थे, है ना. एनीवन विद द आंसर, अगर तुम पीवाईक्यू खोल के बैठे हो तो तुमको आंसर पता चल जाएगा कि आंसर सर ए है, है ना, वी प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर में -1/2. बट आंसर सच में हमारे लिए मैटर नहीं करता है, हमारे लिए मैटर ये करता है कि हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें और इससे क्या क्या क्वेश्चन इंटरमीडिएट स्टेप में बन सकता है वो सीख लें. हो सकता है हमसे सेम क्वेश्चन ना पूछे, बीच का कोई स्टेप पूछ ले, है ना, तो ये पॉसिबिलिटी है. कहां कहां से क्या क्या पूछ सकता है, एवरीथिंग आई विल टेल यू. पेन नीचे रख दो और ध्यान से सुनो, ठीक है बेटा. आ जाओ देखो सॉल्यूशन, डरने की जरूरत नहीं है बेटा, है ना, आ जाते हैं यार कई बार ऐसे सवाल, क्या कर सकते हो. देखो मान लेते हैं जब चार्ज लीक करना शुरू कर चुका है ना, और ये एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू कर चुके हैं, तो मान लेते हैं एक समय है टाइम टी, जब इस पे पहले वाले पेंडुलम पे चार्ज बचा हुआ है क्यू और दूसरे वाले पे भी बचा हुआ है क्यू, ठीक है बेटा, पहले वाले पे भी बचा हुआ है क्यू और दूसरे वाले पे भी बचा हुआ है क्यू. इनकी दूरी उसने खुद बोली है कि भाई वो एक्स के बराबर है, है ना, x के बराबर है, ये आपका l के बराबर है, उसने खुद बोला है कि दूरी x के बराबर है. और ऐसे में मान लेते हैं कि भाई जो स्पीड है आपका वो v है, है ना, स्पीड जो है आपका वो v है, जिससे ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं. पहला स्टेप जो आप लिखोगे बेटा वो क्या होगा पता है, जो मैंने आपको बोला था कि बेटा इस बात को रट लो कि जो एंगल है ना वर्टिकल के साथ थीटा, वो आप डायरेक्टली लिखो सबसे पहले तो, कि भाई
tan theta बराबर F electrostatics upon mg. लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं सर, है ना, F electrostatics upon mg. बहुत बढ़िया. अब देखना मेरी बात, सुनना ध्यान से. सेकेंड स्टेप होगा बेटा tan theta बराबर F electrostatics कितना होता है सर? वो होता है सर K Q1 Q2 यानी कि Q square अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू एम जी, इंटू एम जी, है ना बच्चों? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऐसा लिख सकते हैं सर हम लोग, है ना. अब देखो उसने एक बात बोली है कि ये जो डी है, जो सेपरेशन है, वो बहुत छोटा है लेंथ के कंपैरिजन में. अगर इसको विजुअलाइज किया जाए तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, लेंथ बहुत बड़ा है लेकिन ये सेपरेशन बहुत छोटा है. वो ऐसा बोला उसने इसलिए ताकि वो बता पाए कि भाई थीटा को तुम स्मॉल ले लो. ले सकते हैं कि बेटा थीटा को स्मॉल? अरे सोचो ना, ये सेपरेशन बहुत कम है, ये बोला उसने ये सेपरेशन बहुत कम है और ये लेंथ बहुत ज्यादा है, है ना. तो ऐसा कुछ बनेगा, बहुत लंबा लेकिन सेपरेशन बहुत कम, तो थीटा विल बी स्मॉल, है ना, कम होगा थीटा, बहुत कम सेपरेशन होगा तो थीटा विल बी स्मॉल. अब हमने बचपन से सीखा है कि थीटा अगर स्मॉल है ना, तो बेटा टैन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा होता है और कॉस थीटा अप्रोक्सीमेटली वन होता है. तो सर इसका क्या फायदा है इस क्वेश्चन में, यह बताइए. अगर मैं यहां पर टैन थीटा लिखने जाऊंगा, है ना, ये ट्राइंगल ले लिया मैंने बेटा, और मैं यहां पे अगर tan थीटा लिखने जाऊंगा तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? tan थीटा का ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय बेस, है ना, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट. अब मैंने देखा यार ये तो मुझे पता है कि x बाई टू होगा, पता है बेटा? अरे हाँ सर, यहां से यहां तक अगर x है तो ये तो x बाई टू होगा, तो ऑपोजिट तो मुझे पता है tan थीटा लिखने के लिए, बट एडजेसेंट नहीं पता, एडजेसेंट नहीं पता, ये कितना है नहीं पता. हाँ हाइपोटेन्यूज जरूर पता है सर, हाइपोटेन्यूज जरूर पता है सर. तो इसमें ये दिमाग लगाना था कि मैं टैन थीटा को भी थीटा लिख सकता हूं, साइन थीटा को भी थीटा लिख सकता हूं, इसका मतलब मैं टैन थीटा को साइन थीटा भी लिख सकता हूं. भाई टैन थीटा भी थीटा है, साइन थीटा भी थीटा है, तो टैन थीटा और साइन थीटा सेम रिजल्ट देंगे छोटे एंगल के लिए. अब सर साइन थीटा लिख के आपको क्या मिल गया सर, क्या फायदा हुआ सर आपका साइन थीटा लिख के? तो देख बेटा, मुझे इस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेन्यूज भी पता है, हाइपोटेन्यूज भी पता है, और मैं जानता हूं कि साइन थीटा होता है P by H, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, दोनों वैल्यूज मेरे पास हैं, तो साइन थीटा लिखने का फायदा ये हुआ. सीखो, आप क्वेश्चन को सीखो, भले कितना भी टाइम लग रहा है, एटलीस्ट ट्राई टू लर्न कि क्या मतलब है छोटे d का. d अगर छोटा है, लेंथ बड़ा है, तो उसका मतलब है थीटा छोटा होगा, और छोटे थीटा के लिए ये तीन चीजें लिखी जा सकती हैं खटाक से, ठीक है, tan थीटा, थीटा साइन थीटा, थीटा कॉस थीटा वन. तो tan थीटा और साइन थीटा बराबर हो जाएंगे. साइन थीटा लिखने का फायदा ये हुआ कि ये p बाई एच लिख सकते हो. अब देखो p है बेटा x बाई टू और एच है यानी कि हाइपोटेन्यूस है एल, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा को आप लिख सकते हो एक्स अपॉन टू इनटू एल. अब बच्चा डाउट पूछने लग जाता है सर 2l कैसे आया, है ना सर 2l कैसे आया? अरे बेटा वो 2l नहीं है, वो 2l नहीं है, वो 2l नहीं है, वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है, यानी कि x by 2 अपॉन l है, फिर ये 2 नीचे चला गया तो वो x by 2l जैसा दिख रहा है. प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगाइए, अच्छा क्वेश्चन है ना, दिस इज अ नाइस क्वेश्चन बेटा. तो मैं लिखूंगा x by 2 upon l, तो ऐसा दिखेगा, ठीक है ना. अब आप ध्यान से देखोगे बेटा तो इसमें क्या क्या चीजें वेरिएबल हैं, मैं सुनाता हूं आपको. क्या 2 चेंज होगा क्या? बिल्कुल नहीं. क्या l चेंज होगा क्या? नहीं सर, स्ट्रिंग का लेंथ तो सेम है, वो थोड़ा ना चेंज हो रहा है. हाँ सर, m चेंज हो रहा है क्या? नहीं, हमको बस चार्ज का बताया कि चार्ज लीक कर रहा है, मास तो नहीं बोला उसने, तो मास तो कॉन्स्टेंट लूंगा मैं. g भी सेम है सर. तो जो दो चीजें वेरिएबल हैं बेटा वो हैं x और q. आपको x और q के बीच का यहां से रिलेशन मिल जाएगा. देखो x स्क्वायर इधर गया तो ये बनेगा आपका x क्यूब और ये बन जाएगा आपका q स्क्वायर. तो x क्यूब प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर. ये एक इंटरमीडिएट स्टेप है,
और हो सकता है आगे नीट में, हो सकता है 24 में, 25 में, 26 में, 27 में, किसी भी साल में आपको सेम क्वेश्चन देके, क्योंकि नीट सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट करता है, हो सकता है आपको सेम क्वेश्चन देके बस इतना पूछ ले कि बताओ एक्स और क्यू में क्या रिलेशन है। इस क्वेश्चन में पूछा है वी और एक्स का, हम उस पर जाएंगे अभी, लेकिन ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन गया कि भाई एक्स और क्यू में क्या रिलेशन है। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया है ना, ये क्वेश्चन आ गया, तो आप देखो क्यू प्रोपोर्शनल टू, आप ऐसा लिख सकते हो एक्स की पावर में 3/2, है ना बेटा। तो ये वाला आंसर आपको चूज करना होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आएगा ही आएगा, बट आ सकता है, आ सकता है ना, 24 में भी आ सकता है, 25 में भी आ सकता है, 26 में भी, हो सकता है आज से 10 साल बाद आए, लेकिन कभी ना कभी they can ask कि भाई Q और X का रिलेशन बताओ, एंड विच इज वेरी सिंपल। अभी यहां तक आप चेक कर लो, कोई तकलीफ है तो बताओ, मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए, अभी तक तो आपको बहुत आसान लगा होगा, है ना। टेन थीटा बराबर एफ ई बाई एम जी, मैंने पहले ही प्रूफ करा दिया था, ठीक। एफ ई को मैंने के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिखवा दिया, ठीक है, एम जी नीचे है, बस एक छोटा सा दिमाग लगाना था कि टेन थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि टैन थीटा निकालना बड़ा मुश्किल था, तो उसको मैंने साइन थीटा लिख लिया छोटे एंगल के लिए, और छोटा एंगल क्वेश्चन में दिया हुआ है, डी छोटा है एल से तो एंगल छोटा होगा, बस उसको वहां पर रखा और मेरे को ये रिजल्ट मिला, है ना। तो यहां तक बेटा मेरे ख्याल से आपको कोई भी तकलीफ नहीं रही होगी, है ना बच्चों, कोई भी आपको तकलीफ यहां तक तो नहीं रही होगी। और अब मैं बस एक लाइन और लिखूंगा और आंसर आ जाएगा, एक लाइन बस मुझे और लिखना है और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा बेटा, अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में, लास्ट स्टेप वही है, दोनों साइड टाइम के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अब देखो क्या आएगा, देखो मैं बताता हूं आपको, है ना, क्यू का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में बेटा डी क्यू बाई डी टी हो जाएगा सर, ठीक है सर, है ना, बराबर, या फिर प्रोपोर्शनल लिख लो, चलो प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 3/2, अच्छा एक्स की पावर एन क्या होता है बेटा डिफरेंशिएशन, सर एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है सर, है ना। तो ये देखो एन बाहर आया यानी कि 3/2 बाहर आया, इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन यानी कि कितना 3/2 माइनस वन, कितना आएगा बेटा ये 3 - 1 2, मतलब सॉरी यहां पे 2 आ जाएगा, 1/2 है ना, तो दिस विल बी 1/2, दिस विल बी 1/2। लेकिन एक चीज और यहां पे आप लिखेंगे साथ में dx by dt, क्योंकि आप t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में, तो पहले आपने x को इग्नोर किया, चेन रूल याद करो बेटा डिफरेंशिएशन का, यहां पे x लिखा था आपने उसको t मान लिया, चलो t मान के सॉल्व किया तो 3/2 x की पावर 1/2 आया। अब उस x को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, कई बच्चे यहां पे फंस जाते हैं, बोलते हैं नहीं सर ये वाला पॉइंट हमको समझ में नहीं आया, समझाऊं ये वाला पॉइंट और अच्छे से, देखो अगर होता डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 3/2 यानी कि आप एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हो, दोनों में एक्स एक्स है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर तो आंसर आएगा 3/2 एक्स की पावर 1/2, दैट्स इट, खत्म खत्म। लेकिन अगर क्वेश्चन में यहां पे बेटा टी है, यू आर डिफरेंशिएटिंग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो एक एक्स्ट्रा डी एक्स बाई डी टी भी आपको लिखना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड चेन रूल, जो यहां पे अजीब चीज होती है, अलग चीज होती है, उसको अलग से डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये आ गया सर, अब देखो आपका आंसर यहां से बेटा आ जाएगा, देखो क्या आंसर आएगा, सुनो हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सर डी क्यू बाई डी टी इज कॉन्स्टेंट, कहां पे बोला था सर डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट है, ये देखो ना, लीक करने का रेट कॉन्स्टेंट था, लीक करने का रेट कॉन्स्टेंट था, तो डी क्यू बाई डी टी कॉन्स्टेंट था, ठीक है, तो ये गया, ये कॉन्स्टेंट बन गया, ये दोनों ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है बेटा, है ना, ये दोनों आपका ऑलरेडी कॉन्स्टेंट है। अब देखो ये क्या है, ये डी एक्स बाई डी टी, और ये सर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सर ये तो वेलोसिटी है सर, है ना, ये तो वेलोसिटी है सर, ये तो वेलोसिटी है सर, है ना। तो देख बेटा आपको मिलेगा ये सब, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो आपको मिलेगा कांस्टेंट प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1/2 इनटू वी बाई डीएक्स बाई डीटी बन गया वी, है ना। अब अगर आप एक्स बाई 1/2 को इधर भेज दोगे नीचे,
तो यू विल गेट v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन x की पावर 1 बाई टू, समझ आ रहा है, x की पावर 1 बाई टू को इधर भेज दो, है ना। अब जब आप इसको ऊपर लेके आओगे तो ये बन जाएगा v प्रोपोर्शनल टू x की पावर माइनस 1 बाई टू, विच इज योर आंसर। हो सकता है 2024 में यहां तक ना जाके यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ अगर चार्ज एक कांस्टेंट रेट से लीक कर रहा है तो बताओ चार्ज और एक्स के बीच में क्या रिलेशन है, तो आंसर आएगा चार्ज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर में 3/2, ठीक है ना, चार्ज प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर में 3/2। बढ़िया क्वेश्चन है ना, बहुत कम लोगों ने सॉल्व किया था 2016 में, बहुत कम लोगों ने सॉल्व किया था, है ना। 16 का पेपर देके जब बच्चे आए थे तो बहुत कई लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी हुए थे कि सर बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऐसे आ गए जो हमारे, है ना, ऊपर से ही चला गया बिल्कुल। तो ये क्वेश्चन बेटा वैसा ही है, समझ में आया है, समझ में आया है, आया है नहीं आया है। फिजिक्स कभी करीब नहीं आने देगी बायो वालों को ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है बिल्कुल। एक ब्रेक, हाँ अभी आपको एक ब्रेक देंगे, है ना। एक बार इसी क्वेश्चन को मैं धड़ाधड़ सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको यह लग जाए कि भाई अगर एग्जाम में सॉल्व करना हो तो कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। देखो हमने मान लिया कि चार्ज अभी क्यू है, हमने मान लिया चार्ज अभी क्यू है, हमने मान लिया डिस्टेंस एक्स है, वेलोसिटी वी है। देखो स्टेप बाय स्टेप एकदम स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सर मुझे भी समझ में आया। टैन थीटा को आप सबसे पहले क्या लिखोगे, एफ ई बाई एम जी लिखेंगे सर। सेकेंड स्टेप देखो, टैन थीटा को और क्या लिख सकते हो सर, एफ ई को लिख सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर एम जी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिखने में किसको दिक्कत हो सकती है सर। तीसरी चीज, साइन टेन थीटा को छोटे एंगल पे साइन थीटा भी लिख सकते हैं, तो इट विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर एम जी, यहां तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर। साइन थीटा को क्या लिखेंगे, तो देखो ये आपका थीटा है, यहां से यहां तक कितना हो गया एक्स बाई टू, और हाइपोटेन्यूस हो गया एल, गिवन है, तो साइन थीटा हो जाएगा एक्स बाई टू इंटू एल बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एम जी। L कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, mg कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, क्या बच गया, क्या बच गया, क्या बच गया, x स्क्वायर उधर गया, q स्क्वायर यहां है, तो यू विल गेट x क्यूब प्रोपोर्शनल टू q स्क्वायर, यहां से यू कैन राइट q प्रोपोर्शनल टू x की पावर में 3/2। देखो स्मूथ आया एकदम, इस बार एकदम स्मूथ तरीके से समझ में आया बेटा, है ना, स्टेप बाय स्टेप। शुरुआत यहां से होगी, फिर fe का वैल्यू डाला जाएगा, फिर sin थीटा लिखा जाएगा, sin थीटा इज x बाय 2l, हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, q का डिफरेंशिएशन हो गया आपका dq अपॉन dt, इसका हो गया 3/2 x की पावर 1/2 dx by dt, है ना, dx by dt, अच्छा सर डिफरेंशिएशन भी आया सर, ये मेरे को कांस्टेंट गिवन है, ये मेरा कांस्टेंट ऑलरेडी है, मेरे को मिल रहा है x की पावर 1/2, ये हो गया आपका v बराबर कांस्टेंट, तो v प्रोपोर्शनल टू x की पावर में माइनस 1/2, खत्म। इस बार मैंने एक बार एक फ्लो में करवा दिया, ठीक है ना, एक फ्लो में करवा दिया। एक और क्वेश्चन कर लो पेंडुलम का, फिर हम लोग ब्रेक लेंगे, है ना, उसके बाद ऐसा कुछ खास नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, उसके बाद सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चलेगा, है ना। एक क्वेश्चन और कर लो बेटा जो आया था आपका 2013 में, यह उतना टफ नहीं है, ठीक है ना। बोला टू पिथ बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस आर सस्पेंडेड फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट बाय स्ट्रिंग्स ऑफ इक्वल लेंथ। देखो कुछ नहीं है, एक डायग्राम आपको ऐसे गिवन है, ठीक है, ऐसे गिवन है ना, यहां से ऐसा सस्पेंड किया गया है, इक्वल चार्ज है बेटा, यहां पे भी क्यू और यहां पे भी क्यू, और बोला गया है कि ये जो हाइट है, इस बार हाइट गिवन है, ठीक है, इस बार आपको हाइट गिवन है, वाई है, और यहां से लेके यहां तक आपका आर है, ठीक है बेटा, यहां से यहां तक लेके आपका आर है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब वो कहता है कि द इक्वल सेपरेशन बिटवीन आर, ठीक है, नाउ द स्ट्रिंग्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड एट हाफ द हाइट,
इसको दोनों रस्सियों को यहां से हाफ द हाइट से पकड़ के ऐसे बंद कर दिया। समझ में आ रही बात? दोनों रस्सियां कैसी थी? ऐसे थी ना, ऐसे दो एंगल में थी ना, ऐसे यूं थी। कैसे समझाऊं मैं आपको? ऐसे थी, दो ऐसे थी, है ना, ऐसे थी। उसको क्या किया बेटा, बीच से पकड़ के, बीच से पकड़ के ऐसे चिपका दिया। तो जो नया डायग्राम बनेगा, अगर मैं यहां से पकड़ के ऐसे दो उंगलियां ऐसे चिपका दूं, तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। यहां से तो चिपक गया, यहां तक पूरा चिपक गया, अब यहां से ऐसे बनेगा, यहां से ऐसे बनेगा, है ना। समझ में आया बेटा? यहां से ऐसे पकड़ के दोनों को चिपका दिया, दोनों रस्सियों को, ठीक है ना। हाफ द हाइट मतलब अब ये हाइट कितनी रहेगी बेटा, y बाई टू रह गई सर, है ना। अब ये हाइट कितनी रहेगी बेटा, y बाई टू रह गई सर। तो हमें बताना है नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, r डैश। अब बताना है कि भाई r डैश कितना होगा। चलो ट्राई करो जरा, ठीक है, ट्राई करो बेटा जरा। अब आपका r डैश कितना हो जाएगा बताना है। ये इजी है, ये उतना टफ नहीं है, है ना बेटा, ये उतना टफ नहीं है। बाप रे, बुक में तो बहुत ही ज्यादा घटिया टाइप का सॉल्यूशन दिया हुआ है, बहुत ही बेकार जिसको कहते हैं, है ना। मैं आपको इसका बेस्ट सॉल्यूशन देता हूं, दो लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो देखो बेटा, सुन रहे हो सब लोग, जिंदा हैं? हाँ, सुनिए, मेरे पास एक फॉर्मूला है बेटा कि tan थीटा इज इक्वल टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपॉन एम जी। जी सर, बिल्कुल है सर, आपके पास ये फॉर्मूला है ना, बिल्कुल है सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस क्वेश्चन में एफ ई कितना हो जाएगा सर? वो हो जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू एम जी, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा था, वहां पे x डिस्टेंस लिया था, यहां पे r डिस्टेंस है, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब बेटा ध्यान से सुनना, यहां पे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि सेपरेशन बहुत कम है लेंथ से, नहीं लिखा है कहीं पे भी। तो एक बात बताओ, क्या मैं पिछली बार की तरह जो 2016 का क्वेश्चन किया उसकी तरह tan थीटा को sin थीटा लिखना चाहिए मुझे? बिल्कुल नहीं सर। वो आप तब लिखोगे जब आपको पता चले कि एंगल छोटा है, अदरवाइज मत लिखो आप, अदरवाइज मत लिखो आप, है ना। तो मैंने सोचा यार फिर tan थीटा कैसे निकलेगा, उसका जुगाड़ एग्जामिनर पहले ही कर चुका है। देखो कैसे कर चुका है, उसने मुझे इस बार हाइट दे दी है y, और यहां से यहां तक की दूरी मैं जानता हूं r बाई टू। तो इस बार डायरेक्टली हाइट गिवन है, इससे क्या फायदा होगा सर? जब मैं tan थीटा लिखूंगा तो वो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मेरे पास परपेंडिकुलर भी है, मेरे पास बेस भी है, तो क्या दिक्कत है मुझे? पिछले क्वेश्चन में क्यों नहीं लिखा सर आपने tan थीटा? क्योंकि मुझे हाइट गिवन नहीं था, मुझे ये गिवन था l, तो मेरे पास परपेंडिकुलर था, मेरे पास हाइपोटेनियस था। अब tan थीटा p बाय h तो नहीं होता, sin थीटा होता है p बाय h, तो मैंने sin थीटा tan थीटा बराबर मान लिया क्योंकि एंगल छोटा गिवन था और मैंने sin थीटा लिख दिया था। बट इस बार मुझे साइन का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, टेन से ही मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर टेन से ही काम हो जाएगा तो टेन थीटा विल बी परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि आर बाय टू अपॉन वाई, तो वाई नीचे आ गया, बराबर बेटे के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम जी। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरी बात, वहां पे चार्ज लीक कर रहा था, यहां पे कर रहा है क्या? नहीं, यहां पे कहां बोला है चार्ज लीक कर रहा है? तो चार्ज कांस्टेंट, चार्ज कांस्टेंट, ठीक है, मास कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, के कांस्टेंट, क्या वेरी कर रहा है? वाई वेरी कर रहा है ना, वाई यानी कि हाइट वेरी कर रहा है और दोनों के बीच का सेपरेशन। तो आई नीड अ रिलेशन बिटवीन आर एंड वाई, दैट्स इट, है ना। तो देखो आर को इधर ले जाओ तो ये बनेगा आर क्यूब, आर क्यूब, एंड दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू वाई, आर क्यूब विल बी प्रोपोर्शनल टू वाई। बेटा बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है कि नहीं है बताओ रे बाबा, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है कि नहीं है? क्या डिफरेंसेस हैं अप्रोच में, क्या अलग करना है, मैंने सब समझाया आपको। यहां पे टेन को साइन नहीं लेना है, मैंने समझाया आपको,
है ना, यहां पे चार्ज वेरिएबल नहीं है, वहां पे चार्ज का एक इक्वेशन आया था, यहां पे चार्ज कांस्टेंट हो गया, गायब हो गया इक्वेशन से, आउट ऑफ द पिक्चर हो गया, क्योंकि चार्ज इज कांस्टेंट, है ना। तो जो कांस्टेंट है वो सब गायब, जो बचा हुआ है उनके बीच का रिलेशन। अब सुनो रे बाबा, क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, कि सर आर प्रोपोर्शनल टू वाई की पावर में 1/3। हाँ, इधर 3 है, उधर जाएगा 1/3 बनेगा। अच्छा, अब तो हो गया सर क्वेश्चन, वाई में कितने का फैक्टर आ रहा है? 1/2। कितने का आ रहा है बेटा? 1/2। तो एक तरीका कहता है कि मैं वाई के जगह पे 1/2 लिखूं तो आर में कितने का फैक्टर आएगा? 1/2 की पावर 1/3। सही तो है, ये देखो ना, यहां पे 1/2, पावर में 1/3, ऊपर तो चलो 1 है तो 1 ही रहेगा, नीचे क्या आएगा? 2 की पावर में 1/3। इसको लिख सकते हैं 1/√2। यही आपका आंसर है, इसको आप लिख सकते हैं 1/√2। तो r/√2, ये आपका आंसर है, डी ऑप्शन दिया हुआ है बुक में। लेकिन लेकिन कई बच्चों को ये मेथड थोड़ा कम चमकता है, मान लीजिए बहुत ज्यादा अगर प्रैक्टिस नहीं है, है ना, बहुत अच्छे से आप इसमें महारत हासिल नहीं कर पाए हैं अभी तक, तो आपके लिए एक बेटर मेथड मैं देता हूं, ठीक है, जिसमें आपको ज्यादा फील आएगी इफ यू आर नॉट फाइन विद द प्रीवियस मेथड। तो आप क्या करो, इसको लिख लो r/√y, है ना। अब आप इसको ऐसा लिख लो बेटा, रेशियो लिख लो r2/r1 बराबर y2/y1 की पावर में 1/3। लो भाई, ऐसे कर लो आप, ठीक है। r2 यानी कि फाइनल डिस्टेंस आपको निकालना है, r1 यानी कि इनिशियल डिस्टेंस, सर वो तो r गिवन है सर, बराबर y2/y1 कितना है सर? हाफ हो रहा है सर, हाफ, देखो ना बाद में हाफ हो गया है सर, तो ये 1/2 की पावर में 1/3 आ गया। वेरी गुड। अब ये r जो है वो इधर चला जाएगा ऊपर, तो यू विल गेट r2 बराबर r/√2 की पावर में 1/3, विच कैन ऑल्सो बी रिटन एज r/√2। दिस इज द आंसर। अगर आप दोनों क्वेश्चन देखोगे जो मैंने पेंडुलम में आपको करवाए, जो नीट में प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, काफी सिमिलैरिटी है रे बाबा, काफी सिमिलैरिटी है। शुरुआत यहीं से होगी, टेन थीटा बराबर Fe/mg से ही होगी, Fe का फॉर्मूला सेम तरीके से लिखा जाएगा। पिछले क्वेश्चन में बस इतना था कि टेन को साइन लिखना पड़ा, क्योंकि हमें ये लेंथ गिवन था और थीटा एंगल स्मॉल गिवन था, तो टेन को हम साइन लिख सकते थे। यहां पे ऐसा गिवन नहीं था कि छोटा एंगल है या जो भी, यहां पे सीधा मेरे को हाइट गिवन थी, तो मैंने सीधा परपेंडिकुलर बाय बेस किया, टेन थीटा आ गया। उसके बाद का काम जो है वो बहुत सिंपल है, एक बार रिलेशन आ गया तो फिर आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं। अब थोड़ा बेटर फील हो रहा है, हाँ, दो क्वेश्चन सेम, लगभग सेम मेथड से आपने सॉल्व किया बेटा, आर यू फीलिंग बेटर? यस यस। चलो तो अपन अभी जो है ना, खाना भी खाना है मुझे, लंच भी करना है। ये टॉपिक टफ है सर? नहीं बेटा, टॉपिक तो टफ नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था मैं मानता हूं, बट आप जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो सिर्फ इजी इजी काम करके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, है ना। ऐसा समय भी आएगा कि कभी कभी आप बहुत इजी काम करेंगे, कभी आपको थोड़ा डिफिकल्ट काम करने पड़ेंगे। एवरेज जो है, एवरेज नीट का जो पेपर है वो इजी होता है, बट कुछ क्वेश्चन बीच बीच में ऐसे आ जाते हैं, तो वो मैं आपको करवा रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। मेरा एम ये नहीं है कि आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दूं, आपको दिखा दूं कि नीट कितना, फिजिक्स कितना डिफिकल्ट है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि डिफिकल्ट सवाल को भी अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो वो ईजी हो जाता है, और वही कोशिश है हमारी सेशन में कि जो डिफिकल्ट पार्ट लगता है सभी बच्चों को वो आपको ईजी लगने लग जाए, है ना, ताकि अगले साल अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ गया सिमिलर तो आप उसको तुरंत उड़ा देंगे। और ऐसा होता है नीट में बेटा कि जो पहले क्वेश्चन आ चुका है वो कई बार देखा गया है, रिपीट होता ही होता है, है ना। इसीलिए PYQs करना बहुत इंपॉर्टेंट भी है बेटा, है ना। अब एक काम करते हैं, कितना लंच टाइम कितना चाहिए आपको? 25 मिनट ले लें, बताओ। अभी हो रहा है बेटा 2:04, है ना, अपन ना 2:30 मिलते हैं, ठीक। 2 घंटे से ज्यादा हम लोग पढ़ चुके हैं,
25 मिनट का ब्रेक ले लो, मुझे भी खाना खाना है ना, मैं भी लंच करूंगा। तो अपन मिलते हैं बेटा 2:30 पे। इस ब्रेक के बीच में आपको एक मॉक टेस्ट सीरीज का लिंक दिया गया है, मैं अभी जब वापस आऊंगा ना लंच करके तो आपको वो ओपन करके भी दिखाऊंगा, उसमें आप तब तक खुद को एनरोल करके रखना, ठीक है ना। यस, 25 मिनट का ब्रेक है बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे की तैयारी करते हैं अपनी बढ़िया से, ठीक है। अब कोई ऐसा डिफिकल्ट सवाल नहीं है हमारे सामने आगे, ठीक है, बाकी सारा स्मूथ है पूरा का पूरा चैप्टर, ये वही एक दो सवाल ही थे जो थोड़े से अतरंगी से आए हुए थे, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं 25 मिनट के बाद, ठीक, ओके।
हाँ जी बेटा, हो गया लंच? यस, स्टार्ट करें? डन, चलो बहुत बढ़िया। लेट अस बिगिन, है ना? तो हमने क्या पढ़ लिया बेटा? पेंडुलम प्रॉब्लम्स कर लिए हमने, है ना? यस सर, पेंडुलम वाले सारे प्रॉब्लम्स हमारे हो गए। ठीक है, डन। आइए अब पढ़ते हैं बच्चों कि जब डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में हमको चार्जेस गिवन रहेंगे और हमसे पूछा जाएगा कि भाई नेट फोर्स निकालो, तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है ना? उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं, ठीक है? तो पहला शेप जो आता है बेटा वो है अपना ट्रायंगल, ठीक है ना? पहला जो शेप आता है बच्चों वो है अपना ट्रायंगल, ठीक है ना? तो ऐसा बोलेंगे कि मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट? ये देखो ऐसे है इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है? यहां पे क्यू रखा है, यहां पे क्यू रखा है, यहां पे क्यू रखा है। अब इक्विलैटरल में सारे एंगल कितने होते हैं? 60 होते हैं सर, है ना? लेंथ क्या होता है? तो एल होता है। अब बोलेगा किसी एक चार्ज पे आप फोर्स निकालिए। बहुत सिंपल होता है ये वैरायटी, ठीक है? बट यस, वी हैव टू कवर ईच एंड एवरीथिंग, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो डिफिकल्ट हो, सब कुछ करेंगे, डिटेल्ड कोर्स है ना? तो बेटा हम बोलेंगे कि ये वाला जो चार्ज है ये इस पे एक फोर्स लगाएगा। लेट्स से कैलकुलेट फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज, किसी भी एक पे निकालना है तो मान लो मैं इस पे निकाल रहा हूं, ठीक है ना? तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, क्या दोनों पॉजिटिव हैं? बिल्कुल सर। तो रिपल्शन होगा, है ना? तो ऐसे बना दो और इसको ऐसे बना दो, यूं आपका रिपल्शन हो जाएगा, ठीक है सर? कितना फोर्स लगेगा बच्चों? तो मैं लिखूंगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, है ना? के क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है? अब ये क्यू और ये क्यू इनके बीच में भी रिपल्शन होगा बेटा, है ना? तो ये इसको इधर ढकेलेगा, ठीक है ना? बिल्कुल सर। तो इसको भी मैं लिखूंगा के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, राइट सर? तो हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर? टू ऑन दिस चार्ज। कितने फोर्सेस हैं? दो। इनके बीच का एंगल कितना है बेटा? 60 डिग्री, है ना? अब मुझे नहीं पता कि कितने बच्चे जानते हैं कि हाउ टू ऐड द वेक्टर्स व्हेन द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री। अगर आप जानते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं बेटा। रिजल्टेंट ऑफ एनी टू वेक्टर्स, उसका जो स्क्वायर होता है, इज गिवन बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा। जहां पे पी है बेटा पहला वेक्टर, क्यू है बच्चे दूसरा वेक्टर, और थीटा है उनके बीच का एंगल। अब इनके कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं जो मैं आपको याद करा देता हूं। अगर बेटा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 60 डिग्री, है ना, और दोनों फोर्सेस बराबर हैं, मान लो दोनों वेक्टर्स अगर आपके बराबर हैं, तो आप P की जगह पे भी F डालोगे, यहां पे भी F डालोगे, ये भी F, ये भी F, और cos 60 डालोगे बेटा, तो आपको आंसर मिलता है बच्चों अंडर रूट 3 टाइम्स 1 ऑफ द फोर्स, एंड दिस विल बी बाइसेक्टिंग द एंगल, है ना? बीचों बीच से जाता है। दीज आर द बेसिक्स ऑफ वेक्टर, दीज आर द बेसिक्स ऑफ वेक्टर, ठीक है? P के जगह पे F डाल दो, Q के जगह पे F डाल दो, और थीटा के जगह पे 60 डाल दो, रिजल्ट आएगा आपका √3F, और एंगल विल बी बाइसेक्टिंग, क्योंकि जब दोनों फोर्सेस बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से जाता है। ये कंडीशन है बेटा, इस फोर्स और इस फोर्स का बराबर होना जरूरी है, सच दैट रिजल्टेंट विल बाइसेक्ट द एंगल, ठीक? पहला ये हो गया, यहां पे भी यही लगेगा, आते हैं उस पे अभी। दूसरा है बेटा जब 90 डिग्री होगा, मोस्ट कॉमन इज 90 डिग्री, ठीक है? यहां पे मान लीजिए आपका एंगल है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट के फॉर्मूले में आप P बराबर F डाल दीजिए, Q बराबर F डाल दीजिए, और थीटा को आप 90 डाल दीजिए। वंस यू सॉल्व दिस फॉर 90 डिग्री आपको आंसर मिलता है √2 × F। अगेन इट विल बाइसेक्ट द एंगल, क्योंकि ये और ये फोर्स बराबर हैं, है ना? F और F बराबर हैं, तो बाइसेक्ट, और बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ सर? टोटल एंगल 90 है तो ये 45 हो जाएगा, है ना? 45 डिग्री पे गुजरेगा अपना रिजल्टेंट,
डन सर। और कोई बताना चाहेंगे आप? 120 डिग्री है ना, 120 डिग्री का रिजल्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स आपका इधर लग रहा है, कितना एंगल है दोनों के बीच में बेटा? सर 120 डिग्री है सर। इसका जो रिजल्टेंट होता है जब आप इसको सॉल्व करोगे यहां पे 120 डाल के, यू विल गेट द रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू एफ ओनली एंड अगेन इट विल बाइसेक्ट यानी कि 60 डिग्री बीचों बीच है ना, बीचों बीच से ठीक है। तो 60 डिग्री होने पे कितना रिजल्टेंट? रूट 3f। 90 डिग्री होने पे कितना रिजल्टेंट है बेटा? रूट 2f। और 120 होने पे कितना रिजल्टेंट है? जस्ट f। कंडीशन क्या है? दोनों फोर्सेस बराबर होने चाहिए तब आप ये लगा सकते हो। मैंने देखा यहां पे दोनों फोर्सेस बराबर हैं है ना, सेम है, और बीच में एंगल है 60, तो मैं कहूंगा कि भाई जो रिजल्टेंट होगा ना वो होगा ऊपर की तरफ, बीचों बीच से जाएगा, और आंसर होगा इसका अंडर रूट 3 टाइम्स वन ऑफ द फोर्स यानी कि KQ² / L² डन एंड डस्टेड है ना बेटा। दिस इज हाउ यू हैव टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन अगर कुछ इस प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए। ठीक है, लिख लो जल्दी से इसको बेटा, फटाफट लिख लो बेटा जल्दी से इसको, और जब लिख लो तो मुझे बता भी देना ठीक है ना। ठीक, चलिए वेरी गुड, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर मैं छोटा सा चेंज करूं, बहुत छोटा सा चेंज करूं, तो देखना आंसर कैसे बदलता है एकदम से है ना। यहां पे मैंने क्यू लिया, यहां पे भी मैंने क्यू लिया, बट इसको मैंने बेटा इस बार माइनस क्यू कर दिया। ठीक, इसको मैंने इस बार माइनस क्यू कर दिया। अब ये एल है, ये एल है, ये भी एल है। ठीक है बेटा, आपसे मैं सवाल पूछता हूं, क्या होगा आंसर फॉर नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज? यहां पे मुझे नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, तो मैं आपको ऑप्शंस देता हूं। ठीक है, पहला ऑप्शन है, देखो पिछली बार जो आंसर आया था वो क्या आया था? पिछली बार जो आंसर आया था वो आया था रूट 3 KQ² / L² ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ। तो इस बार मैं आंसर में पहला ऑप्शन दे रहा हूं रूट 3 KQ² / L² नीचे की तरफ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं बेटा जस्ट KQ² / L² ऊपर की तरफ। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है बच्चों KQ² / L² राइट की तरफ। ठीक है ना, और चौथा ऑप्शन है आपका KQ² / L² लेफ्ट की तरफ। बताओ ए बी सी डी कौन सा सही है? ठीक है, एंड आई विल डू द पोल फॉर दिस। ठीक है, आपको डायरेक्शन भी बताना है, राइट बेटा, आपको डायरेक्शन भी बताना है, नॉट ओनली मैग्नीट्यूड, यू हैव टू टेल द डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, ए बी सी और डी, चलो भाई देखते हैं क्या आंसर है ना। आइए आप लोग पोल में आंसर दीजिए फटाफट। ठीक है, हाँ जी, ये एक्चुअली थोड़ा सा आपको फंसाने की कोशिश करी गई है यहाँ पे है ना, थोड़ा सा ध्यान से आंसर दीजिएगा क्योंकि एक गलती इसमें कई बच्चे करते हैं है ना, पिछले क्वेश्चन को देखते हुए इस क्वेश्चन में जैसे ही आते हैं बच्चे तो एक गलती करते हैं। आई थिंक वो गलती यहाँ पे ज्यादातर बच्चों ने नहीं करी है बट कुछ लोगों ने कर दी है, कुछ लोगों ने कर दी है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो बेटा, कुछ लोग तो ये बोल देते हैं कि सर अगर पिछले वाले में आपने तीनों पॉजिटिव लिए क्यू 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 तो ये आंसर आया रूट 3 KQ² / L² ऊपर, तो सर इस बार वो नीचे हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है। ऐसा नहीं होता, वेक्टर में पूरा खेल पलट जाता है। देखो कैसे, आपका ये क्यू पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है ना, इनके बीच में तो रिपल्शन होगा ऐसे। ठीक है, कितना होगा? तो सर ये होगा KQ² / L². अब सुनो, ये माइनस है और ये प्लस है, इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन यानी कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग, ऐसे फोर्स लगेगा बेटा, ऐसे ऐसे फोर्स लगेगा बेटा, और मैग्नीट्यूड वाइज सेम होगा KQ² / L². अब आपको अगर दो फोर्सेस को सॉल्व करना है, रिजल्टेंट निकालना है, यू शुड नो एंगल बिटवीन देम। तो वॉट इज द एंगल बिटवीन दिस फोर्स एंड दिस फोर्स? ये वाला एंगल कितना है बताइए? सर वो 120 डिग्री है सर, ये 120 डिग्री है सर, एंगल ही चेंज हो गया।
पिछली बार ये फोर्स इधर ना आके इधर आया था तो ये एंगल 60 था, तो आपने लिखा 60 में रूट थ्री टाइम्स द फोर्स, लेकिन इस बार वो एंगल उधर ना होके, फोर्स उधर ना होके इधर है, तो यानी कि 120 है. 120 में रिजल्टेंट होता है एफ के बराबर, ये आपका एफ है, तो के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर. अब डायरेक्शन भी पूछ लिया था, कई लोगों ने बी ऑप्शन दे दिया है ना कि ऊपर होगा. देखो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ऐसे ऐसे, तो इनका रिजल्टेंट ऐसे आएगा आगे, है ना बेटा, ये तो कॉमन सेंस है, ठीक है ना. एक्चुअली आपका एक फोर्स इधर है एफ और एक फोर्स इधर है एफ, तो इनके जो वर्टिकल कॉम्पोनेंट होंगे वो तो कैंसिल हो जाएंगे, बराबर बराबर होंगे, है ना. हॉरिजॉन्टल वाला इसका और इसका जुड़ जाएगा, तो राइट की तरफ आंसर आएगा, है ना बेटा. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक, डन, यस, डन. ओके सर, आगे बढ़ते हैं सर. कूलम्स लॉ एंड वेक्टर फॉर्म तो करेंगे हम लोग, उससे पहले थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है ना. देखो बेटा, मैंने आपको एक ट्रायंगल दिया, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल है. सभी लेंथ जो है इसके एल है. ये क्वेश्चन आपका जेई में आ चुका है, ठीक है ना. तो मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं क्या पूछा था उन्होंने, कैसे पूछा था. हाँ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल बोल रहा हूं यार, इक्विलैटरल, सॉरी, है ना, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट. और इसका जो सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड है जो सेंटर पॉइंट है, उस पे एक चार्ज रख दिया. क्या रख दिया? सेंट्रोइड पे, सेंट्रोइड पे. तो जब बोलेगा सेंट्रोइड, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, सेंट्रोइड अगर ओ है, तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि सेंट्रोइड होता कहां पे है, है ना, सेंट्रोइड होता कहां पे है. तो देखो, पहले आप ये सीखो कि अगर आप ए और ओ को ज्वाइन कराओगे, ओ इज द सेंट्रोइड, है ना, सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ एनी एरिया, है ना. और ए को आप ज्वाइन कराओगे, बी और ओ को आप ज्वाइन कराओगे, ओ और सी को आप ज्वाइन कराओगे, तो ज्योमेट्री कहती है कि ए ओ बराबर बी ओ बराबर सी ओ बराबर एल अपॉन रूट थ्री होता है. समझ में आ रही बात? चाहे आप ओ से ए की दूरी पकड़ो, चाहे ओ से बी की दूरी पकड़ो, चाहे ओ से सी की दूरी पकड़ो, ये सारे आपके एल अपॉन रूट थ्री के बराबर होते हैं. पहले तो आप ये लिखो बेटा, है ना, पहले तो आप ये लिखो बेटा. अब देखो, ये जो लाइन है, है ना, ये इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी. तो ये एंगल कितना हो गया आपका 30, क्योंकि टोटल तो बेटा 60 था, तो ये छोटा वाला एंगल कितना हो गया 30. सिमिलरली ये एंगल कितना हो गया बेटे, ये भी 30 हो गया सर, ये भी 30 हो गया सर, है ना. अब बेटा इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, बी ओ ए, है ना, बी ओ ए, ये एंगल 30 है, ये 30 है, तो 30 30 मिलकर 60 हो गए. तो ये कितना बच गया बच्चों, बताओ फटाफट बताओ मुझे, ये कितना बच गया बेटा? सर 120, है ना. अगर ये 30 है, ये 30 है, तो ये बच गया आपका 120. ठीक है सर, तो ये 120. सिमिलरली देखो, ये भी 30, ये भी 30, तो ये भी आपका 120, है ना बेटा? बिल्कुल सर. और देखो ये भी आपका 120. अब टोटल देख लो, 360 आ रहा है, टोटल एक सर्कल की तरह बन जाएगा ना, तो 360 आ जाएगा. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हैं सेंट्रोइड की, ये अगर याद रहे तो बड़ी अच्छी बात है. अब इस पे जेई ने क्या पूछा, उन्होंने पूछा कि भाई साहब मेरा एक चार्ज यहां पे रखा है क्यू, यहां पे रखा है क्यू, यहां पे रखा है क्यू, और सेंटर पे रखा है कैपिटल क्यू, बताइए व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू. समझ में आ रहा क्वेश्चन? जो चार्ज सेंट्रोइड पे रखा हुआ है उस पे कितना फोर्स लगेगा, ये हमसे पूछा गया है. कैन एनीवन टेल इन द क्लास कितना लगेगा? एनीवन इन द क्लास कितना फोर्स लगेगा? बताओ, सोचो सोचो सोचो. यहां पे क्यू है, यहां पे क्यू है, यहां पे क्यू है, सेंट्रोइड पे आपका कैपिटल क्यू है. ये लाइन जोड़ी हमने, ये लाइन जोड़ी हमने, ये लाइन जोड़ी हमने, ये तीनों एंगल आपका 120 120 120. नेट चार्ज जीरो, नहीं नेट चार्ज नहीं बेटा, नेट फोर्स जीरो.
बिल्कुल सही, जीरो इज द करेक्ट आंसर। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे सर आप? देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं। देखिए ये जो क्यू है इस कैपिटल क्यू को इधर रिपल करेगा, तो एक फोर्स आएगा नीचे, सही है ना? ये क्यू इस पे रिपल्शन करेगा, ऐसे रिपल्शन होगा तो एक फोर्स नीचे आएगा, ठीक है सर। ये क्यू इस क्यू को फिर रिपल करेगा तो एक फोर्स आएगा बेटा इधर ऐसे, और ये क्यू इस क्यू को इधर रिपल करेगा, ये भी फोर्स आएगा इधर। क्या ये तीनों फोर्सेस बराबर होंगे? एक नीचे इसकी वजह से इधर, एक इधर ऐसे, और एक इधर ऐसे, क्या ये तीनों बराबर होंगे? हाँ सर। कैसे बराबर कह दिया सर आपने? मैंने बराबर इसलिए कह दिया क्योंकि ये लेंथ सारी एल बाई रूट थ्री है। ये देखो ओ से लेके ए, ओ से लेके बी, ओ से लेके सी, सारा लेंथ बराबर है, तो तीनों फोर्सेस बराबर। और ये एंगल कितना? 120। एक पॉइंट अपनी कॉपी में लिख लो, अगर तीन इक्वल फोर्सेस एक दूसरे से 120 डिग्री में एक्ट करते हैं तो नेट फोर्स जीरो आता है। लिख लो इस पॉइंट को, व्हेन थ्री इक्वल फोर्सेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली, आर एक्टिंग एट 120 डिग्रीज टू ईच अदर, देन द रिजल्टेंट इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, आप बोलेंगे सर कैसे इसको थोड़ा प्रूफ कर सकते हैं क्या आप? देखो अभी कर देता हूं, ये इधर और ये इधर और ये इधर है ना, ये तीनों कितना है बेटा? सर 120 है सर, 120 है सर, ये भी 120 है सर, है ना? देखो अब मैं कहता हूं कि आप तीन को भूल जाओ, दो पे फोकस करो, ठीक है, इस पे और इस पे फोकस करो, इनका रिजल्टेंट बताओ किधर होगा। तो आप बोलोगे सर आपने अभी भी बताया था कि अगर दो फोर्सेस के बीच का एंगल 120 है तो उनका रिजल्टेंट बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, यानी कि इसका बीचों बीच क्या हुआ, ये ऐसे जाएगा और मैग्नीट्यूड होगा एफ, याद आया? 60 डिग्री होने पर रूट थ्री एफ, 90 डिग्री होने पर रूट टू एफ, और 120 होने पर जस्ट एफ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये रहा ऊपर की तरफ एफ, और तीसरा फोर्स अगर आप देखोगे तो वो नीचे है, नीचे की तरफ एफ। अब आपको पता है एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे बराबर मैग्नीट्यूड, तो रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी जीरो, ठीक है ना? तो व्हेन थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एट 120 डिग्रीज टू ईच अदर द रिजल्टेंट इज गोइंग टू बी जीरो, एंड दिस इज द प्रूफ और एक्सप्लेनेशन ऑफ द सेम। ठीक है, तो अगर वो ट्रायंगल के तीन कोनों में चार्ज रखे है ना, और किसी एक कोने पे चार्ज फोर्स पूछे तो आप कर लोगे, तीनों पॉजिटिव हैं तो आप कर लोगे, एक नेगेटिव है तो भी आप कर लोगे, ठीक है। फिर वो बोलते कि नहीं इक्विलैटरल के सेंट्रोइड पे रखा हुआ है चार्ज, तो भी आप कर लोगे, इसमें से कोई एक चार्ज को नेगेटिव बना दिया जाए तो भी आप कर लोगे, बिकॉज यू नो द डिस्टेंस राइट, किसी भी वर्टाइसेस से किसी भी कॉर्नर से सेंट्रोइड तक की दूरी एल बाई रूट थ्री है ना, तो आप कर लोगे ये भी चीज, है ना बेटा? बिल्कुल सर कर लेंगे सर, ओके बेटा चलो आगे बढ़ते हैं फिर, है ना, आगे बढ़ते हैं फिर, आ जाओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब लेते हैं बेटा स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर में तीन चार क्वेश्चन यहीं पे लाइन से करवा देता हूं, ठीक है। पहला, बहुत छोटा स्क्वायर बन गया, मान लीजिए एक स्क्वायर है ना, यहां पे Q है, यहां पे Q, यहां पे Q और यहां पे Q, और बीच में रखा हुआ है आपका कैपिटल Q, ठीक, बीच में रखा हुआ है आपका कैपिटल Q। तो जैसे वहां पे हमने सेंट्रोइड की दूरी बोली थी L बाई रूट थ्री, है ना, अगर ये साइड आपका L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, तो किसी भी कॉर्नर से बेटा ये जो सेंट्रोइड आ रहा है इसकी दूरी यहां पे कितनी होती है? एनी वन इन द क्लास, अगर मैं इस दूरी को ए कहता हूं तो एनी वन इन द क्लास ए कितना होता है बेटा? तो मैं बता दूं आपको बेटा, ए होता है एल अपॉन रूट टू, ट्राइंगल में एल अपॉन अंडर रूट थ्री, यहां पे एल अपॉन अंडर रूट टू, ठीक है, एल अपॉन अंडर रूट टू। एक्चुअली ये डायगनल का हाफ है, डायगनल कितना होगा? रूट टू एल, उसका हाफ कर दो, ये पूरा डायगनल है उसका हाफ कर दो तो ये आ जाएगा, है ना? तो इसको आप रूट टू इंटू रूट टू लिख लो, एक रूट टू कैंसल, एल बाई रूट टू। तो याद रखना, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर बोला जाए कि सेंट्रोइड की दूरी किसी भी कॉर्नर से, तो एल बाई रूट थ्री,
अगर रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर में बोला जाए तो आ जाएगा आपका एल अपॉन रूट टू, ठीक है। हालांकि लेंथ की जरूरत हमें पड़ती नहीं है, क्योंकि अगर इस पे उसने नेट फोर्स पूछा तो देखो कैसे सॉल्व करोगे आप, है ना। अब वो पूछ रहा है क्यू पे नेट फोर्स बताओ, तो हम बोलेंगे कि भाई साहब देखो ये वाला क्यू इधर रिपेल करेगा, बिल्कुल करेगा, है ना, और बदले में ये वाला क्यू इधर रिपेल करेगा इसको, तो ये दोनों कैंसल हो गए। सबको चमक रहा है, सबको चमक रहा है बेटा, देखो ये वाला क्यू जो है ये इस कैपिटल क्यू को इधर ढकेलेगा, है ना, रिपल्शन करेगा, और बदले में ये वाला क्यू इस कैपिटल क्यू को इधर ढकेलेगा, तो इनका तो आपस में जीरो हो गया, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं इस क्यू को देख लो, ये क्यू भी इस कैपिटल क्यू को इधर ढकेलेगा, ये क्यू भी उस कैपिटल क्यू को उधर ढकेलेगा, तो ये आंसर जो आएगा एफ नेट ऑन कैपिटल क्यू ये तो जीरो आएगा। डन सर, कोई बात नहीं सर, ठीक है सर, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब मैं कहता हूं बेटा कि मैंने फिर से स्क्वायर ही लिया, इस बार मैंने क्या किया, यहां पे क्यू रखा है लेकिन यहां पे माइनस क्यू रखा है, ठीक। अब यहां पे क्यू रखा है लेकिन यहां पे माइनस क्यू रखा है, डन। यहां पे कैपिटल क्यू रख दिया मैंने, ठीक है ना, कैपिटल क्यू रख दिया। तो अब मुझे निकालना है व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन कैपिटल क्यू, क्या आंसर आएगा इस बार, जीरो आएगा क्या बच्चों, बताइए। तो इस बार भी आपका आंसर क्या जीरो आएगा क्या, इस बार मुझे नहीं लगता कि जीरो आएगा, इस बार मुझे नहीं लगता कि आंसर जीरो आएगा। देखो क्या आएगा आंसर, देखो, है ना, इस पर ज्यादा टाइम अपन वेस्ट नहीं करेंगे। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है बेटा, ए बाई रूट टू, है ना। मैं मान लेता हूं कि इसने इस पे एक फोर्स लगाया इधर, विच इज एफ, ठीक, एफ फोर्स लगाया, दैट एफ फोर्स कैन बी रिटन एज, कैन बी रिटन एज के क्यू वन क्यू टू, देखो क्यू वन इज स्मॉल क्यू, क्यू टू इज कैपिटल क्यू, अपॉन इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। कितनी दूरी है बेटा, सर एल बाई रूट टू, एल बाई रूट टू का जब आप स्क्वायर करेंगे तो आएगा एल स्क्वायर अपॉन टू, टू ऊपर चला जाएगा, चेक करो सही लिखा है सर ने, है ना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन एल बाई रूट टू का होल स्क्वायर, तो दिस इज द आंसर, है ना। अच्छा अब देखो, अब देखो बेटा, इसने इसको रिपेल किया, रिपेल किया क्योंकि दोनों पॉजिटिव थे, तो इधर फोर्स आया, ये माइनस क्यू क्या करेगा, कैपिटल क्यू को अपनी तरफ बुलाएगा, ये अट्रैक्ट करेगा बेटा, तो भी फोर्स इधर ही आएगा और उतना ही आएगा मैग्नेट्यूड वाइज, उतना ही आएगा मैग्नेट्यूड वाइज जो मैंने वहां पे लिखा है, क्योंकि चार्जेस भी सेम है ना, बस साइन ही तो बदला है, उससे तो डायरेक्शन पता चल गई, मैग्नीट्यूड तो सेम है, देखो डिस्टेंस भी सेम है, तो बेटा इस डायरेक्शन में जो फोर्स आया वो आया 2F। सबको चमका गया, देखो इस क्यू ने रिपेल किया, इस माइनस क्यू ने अपनी तरफ बुलाया, ठीक, तो ये 2F हो गया। सेम गोज ऑन दिस साइड, अब देखो ये क्यू इस कैपिटल क्यू को इधर ढकेलेगा, है ना, बोलेगा दूर हो जाओ मेरी नजरों से, तुम प्लस हो मैं भी प्लस हूं, रिपेल करेंगे एक दूसरे को, बट ये माइनस क्यू इसको अपनी तरफ बुलाएगा ऐसे, तो ये भी F, ये भी F, तो मेरे पास इस डायरेक्शन में 2F आ रहा है ना बेटा, इस डायरेक्शन में 2F आ रहा है, ये देखो इस डायरेक्शन में, और इधर भी मेरा 2F ही आ रहा है ना। अब मैं जानना चाहता हूं कि इनके बीच में एंगल कितना है, बिकॉज आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट। इनके बीच का एंगल है सर 90 डिग्री, बिकॉज दीज आर टू डायगनल्स, ये जो डायरेक्शन है ये स्क्वायर की डायगनल्स हैं, और डायगोनल्स के बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, है ना। देखो किसी बच्चे ने 120 डिग्री लिख दिया, गलत हो गया उसका आंसर, है ना, ये 120 डिग्री नहीं है, दीज आर द टू डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर, एंड टू डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर एट 90 डिग्री एनी डे, ओके। तो इफ दे आर एट 90 डिग्री बेटा, इफ दे आर एट 90 डिग्री बच्चों, तो द रिजल्टेंट विल बी ऑन द राइट हैंड साइड, है ना, ऐसे है तो इधर आएगा, एंड द आंसर विल बी रूट टू टाइम्स वन ऑफ द फोर्स, वन ऑफ द फोर्स इज हाउ मच 2F, तो मैं लिखूंगा रूट टू टाइम्स 2F, रूट टू टाइम्स 2F। नाउ व्हेन यू गिव वांट टू गिव द फाइनल आंसर, आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा F के लिए, ये है आपका F, F में एक 2 अलग है, वो तो अलग बात है ना,
तो इस पूरे को उठा के एफ के जगह पे डालोगे जब आप, तो आपको मिलेगा रूट टू इंटू टू इंटू एफ, एफ ये है ना, उसमें भी है एक टू के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन एल स्क्वायर. द फाइनल आंसर विल बी टू टू जा फोर, तो इट विल बी फोर रूट टू के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर. डायरेक्शन इज टूवर्ड्स राइट, डायरेक्शन इज टूवर्ड्स राइट, है ना. अच्छा, दिस क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड इन टू मैनर्स. एक में वो ऐसा बोल सकता है कि सेंटर और कॉर्नर वाले किसी भी चार्ज के बीच का फोर्स एफ है, ऐसा बोल देगा पहले ही, ठीक है, कि सेंटर और कॉर्नर के किसी भी चार्ज को आप ले लो, सेंटर और कॉर्नर उनके बीच का फोर्स एफ है, तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा कैपिटल क्यू पे. तो आपका आंसर सिंपली यहीं तक आएगा, यहां तक, क्योंकि उसने एफ के टर्म्स में पूछा है ना. तो आप बोलेंगे कि इधर भी 2F, इधर भी 2F, तो अंडर रूट 2 इंटू 2F इज द आंसर. लेकिन अगर वो इसके टर्म्स में पूछ रहा है, चार्ज वार्ज के टर्म्स में, तो आपको वो F कैलकुलेट भी करना पड़ेगा, विच विल बी वेरी सिंपल, के क्यू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. देन यू शुड नो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एंड दिस, मतलब सेंटर, कॉर्नर एंड सेंटर, दैट इज एल बाई रूट. तो डब डालेंगे वहां पे, एफ आ जाएगा, वहां पे रिप्लेस कर दो, है ना. तो दोनों ही तरीके से ये क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा सकता है. तो अब स्क्वायर में अगर सेंटर वाले चार्ज पे पूछा जाए, इट इज वेरी इजी, राइट, एल बाई रूट टू इज द डिस्टेंस, रेस्ट इज क्लियर, ठीक है, डायरेक्शन वगैरह सब आपको क्लियर है, एंड यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है बेटा. अब मैं आपसे पूछता हूं एक और सवाल, सारी वैरायटीज करेंगे बेटा, है ना, हम लोग हेक्सागन तक सब कुछ करेंगे सॉल्व, डोंट वरी, है ना, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, कूलॉम्स लॉ का क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं. अब मैं बिल्कुल बीस्ट मोड में आ चुका हूं पढ़ाते समय, ठीक है, मैं ऐसे पढ़ाता हूं कि भाई कहीं से भी क्वेश्चन आए बच्चा सॉल्व करे ही करे. बेटा यहां पे क्यू, यहां पे क्यू, यहां पे क्यू, यहां पे क्यू, ठीक. अब इस बार सेंटर पे कोई क्यू नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, सेंटर पे कोई चार्ज नहीं है इस बार. इसकी साइड है बेटा L, है ना, तो ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ठीक है, बहुत बढ़िया. पूछता है किसी भी कॉर्नर चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, फोर्स निकालो, नेट फोर्स निकालो ऑन एनी क्यू, कोई सा भी क्यू आप चुन लो. देखो क्योंकि इक्विलिब्रियम है ये, है ना, तो हर एक फोर्स, हर एक चार्ज पे नेट फोर्स सेम आएगा बेटा, ठीक है ना, इसलिए आप कोई सा भी चार्ज चुन लो और वहां पे आप फोर्स निकाल दो, ठीक है. तो देखो आओ निकालते हैं फोर्स, कौन सा चार्ज चुनना पसंद करोगे आप बेटा. चलो मैं इसको चुन लेता हूं, है ना, हमने सुना है तुमने जीवन साथी चुना है, जिसको तुमने चुन ही लिया है, चीज वो क्या है, ये है. आओ जोक सपाट इसको सॉल्व करते हैं, आ जाओ. अब देखो क्या होगा, ये बोलेगा कि भाई मैं भी पॉजिटिव, तू भी पॉजिटिव, चल मिलके रिपल्शन फैलाते हैं दुनिया में. इसने बोला ठीक है आ जा, तो उसने इसको इधर रिपल किया, इसने उसको उधर रिपल किया. मान लो इस फोर्स को मैं कहता हूं F, मान लो इस फोर्स को मैं कहता हूं बेटा F, तो दिस F वुड बी गिवन बाय K Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर. एम आई करेक्ट बच्चों, एम आई करेक्ट बेटा, सिंपल है ना, Q इंटू क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सही है सर. फिर अब इसके साथ रिपल्शन इसने फैला दिया दुनिया में, बट अब ये रुक नहीं रहा है, अब ये इसके पास जाता है, है ना, ये इसके पास भी जाता है, बोलता है भाई तू भी मेरा पड़ोसी है, तू भी पॉजिटिव, मैं भी पॉजिटिव, चल मिलके दुनिया में रिपल्शन फैलाते हैं. इसने बोला ठीक है भाई चल फैलाते हैं, इसने इधर रिपल किया, इसने इधर रिपल किया. इवन दिस फोर्स विल बी सेम, एफ ही होगा, क्योंकि देखो ना चार्ज भी क्यू और क्यू है, इधर भी क्यू और क्यू थे, और डिस्टेंस भी एल है, इधर भी एल है, तो मैग्नीट्यूड वाइज भले ही डायरेक्शन अलग है मैं मानता हूं, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्स सेम है, क्योंकि चार्जेस का प्रोडक्ट इज सेम एंड डिस्टेंस इज आल्सो सेम. अब जनरली बच्चे यहीं पे रुक जाते हैं, जो बच्चे यहां पे रुक जाते हैं उनको लगता है यही दो फोर्सेस हैं, वो जनरली लाइफ में सिंगल रहते हैं, क्योंकि उनको यह नहीं पता कि जहां पे लाइन दिख नहीं रही है वहां से भी लाइन मिल सकती है.
ये दूरदर्शिता जिनके अंदर नहीं होती वो सिंगल रह जाते हैं बेचारे। उनको ये नहीं पता कि कोई बात नहीं, लाइन नहीं दिख रही बट चार्ज तो है, यहां से लाइन मिल सकती है तुम्हें, है ना बेटा। तो सारे ऑप्शंस अपने खुले रखा करो। यस, अब देखो ये क्यू और ये क्यू, भले कोई लाइन मैंने ड्रॉ नहीं करी थी बट चार्जेस तो हैं ही, तो ये दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। ये इससे बोलेगा चलो मिलके रिपल्शन फैलाते हैं, है ना। तो इस पे इधर लगेगा रिपल्शन और उस पे उधर लगेगा रिपल्शन। क्या ये भी एफ के बराबर होगा क्या? क्या ये भी एफ के बराबर होगा क्या? नहीं, ये एफ के बराबर नहीं होगा, क्योंकि भले ही चार्जेस सेम हो लेकिन इनके बीच की जो दूरी है बेटा वो अब रूट टू एल हो गई है, जिसको हम लोग प्यार से डायगनल कहते हैं, जिसको हम लोग प्यार से डायगनल कहते हैं, है ना। तो अगर मैं इसको लिख लेता हूं F3, क्योंकि ये तीसरा फोर्स है, तो मैं लिख सकता हूं F1 और F2 तो बराबर हो गए, है ना। मान लो ये F1 है, ये F2 है, है ना बेटा, ऊपर वाला और लेफ्ट वाला, ये दोनों तो चलो बराबर हो गए। लेकिन जो F3 है वो कितना होगा पता है? KQ स्क्वायर अपॉन रूट टू एल का स्क्वायर, तो दैट विल बी टू एल स्क्वायर, सही है। अरे बेटा रूट टू एल उसका स्क्वायर करोगे, डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे तो रूट टू का स्क्वायर क्या बनेगा? टू बनेगा, और एल का स्क्वायर क्या बनेगा? एल स्क्वायर बनेगा, है ना। अब मेरे ख्याल से हमने सारे फोर्सेस लिख लिए हैं और मैं देख पा रहा हूं कि यहां पे एक दो तीन, तीन फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, तीन फोर्सेस लग रहे हैं, बहुत बढ़िया सर, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, एक अलग डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है ना। उसमें मैं सिर्फ तीन फोर्सेस दिखाऊंगा किधर किधर लगे हैं। अगर आपको याद होगा एक फोर्स ऊपर लग रहा था, है ना, और एक फोर्स लेफ्ट में लग रहा था। भूल गए इतनी जल्दी? हाँ, ये देखो ना, एक फोर्स ऊपर लग रहा था, इस पर नेट निकालना है ना, तो एक ऊपर लग रहा था एक लेफ्ट में लग रहा था। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है क्या? हाँ सर, कितना है बेटा? के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये भी है के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर और ये भी है के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। अरे सर ये तो 90 डिग्री है सर। हाँ बेटा ये तो 90 डिग्री है बेटा। तो सर 90 डिग्री पे आपने सिखाया था कि अगर दोनों फोर्सेस बराबर हो तो उनका रिजल्टेंट लिखा जाएगा रूट टू टाइम्स वन ऑफ द फोर्स, यानी कि के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। मैंने बराबर, बिल्कुल सही है बेटा, योर अप्रोच इज बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, रूट टू टाइम्स होगा। फिर बच्चे ने बोला सर क्या ये 45 डिग्री पे भी होगा? मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही है, ये भी सही बोल रहा है तू, 45 पे होगा क्योंकि बाइसेक्ट करता है, ये भी सिखाया था मैंने। अगर ये और ये बराबर हैं तो रिजल्टेंट एकदम बीच से जाता है, ये भी सही है सर। तो उसने बोला सर दूसरा फोर्स और पहला फोर्स का तो सॉर्टेड हो गया अपना, उनका रिजल्टेंट इधर आ रहा है, अब चलते हैं तीसरे के पास। तीसरा कहां लग रहा है सर? तीसरा लग रहा है अलोंग द डायगनल। क्या बोला, क्या बोला? अलोंग द डायगनल। अरे इसका मतलब हुआ ये भी 45 पे ही लग रहा है। वाह, ये भी 45 पे ही लग रहा है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जब मैंने निकाला, इन दोनों का रिजल्टेंट, तो वो भी 45 पे गया। और जब मैंने तीसरे फोर्स से पूछा कि भाई तू कहां पे है, वो बोलता है मैं भी 45 पे हूं, तो मेरा काम तो आसान हो गया, मेरा काम तो आसान हो गया। इस तीसरे फोर्स को मैं सीधा सीधा 45 में ड्रॉ कर दूंगा, 45 में ड्रॉ कर दूंगा, यानी कि इसी के साथ साथ, हवा के साथ साथ, घटा के संग संग, उसी के साथ बनेगा। कितना? के क्यू स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर। और आपको पता होगा जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में आ जाएं, उनको चुपचाप पकड़ के जोड़ दिया जाता है, कोई लॉ लगाने की जरूरत नहीं है, कोई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा मत लगाओ, क्योंकि कॉस थीटा जीरो हो जाएगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा, है ना, कॉस जीरो वन हो जाएगा और आंसर आता है सेम इन दोनों को जोड़ने के बाद जो आएगा। तो जोड़ दो सीधा सीधा, तो यू विल बी गेटिंग रूट टू के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर बाय टू एल स्क्वायर। अगर आप चाहो बेटा तो के क्यू स्क्वायर बाय एल स्क्वायर को बाहर ले लो, अंदर बचेगा रूट टू प्लस वन बाई टू। एक स्टेप आप चाहो तो और लगा लो, यहां पे आपका एलसीएम हो जाएगा टू, ये टू यहां जाएगा तो बनेगा टू रूट टू पुरुप्पू लिज्जत पापड़, और ये आपका आंसर है। खत्म, है ना। अगर किसी को ये लास्ट वाला वेक्टर
नहीं समझ में आया है या फिर आप ये क्वेश्चन पहली बार कर रहे हैं तो आपको कष्ट हुआ है, आपका कष्ट मैं हर दूंगा, डोंट वरी, अभी 2 मिनट में, है ना। पहले इसको लिख लो आप, आपके सारे कष्टों का निवारण यहाँ पे किया जाएगा, है ना। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा ये। ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग एक और चैप्टर में पाएंगे जिसका नाम है बेटा ग्रेविटेशन, और वहां पे चार्जेस के जगह पे है ना मासेस दिए होंगे। बस सुना था लिज्जत पापड़ का एड, ऐसे तो बोलते थे वो, टुरुटू पुरुपू लिज्जत पापड़ का एड था ये। अच्छा तुम लोग इतने पुराने लोग नहीं हो ना, तुम लोगों ने सुना नहीं है, तुम लोग तो जेन जी वाले हो ना, है ना, जेन जी, हम हैं ओ जी, ओल्ड जनरेशन। क्लास कब तक चलेगी और तुम्हें क्या दिक्कत है, क्लास कब तक भी चले, पढ़ाई करो, और काम ही क्या है तुम्हारा जीवन में पढ़ाई करने के अलावा। तो देखो बेटा, मैंने आपको क्या ये रिपीट करना है, नहीं ना, रिपीट तो नहीं करना ना, ये सिंपल है ना एकदम, एक फोर्स इधर एक फोर्स उधर, है ना। तो उनका रिजल्टेंट बीच में आया रूट टू टाइम्स, और उसके बाद जो तीसरा फोर्स है वो भी उधर ही आया, तो दोनों को जोड़ दो, आंसर आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बेटा, एक्सीलेंट स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया, एक्सीलेंट बैच ऑफ इंडिया। तो मैंने ट्राइंगल करा दिया कॉर्नर वाला, ट्राइंगल में एक माइनस लेके भी करा दिया, ट्राइंगल में सेंट्रॉइड लेके भी करा दिया, ये भी सिखा दिया कि अगर तीनों के बीच में 120 है, तीनों फोर्सेस बराबर हैं तो रिजल्टेंट जीरो आता है, बहुत बढ़िया सर। फिर मैंने आपको ये स्क्वायर में पहला केस, स्क्वायर में दूसरा केस, स्क्वायर में तीसरा केस, है ना, सेंटर पे पूछे, कॉर्नर पे पूछे, प्लस दे के पूछे, माइनस दे के पूछे, सब हो जाएगा आपसे, है ना। चलो शिवानी कह रही है डोंट रिपीट, हाँ चलो आगे आगे बैठे बेटा, है ना। चलो अब बेटा अगर आपको रेगुलर हेक्सागन दे दिया जाए, है ना, मान लो माता आ गई, है ना, एग्जामिनर को, और वो आपको रेगुलर हेक्सागन दे देता है, देखो डुक 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 डुक, पता नहीं मैं रेगुलर बना पाऊंगा नहीं, ठीक है चलो। रेगुलर में क्या होता है ना, सारे साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं, हेक्सागन जैसा दिख रहा है, ये दिख रहा है सर, ठीक है चलेगा सर, कोई बात नहीं। तो ध्यान से सुनना, दिस इज अ रेगुलर हेक्सागन, है ना। अब देखो दिस साइड इज ऑफ लेंथ 2a, ओके ठीक है सर, दिस साइड इज ऑफ लेंथ 2a, दिस साइड इज ऑफ लेंथ 2a, सारे साइड्स आर ऑफ लेंथ 2a, ठीक जी सर। हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर, 6 ऑब्वियसली, है ना, 1 2 3 वर्टाइसेस बोलते हैं इसको, 4 5 6 हेक्सागन है तो इतने ही होंगे, डन सर। अब क्या कहता है कि सेंटर पे एक और चार्ज रखा है, तो अब जब सेंटर पे चार्ज रख देता है वो, सेंट्रॉइड पे कह लो आप, है ना, तो ट्राइंगल का सेंटर आपने देखा इक्विलेटरल में क्या होता है, एल बाई रूट 3, है ना, आपने स्क्वायर में देखा बेटा कितना होता है, एल बाई रूट 2। तो यहां पे भी निकालना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है, कि कितना डिस्टेंस होता है, बिल्कुल है सर। तो देखो इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कराओ, इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कराओ, ठीक है बेटा, क्या आप बता सकते हो बेटा कि ये वाला एंगल कितना होगा, एनी वन इन द क्लास, गेस मत करना, एकदम सोच समझ के देना आंसर, ठीक है ना, कितना होगा ये एंगल। चलो मैं बता देता हूं, देखो यहां से भी ज्वाइन करा लो, 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 है ना। अब आप ऐसे सोचो कि टोटल कितने एंगल्स बन रहे हैं यहां पे, 1 2 3 4 5 6 छह बन रहे हैं, छह एंगल्स बन रहे हैं, छोटे 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 छोटे, और टोटल कितना होता है ये, अगर पूरा सर्कल बना दूं, सर्कल बना दूं तो कितना एंगल हो जाएगा सर, 360। तो बेटा अगर टोटल एंगल 360 है और उसको छह हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो ईच एंगल विल बी हाउ मच, 60।
ईच एंगल विल बी हाउ मच 60, तो ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है, ये सारे के सारे 60 होते हैं। डन बेटा, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बिल्कुल समझ में आया सर, बिल्कुल समझ में आया सर। अब होता ये है यहां पे, कहां गया मार्कर, हां ये रहा। अब होता ये है कि यहां पे ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ना बेटा, ये देखो डग 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 डग, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाता है बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हेक्सागन। बेटा ये भी 60, ये भी 60 है ना, तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया। और अगर ये ससुरा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बना तो सोचो, इफ दिस लेंथ इज 2a, इफ दिस लेंथ इज 2a तो ये लेंथ भी होगा 2a, तो ये लेंथ भी होगा 2a, तो मैं कह सकता हूं कि सेंटर O से कोई सा भी पॉइंट ले लो, है ना, ए बी सी डी ई एफ, तो आप कह सकते हो O से लेके A, O से लेके B, O से लेके C, O से लेके D, O से लेके E, O से लेके F, सारे के सारे होंगे 2a, यानी कि साइड ऑफ हेक्सागन के बराबर, साइड ऑफ हेक्सागन के बराबर, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है बेटा, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कल को फोर्स निकालने को बोल दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फंस जाओ, ठीक है ना। अब देखो जो क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको बताता हूं, तो आपको समझ में आ गया कि साइड्स 2a हैं अगर, तो सेंटर से कॉर्नर की दूरी भी 2a ही होगी बिकॉज इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता है हेक्सागन में, ठीक है। उन्होंने क्या बोला ना, उन्होंने बोला कि भाई साहब आपके पास एक हेक्सागन है, हमने बोला ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया है, ओके। कहते हैं कि यहां पे एक चार्ज है Q, यहां पे भी है Q, 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 लेकिन यहां पे नहीं है चार्ज Q, ठीक, यहां पे कोई चार्ज नहीं है बेटा, ये खाली पड़ा हुआ है, राइट। अब वो कहता है कि भाई सेंटर पे एक चार्ज है कैपिटल Q, तो जो सेंटर वाला चार्ज है आपका कैपिटल Q, उस पर नेट फोर्स कितना आएगा ये बताओ। सेंटर वाला जो चार्ज है कैपिटल Q, उस पे नेट फोर्स बताओ अलोंग विथ डायरेक्शन, अलोंग विथ डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो सोचो, अगर यहां भी एक चार्ज होता तो क्या होता, पहले वो सोचते हैं, ठीक है, अगर यहां भी होता तो क्या होता वो सोचते हैं। देखो आज मैं लगभग कितना टाइम हुआ, अभी 3:13 ना, 4 बजे तक पढ़ाऊंगा आज मैं, ठीक है ना, 4 बजे क्लास एंड करूंगा बिकॉज मुझे भी कहीं फैमिली के साथ आज जाना है, ठीक है ना, 4 बजे तक क्लास होगी बेटा। देखो ये क्यू इस कैपिटल क्यू को रिपल करेगा, हाँ सर उधर, तो ये क्यू चुप फिर ना बैठेगा, ये भी रिपल करेगा इधर, अरे वाह जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया सर, हाँ। सेम देखो, ये वाला क्यू इस वाले कैपिटल क्यू को इधर रिपल करेगा, ये वाला क्यू उधर रिपल करेगा, जीरो हो गया सर, ये वाला क्यू उधर, वो वाला क्यू इधर, जीरो हो गया। अच्छा जी, मतलब अगर 6 के 6 कॉर्नर पे चार्ज रहता क्यू 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 तो आंसर जीरो आता, मेरी बात समझ में आ रही है, तो आंसर जीरो आता। लेकिन उसने बोला कि बेटे यहां पे चार्ज है ही नहीं, है ना, उसने बोल दिया यहां पे चार्ज नहीं है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्या होगा कि ये और ये लड़के मर जाएंगे, है ना, ये इधर लगाएगा और ये उधर लगाएगा, इनका तो जीरो हो गया, ठीक है सर। डायग्राम थोड़ा अच्छे से बना लेना तुम लोग, मेरा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा डायग्राम, है ना, ये वाला क्यू इस क्यू पे इधर लगाएगा, वो वाला क्यू इधर लगाएगा, इनका भी जीरो हो गया, ये भी लड़के मर गए, ठीक है ना, डन सर। इस क्यू ने इधर लगाया, रिपल ही तो करेगा ये, देखो ना ये प्लस है, ये भी प्लस है, रिपल्शन होगा, लेकिन इधर कोई नहीं है जो इस तरफ फोर्स लगा के बैलेंस कर पाए, ये जगह खाली पड़ी हुई है, तो जो इसने लगाया, इस क्यू ने इस कैपिटल क्यू पे जो रिपल्शन लगाया वही हमारा नेट फोर्स हो गया, क्योंकि इससे लड़ने वाला कोई प्राणी प्रेजेंट
नहीं है। मेरी बात समझ में आई है ना? अब वो फोर्स निकाल दो आप, है ना। मान लो ये साइड आपको 2a गिवन है, 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 ठीक है ना। तो दैट फोर्स विल बी गिवन बाय के क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय 2a ही हो जाएगा ये, है ना। सेंटर से यहां तक का दूरी भी 2a ही हो जाएगा। तो 2a का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर, तो इट विल बी के क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4a स्क्वायर। जब ये क्वेश्चन आया था तो नीचे 16 पाई एप्साइलन नॉट लिखा था ऑप्शन में, तो एक स्टेप और आगे जाना था आपको और के को लिखना था 1/4 पाई एप्साइलन नॉट × 4a² तो है ही, तो आंसर आता क्यू क्यू अपॉन 16 पाई एप्साइलन नॉट a का स्क्वायर। आंसर इज टूवर्ड्स लेफ्ट, है ना, टूवर्ड्स लेफ्ट, ये आंसर है बेटा। तो मैंने ट्रायंगल करवा दिया, स्क्वायर करवा दिया, हेक्सागन करवा दिया, ठीक है, पेंडुलम के PYQ भी करवा दिए, है ना। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। ये आंसर था जब ये क्वेश्चन आया था, तो JEE में आया था, है ना, नीट में तो नहीं आया अभी तक, JEE में आया था। डन है, ऑल क्लियर है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग निपटा दोगे क्या देखते ही, एकदम देखते ही निपटा दोगे क्या बेटा, है ना। ठीक है सर, चलो ट्रायंगल पूछ ले, स्क्वायर पूछ ले, रेक्टेंगल पूछ ले, जो पूछना है पूछ ले, मैं ऐसे क्वेश्चन कर दूंगा सर सॉल्व, है ना, ऐसे क्वेश्चन से मैं नहीं डरूंगा। ठीक है, वेरी गुड। आइए अब हल्के फुल्के कुछ टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, वेक्टर फॉर्म में जाने से पहले मीडियम में क्या होता है वो सीख लो आप, है ना, मीडियम में क्या होता है वो सीख लो। कूलॉम्स लॉ इन अ मीडियम, ये हेडिंग डाल लो बेटा, ठीक है, कूलॉम्स लॉ इन अ मीडियम। ठीक है, देखो बहुत सिंपल सी बात है। मान लीजिए कि आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 Q2, ये रखे हुए हैं हवा में, हवा में, एयर में या फिर वैक्यूम में, ठीक है ना, एयर में या फिर वैक्यूम में, मैं कहूंगा एयर में या फिर वैक्यूम में। तो फोर्स कितना लगेगा दोनों के बीच पे? सर फोर्स लगेगा के, के को मत लिखो, के को ऐसा लिख लो 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, के को ऐसा लिख सकते हैं, है ना। ऊपर बचेगा आपका Q1 Q2 और डिवाइडेड बाई R² है ना। अब अगर इन्हीं दो चार्जेस को डुबा दिया जाए किसी मीडियम में, फॉर एग्जाम्पल पानी में, ठीक है ना, तो चार्जेस क्या बोलेंगे, मैं पानी पानी हो गई, है ना। ये देखो R डिस्टेंस, अभी भी R डिस्टेंस ही है बेटा। अब जो फोर्स आएगा ना इनका, वो मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। मीडियम पे ये जो नया फोर्स आएगा मीडियम के अंदर, उसको आप लिखेंगे 1/4 पाई एप्साइलन नॉट × εr Q1 Q2 / R², ठीक है बेटा, × R², सब सेम है, बस एप्साइलन आर एक्स्ट्रा है। या फिर आप ऐसा कह लो कि मेन फॉर्मूला तो यही है, मेन फॉर्मूला तो वही है, एयर या वैक्यूम के लिए एप्साइलन आर 1 होता है, ऐसा भी कह सकते हो आप। तो यहां पे एक्चुअली एप्साइलन आर है, यहां पे भी है, लेकिन उसकी वैल्यू 1 के बराबर है ना। एयर या वैक्यूम में आपको दिख नहीं रहा एप्साइलन आर, एप्साइलन नॉट दिख रहा है, एप्साइलन आर है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 1 के बराबर है। अच्छा, एप्साइलन आर को क्या बोलते हैं सर? तो ये होता है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पहले लिख चुका हूं पहले एक बार, परमिटिविटी है ना, ऑफ द गिवन मीडियम, ठीक है, ऑफ द गिवन मीडियम। और अगर आप एप्साइलन नॉट, एप्साइलन आर को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कहलाता है एप्साइलन, जस्ट एप्साइलन, दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दिस इज कॉल्ड बेटा एब्सोल्यूट पर
मिट्टी विटी, है ना? बिल्कुल। अच्छा, एप्साइलन आर का एक और नाम है बेटा, एप्साइलन आर का एक और नाम है बच्चे, किसी को पता है? किसी को पता है? एनी आइडिया? डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसको और एक नाम दिया गया है, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। जितना अधिक, सुनना ध्यान से, जितना अधिक डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होगा उतना ही कम फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। यह बताता है कि कितने फैक्टर से इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। अगर मान लो यहां पे 2 आ गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर 2 आ गया तो फोर्स हाफ हो जाएगा इसके कंपैरिजन में, समझ रहे हैं आप? इलेक्ट्रिक फील्ड भी हाफ हो जाएगी वैक्यूम वाले के कंपैरिजन में। तो ये बताता है कि वो फैक्टर है ये जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कितना कम हो जाता है, इनवर्स है ना? ये देखो, फोर्स और एप्सिलॉन आर इनवर्स है। किसी बच्चे ने बहुत अच्छा डाउट पूछा है, सर एप्सिलॉन आर का यूनिट क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट का तो आपने यूनिट हमको बताया था, है ना? क्या बताया था? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देखो मुझे तो याद है, तुम्हें याद है? है ना? तुम्हें नहीं याद? एप्सिलॉन नॉट की यूनिट ये है, है ना बेटा? और एप्सिलॉन यानी कि एब्सोल्यूट की यूनिट भी यही है। तो अगर आपको एप्सिलॉन आर की यूनिट चाहिए तो आप लिखोगे ई अपॉन ई नॉट। देखो यहां से एप्सिलॉन आर बराबर ई अपॉन ई नॉट, ई अपॉन ई नॉट, है ना? रेशियो, रेशियो का क्या यूनिट होता है, क्या डायमेंशन होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, है ना? क्योंकि एप्सिलॉन आर इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता, कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है ना? तो एप्सिलॉन आर की कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन नहीं है, ठीक है बेटा? डन, लिख लो, फटाफट लिख लो इस बात को आप। जैसे आपको जब कैपेसिटर पढ़ाया जाएगा तो ऐसे बस क्वेश्चन में गिवन रहेगा, अ कैपेसिटर हैज अ डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के इज इक्वल टू 1.5, दैट्स इट, ये लिखा रहेगा। उसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है ना? तो एप्सिलॉन आर हैज नो यूनिट, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन दे हैव यूनिट विच इज सेम, सेम टू सेम, है ना? कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं। तो मीडियम का आपका काम हो गया, है ना? बहुत बढ़िया। मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, और इसमें क्या होता है ना, 90% बच्चे गलती करेंगे, तुम देखना अभी। क्या ये दो चार्जेस आप सभी को नजर आ रहे हैं बेटा? क्या ये दो चार्जेस आप सभी को नजर आ रहे हैं बेटा? बिल्कुल सर। मैंने क्या किया है, इनको पानी में डुबा दिया है, पानी में डुबा दिया है, ठीक है?
और मैं आपसे पूछ रहा हूं फोर्स ऑन क्यू वन ओनली ड्यू टू क्यू टू, ओनली ड्यू टू क्यू टू, ऐसा क्वेश्चन अगर नीट में आपको देखने को मिले, है ना, कि मुझे Q1 पे फोर्स बताइए सिर्फ और सिर्फ Q2 की वजह से, ठीक, तो आप क्या लिखेंगे आंसर? आप सोचेंगे अच्छा यहां पे मीडियम है, मीडियम का एप्सिलॉन आर गिवन है, ठीक है ना, तो आपके मन में आएगा कि ऐसा लिख देता हूं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा लिखने का मन करेगा ना आपका, हेडिंग कुछ मत डालो, वही हेडिंग है कूलॉम्स लॉ इन मीडियम, वही हेडिंग है, उसी में एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, है ना, उसी में थोड़ा सा कंसेप्ट को और डिटेल में लेके जा रहा हूं बिकॉज दिस क्वेश्चन कैन कम इन एग्जामिनेशन, ठीक है बेटा। अब बताओ क्या ये आंसर लग रहा है आपको? आप बोलोगे हाँ सर मीडियम है ना, आपने बोला था सर कि जब मीडियम होगा तो यहां पे एप्सिलॉन आर आ जाएगा, है ना, लेकिन पता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ये, एप्सिलॉन आर नहीं लिया जाएगा, एप्सिलॉन आर नहीं लिया जाएगा। ये जो वर्ड है ना बेटा ओनली, सारा खेल इसी का है, आओ इसको डिटेल में समझते हैं। पहले लिख लो कि क्या गलती हो सकती है, ठीक, पहले लिखो कि गलती यह हो सकती है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग एप्सिलॉन आर वाला दे देंगे, लेकिन जो करेक्ट आंसर है उसमें एप्सिलॉन आर नहीं है, ठीक है ना, उसमें एप्सिलॉन आर नहीं है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है बेटा, और यहां से क्वेश्चन आएगा अगर तो आप जान लो कि ज्यादातर बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको ऐसा पढ़ा दूंगा कि आप इसको डेफिनेटली कर पाओगे, ठीक है, आप इसको डेफिनेटली कर पाओगे, है ना बेटा। देखो अब मैं इसको आपको समझाता हूं एकदम डिटेल में, देखो होता क्या है, समझो ये ओनली का क्या चक्कर है, समझो, है ना, ये ओनली ओनली क्या है, ये ओनली ओनली बेटा यहां पर क्या था सर, क्यू वन मान लेते हैं पॉजिटिव है, यहां पे क्या था Q2 सर मान लेते हैं ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, ये किस में डूबे हुए हैं, पानी में, है ना, पानी में डूबे हुए हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, पानी के आ जाने से ऐसा क्या हुआ जिससे नेट फोर्स, सर ने बोला कि डिक्रीज हो जाएगा, सर ने बोला था ना नेट फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, देखो फोर्स इन मीडियम, दिस इज द नेट फोर्स बेटा, है ना, मैंने बोला था ना नेट फोर्स डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहां पे एप्सिलॉन आर आ गया, एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन वन, तो फोर्स विल बी लेस देन व्हाटएवर प्रीवियस वैल्यू। तो ऐसा क्या हुआ ये उसको डिटेल में समझते हैं, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की बात की जाए तो यू हैव एच टू ओ, है ना बेटा, एच टू ओ, बिल्कुल सर एच टू ओ है, तो यू हैव पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, है ना बेटा, और कुछ ऐसा बनता है क्या आपका बॉन्ड वगैरह, यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पे एक हाइड्रोजन, ये एंगल कुछ आपको केमिस्ट्री में सिखाते हैं क्या बेटा, ये माइनस ये प्लस, हाँ एंगल सिखाते हैं आपको कुछ, 104 या 109 मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा अभी, 104.9 या फिर ऐसा कुछ होता है क्या, है ना, है ना, है ना, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनना, होता क्या है ना बेटा, किसी एक चार्ज पे मैं डिस्कशन कर रहा हूं, वो डिस्कशन उसके लिए भी ट्रू है, लेकिन मैं एक बार पे एक ही बारे के बारे में बात कर रहा हूं, है ना, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है। अब क्या होता है 109.8 व्हाटएवर, है ना, 109.8 चलो जो आपने बोला मैं लिख देता हूं, व्हाटएवर जो भी इसका वैल्यू है मुझे नहीं फर्क पड़ता उससे, बस मुझे ये जानना है कि उसके पास नेगेटिव आयंस है एंड पॉजिटिव आयंस है। होता क्या है ना बेटा कि इस क्यू वन को जब ये नेगेटिव आयंस देखते हैं, पानी के नेगेटिव आयंस जब इसको देखते हैं, तो उनका मन करता है चलो Q1 को थोड़ा छेड़ के आते हैं, है ना, हमारे एरिया में आया है,
है ना, पानी के अंदर आ गया है, चलो उसको थोड़ा छेड़ते हैं। तो उसको छेड़ने के लिए ये सारे नेगेटिव आयंस इसके आसपास ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे। ओहो चम्मक चलो, है ना, कहाँ से आई हो, कहाँ को जाओगी, पागल करके हमें मरवाओगी, है ना, ऐसे बोल रहे हैं बेटा। इसके आमने सामने पूरा ऐसे झुंड लगा दिया, क्योंकि नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड बाई पॉजिटिव, है ना, नेगेटिव विल बी अट्रैक्टेड बाई पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो भी यूनिफॉर्म नहीं होता है, समझो इस चीज को। ऐसे नहीं होता कि बराबर नेगेटिव इस तरफ है, बराबर नेगेटिव इस तरफ है, ठीक है ना। कुछ नेगेटिव्स को पता चला, कुछ नेगेटिव्स को पता चला कि यार इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज है ना, इधर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस साइड थोड़े ज्यादा नेगेटिव्स आ गए, इस साइड थोड़े ज्यादा नेगेटिव्स आ गए, इधर कम है। इधर रह के फायदा नहीं है ना बेटा, इधर रहेंगे तो सिर्फ Q1 को देख पाएंगे, एक ही तरफ का मजा मिल रहा है ना। यहां रह के फायदा है, यहां पे ज्यादा है नेगेटिव, यहां पे रह के फायदा है, ये भी दिख रहा है वो भी दिख रहा है, हाय हाय हाय, नेगेटिव्स को तो मजा ही आ गया आज, है ना। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ ऐसा होता है कि इधर ज्यादा नेगेटिव, इधर कम नेगेटिव, ये डायग्राम आपको समझ में आया बेटा। तो Q1 के आसपास पूरा झुंड लगा दिया नेगेटिव्स ने, घेर लिया उसको, है ना, और इधर ज्यादा नेगेटिव, इधर कम नेगेटिव, इधर ज्यादा नेगेटिव, इधर कम नेगेटिव। अब सोचो अगर सिर्फ Q1 और Q2 की बात की जाए, Q1 और Q2 ओनली उनकी बात की जाए, तो Q2 आज भी इस पे इतना ही फोर्स लगा रहा है, 1/4πε0, है ना, Q1 Q2 / r², जितना वो वैक्यूम पे लगाता था ना बेटा, वो आज भी उतना ही फोर्स लगा रहा है। तो फिर सर आपने ये क्यों बोला कि नेट फोर्स डिक्रीज हो गया? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो नेगेटिव्स का झुंड है, ये जो नेगेटिव्स का झुंड है जो इस पॉजिटिव को नोचने के लिए तैयार है, वो सब मिलके इधर फोर्स लगा रहे हैं। इसको बोलते हैं बेटा एफ इंड्यूस्ड, समझ में आ रहा है। ये जो नेगेटिव्स बहुत सारे यहां पे इकट्ठा हो गए ना, बहुत सारे, इधर ज्यादा हैं, इधर कम है, देखो ये लोग भी लगा रहे हैं, ये लोग भी थोड़ा बहुत लगा रहे हैं, बट ये कम है, तो जो नेट इंड्यूस्ड है वो इधर ज्यादा है, क्योंकि ये ज्यादा नेगेटिव्स इधर हैं। तो दो टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, एक जो Q2 Q1 पे लगा रहा है वो उतना ही है जितना वो वैक्यूम पे लगाता था, तो Q1 और Q2 के बीच का फोर्स बदला नहीं है। Q2 पहले जितना लगाता था पानी में आने के बाद भी उतना ही लगा रहा है, लेकिन जो नेट फोर्स है Q1 पे लगने वाला नेट, वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि एक इधर लगा जो Q2 ने लगाया, और एक इधर लगा जो इस झुंड ने लगाया। इसीलिए बेटा जब मैं इस पे, अगर मैं Q1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ना, तो एक फोर्स इधर और एक फोर्स इधर, तो नेट फोर्स जब मैं लिखूंगा इस पे Q1 पे, तो वो घटाया जाएगा इसको और इसको, यानी कि 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये Q2 ने इस पे लगाया, माइनस जो भी F इंड्यूस्ड आया। जब आप इन दोनों को सॉल्व करते हो तब जो फॉर्मूला आता है नेट फोर्स का, वो इससे कम होता है, एंड दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला εo εr Q1 Q2/r². तो अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि पानी में डुबाने के बाद अगर किसी एक चार्ज की बात की जाए और उस पर लिखा जाए नेट फोर्स तो कितना होगा, तो वो इससे यानी कि वैक्यूम वाले से कम होगा। नेट की बात कर रहे हैं क्योंकि नेट में दोनों आ गए, इसने कितना लगाया माइनस इस झुंड ने कितना खींचा उसको अपनी तरफ, है ना बेटा। तो ये जो इंड्यूस हुआ, जो पानी के अंदर जो चार्जेस इंड्यूस हुए, उसने कितना खींचा, तो ये दोनों मिलके कम हो जाते हैं, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। लेकिन अगर एग्जामिनर पूछता है कि वो सब छोड़ो, नेट वेट को छोड़ो, इंड्यूस को तुम भूल जाओ, मेरे को तो बस इतना बताओ
कि Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स लगा, या फिर फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू ओनली Q2, ओनली Q2 बोल रहा है। तो अब मैं इंड्यूस्ड पे ध्यान नहीं दूंगा, अब मैं इंड्यूस्ड पे ध्यान नहीं दूंगा, अब मैं सिर्फ इसकी बात करूंगा। तो ये है फोर्स ऑन वन ओनली ड्यू टू टू, इसमें कोई इंड्यूस्ड को कंसीडर नहीं किया गया है। इसीलिए ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर आपसे पूछे कि बताओ पानी में तो डूबा हुआ है, लेकिन अगर मुझे निकालना है कि वन पे सिर्फ और सिर्फ टू ने कितना फोर्स लगाया, तो मैं बोलूंगा उतना ही लगाया जितना वो वैक्यूम में लगाया करता था, वो ये है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन हो सकता है नेट फोर्स, नेट फोर्स ऑन वन, नेट फोर्स। अब ये नहीं बोल सकते कि ओनली ड्यू टू टू, सो नेट फोर्स विल बी ड्यू टू टू एज वेल एज ड्यू टू इंड्यूस्ड। वो तो कमी होगा बेटा, वो तो कमी होगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना। टू ने तो इधर लगाया, जो भी लगाया उसमें कुछ इंड्यूस भी हुआ है पीछे की तरफ, है ना, इंड्यूस फोर्स भी है। तो ये हमेशा इससे कम होगा, कितना कम होगा उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, 1/4πε0εr Q1 Q2 by r2। आई होप मैंने आपको एक कंसेप्ट सिखा दिया, समझे? यस यस, दिल बना दो यार एक बार, इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं मैं आपको, इतना जबरदस्त। वी आर डिस्कसिंग ईच एंड एवरी क्रूशियल पॉइंट, जहां से भी क्वेश्चन आ सकता है सब कुछ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, है ना। तो नेट फोर्स पूछेगा तो ये देना है, ओनली ड्यू टू Q2 बोलेगा तो वो चेंज नहीं होता है, है ना, वो चेंज नहीं होता है, वो सेम रहता है जो वैक्यूम में लग रहा था। तो नेट क्यों चेंज हो जाता है सर? नेट इसलिए चेंज हो जाता है कि एक तो Q2 ने लगाया जो पहले लगाता था वो वैक्यूम पे भी, लेकिन उसमें एक इंड्यूस्ड भी आ गया और नेट आपका जीरो, जीरो नहीं हो गया, कम हो गया, है ना, नेट जो है आपका बेटा वो कम हो गया, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही कंसेप्ट हम लोग कैपेसिटर में भी यूज करेंगे। इसके बाद में आपको वैसे भी कैपेसिटर सिखाऊंगा तो उसमें भी हम लोग डिटेल में जाएंगे, ठीक है। अभी टॉपिक सेम है, ठीक है, फोर्स मतलब कूलॉम्स लॉ इन मीडियम, टॉपिक सेम है बेटा। कुछ बातें इंपॉर्टेंट और लिख लो, जैसे एप्साइलन आर जो है, या फिर जिसको मैं डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कह रहा हूं बेटा, ये हमेशा ग्रेटर देन वन होता है, ये हमेशा ग्रेटर देन वन होता है। सोचो ग्रेटर देन वन होगा, अगर ये हमेशा ग्रेटर देन वन होगा तो मतलब फोर्स नेट को हमेशा ये डिक्रीज कराएगा, नेट फोर्स को हमेशा ये डिक्रीज कराएगा। सर वो तो मैं यहां से भी समझ सकता था कि हमेशा डिक्रीज ही कराएगा, क्योंकि एक फोर्स इधर है एक फोर्स ऑपोजिट है, एक फोर्स इधर है एक फोर्स ऑपोजिट है, तो नेट फोर्स तो कम ही होना है। तो नेट फोर्स हमेशा डिक्रीज होता है क्योंकि एप्सिलॉन आर जो है वो हमेशा ग्रेटर देन वन होता है, ठीक है ना, हमेशा, ठीक है बेटा। अच्छा एप्सिलॉन आर फॉर वॉटर है ना, फॉर वॉटर आयनाइज्ड है ना, इट विल बी इक्वल टू बेटा 81। एप्सिलॉन आर फॉर वॉटर है ना इज इक्वल टू 81। तो अगर आप चार्जेस को पानी में डुबा दो, ठीक है, चार्जेस को आप पानी में डुबा दो तो जो नेट फोर्स है लगने वाला वो 81 टाइम्स कम हो जाता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। एप्सिलॉन आर फॉर मेटल्स, अगर आपके पास मेटल है, मेटल है ना बेटा, तो ये इंफिनिटी होता है किसी मेटल के लिए, अगर मेटल के अंदर रख दिया आपने चार्जेस को, है ना, तो मेटल में ये इंफिनिटी होता है। कैन एनीवन टेल कि मेटल में अगर एप्सिलॉन आर इंफिनिटी है तो मेटल में जाने के बाद फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। बेटा डिनोमिनेटर आपका इंफिनिटी हो गया, डिनोमिनेटर आपका इंफिनिटी हो गया तो ये फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो। इसीलिए शायद आपने कभी सुना भी होगा, आगे हम पढ़ेंगे कि किसी भी मेटल के अंदर या फिर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, पढ़ा है?
किसी मेटल के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, और ये उसका रीजन है, क्योंकि उसका एप्साइलन आर यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, इन्फिनिटी है। तो ये आप आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि मेटल के अंदर जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बेटा वो जीरो होता है, ठीक है ना। अरे मजा आया है, चलो मजा आया है तो एक क्वेश्चन कर दो, है ना, मेरे को कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ठीक है बच्चों ने समझ लिया जो मैं समझाना चाहता था, मेरे को सुकून मिल जाएगा, मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। देखो बेटा, अगर ये Q1 है, ये Q2 है, मान लीजिए ये एयर या फिर वैक्यूम में है और इनके बीच में फोर्स लग रहा है, मान लीजिए मैं ऐसे ही कह रहा हूँ 81 न्यूटन का, ठीक है ना, हवा में जब वो हैं, हवा में जब वो हैं तो इनके बीच में फोर्स लग रहा है 81 न्यूटन का, ठीक है सर। मैंने क्या किया, मैंने इनको पानी में डुबा दिया, ठीक है, पानी का एप्साइलन आर 81 है बेटा, अभी अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना, पानी का एप्साइलन आर 81 है बेटा। तो वही Q1 है, वही Q2 है, उनके बीच की दूरी भी वही है, ठीक है ना, आर दूरी है बेटा, आर दूरी है उनके बीच की, ठीक है। अब बताइए नया फोर्स ऑन Q1 ओनली ड्यू टू Q2 कितना होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन 1 न्यूटन हो जाएगा, है ना, दूसरा ऑप्शन 81 न्यूटन, तीसरा ऑप्शन 90 न्यूटन, या फिर चौथा ऑप्शन 15 न्यूटन, चलो बताओ। पोल कर लेते हैं, है ना, पोल कर लेते हैं, आइए आंसर ए या फिर बी या फिर सी, जिसने कंसेप्ट को अच्छे से सुना है समझा है वो सही करेगा, है ना, और जो लोग थोड़ा सा फोकस कम कर रहे हैं उनका गलत हो जाएगा ये, है ना। गया बेटा आपका 5 नंबर गया, अगर ये क्वेश्चन नीट में आ जाए, है ना, अगर ये क्वेश्चन नीट में आ जाए तो जिन्होंने मेरी क्लास ढंग से सुनी है यानी कि लगभग 60% बच्चे, उनका आंसर सही आएगा, जिन्होंने थोड़ा भी चूक कर दिया उनका आंसर गलत आ जाएगा। देयर वाज अ वर्ड रिटन इन द क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट, एंड द वर्ड इज ओनली, उसने बोला ओनली ड्यू टू क्यू टू, ओनली ड्यू टू क्यू टू, यानी कि वो क्या चाहता है आपसे कि आप वो जो इंड्यूस होता है फोर्स उसको कंसीडर मत करो, इंड्यूस जो होता है उसको कंसीडर मत करो, जो झुंड ने लगाया था माइनस वाले ने उसको मत लो आप। तो मैंने आपको सिखाया था बेटा कि अगर क्यू टू क्यू वन पे हवा में 81 लगा रहा है तो पानी में भी Q2 अभी भी 81 ही लगाएगा, अभी भी 81 ही लगाएगा। लेकिन अगर यहीं पे वो मेरे से पूछेगा कि आप Q1 पे नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स, तो अब मैं कह सकता हूं कि जो नेट फोर्स होता है वो इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन आर होता है। नेट का मतलब Q2 ने कितना लगाया और इंड्यूस्ड कितना आया, दोनों का रिजल्टेंट, उस केस में डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन आर हो जाता है। तो अगर अब मैं नेट निकालने जाऊंगा तो इट विल बी, पहले कितना था फोर्स 81, उसको डिवाइड कर दो 81 से, है ना, तो इट विल बी 1 न्यूटन, इसका आंसर आएगा आपका 1 न्यूटन। लेकिन जो मैंने पूछा था, जो मैंने पूछा था वो पूछा था ओनली ड्यू टू क्यू टू और वो 81 ही रहेगा। क्या कंसेप्चुअल चीज पढ़ा दी सर आपने हमें आज। चलो एनीवेज अब आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना, कितना टाइम बचा है, 15 मिनट है ना अभी, ठीक है, एक टॉपिक और हो जाएगा अपना, है ना,
आइए एक टॉपिक और कर लेते हैं। आइए अगला टॉपिक डाल लीजिए बेटा हेडिंग आप लोग। ये क्या था, ये क्या टॉपिक चल रहा था अपना बेटा, कूलॉम्स लॉ इन अ मीडियम। इसको पूरा लिख लो, है ना, कूलॉम्स लॉ इन अ मीडियम था ये, ठीक है ना, मीडियम का था। अब मैं आता हूं नेक्स्ट टॉपिक पे, और जिसका कि नाम है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये ऑलरेडी टाइप किया हुआ है तो मुझे लिखना नहीं पड़ेगा कुछ, है ना। चलो, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, मजा आ गया, गुड। आइए बस करें, देखो ये टॉपिक बहुत हल्का है, 15 मिनट में दे भी दूंगा आपको टॉपिक, आपको लगेगा अरे सर क्या ही पढ़ा आपने, तो कुछ पढ़ाया नहीं आपने, बहुत सिंपल सी चीज थी, बहुत सिंपल टॉपिक है, ठीक है ना, एकदम आसान है। ठीक है, देखो स्केलर फॉर्म में क्या होता है और वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, देखो क्या फर्क है, मैं आपको बताता हूं, है ना। स्केलर का जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड देगा, डायरेक्शन नहीं देगा। स्केलर फॉर्म का जो कूलम्स लॉ है, इट गिव्स ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। डायरेक्शन के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ता है हमें, जो हम अभी तक हर क्वेश्चन में करते भी आए हैं। कैसे सर, हमने कब बुद्धि का इस्तेमाल कर लिया? सर क्या बात कर रहे हो, सर हमने बुद्धि का इस्तेमाल किया? अरे बेटा, हम बोलते नहीं थे कि मान लो यहां पे क्यू है और यहां पे माइनस क्यू है, मान लो, तो हम बोलते थे ना कि दीज टू विल अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। तो डायरेक्शन मैंने निकाला कि नहीं निकाला? निकाला, बुद्धि से निकाला, फॉर्मूले से थोड़ा ना निकाला मैंने डायरेक्शन, फॉर्मूला थोड़ा ना यूज किया मैंने डायरेक्शन के लिए, वो तो मैंने बुद्धि से निकाल लिया। लेकिन यहां पे जो वेक्टर फॉर्म का जो फॉर्मूला है, ये मुझे मैग्नीट्यूड भी देता है और ये मुझे डायरेक्शन भी देता है। क्योंकि सोचो अगर चीजें 3D में हो, है ना, एक चार्ज यहां पे है, ऐसा बोला गया, एक चार्ज यहां पे है, 3D में है, है ना, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो मेरे लिए वो लाइन खींचना तो इम्पॉसिबल है ना। मैं जेड एक्सिस में कैसे ऐसे जाके लाइन खींचूंगा, पेपर तो एक प्लेन होता है, अब मैं उसमें अंदर जाती हुई लाइन कैसे खींचूंगा मैं और दिखाऊंगा कि ये देख ये डायरेक्शन है, नहीं कर सकता। तो जब चीजें एक्स वाई जेड में गिवन हो तो हम वेक्टर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं बेटा, और ये हमें मैग्नीट्यूड भी देता है, साथ साथ में ये हमें डायरेक्शन भी देता है। लेकिन स्केलर फॉर्म जो हमने ये यूज किया था ना, के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर फोर्स बराबर, ये हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड देता था। ठीक, अब एक बात सुनना, जब हम इसको यूज कर रहे थे तो हम क्या करते थे पता है, क्यू वन क्यू टू को, है ना, ध्यान से सुनिएगा, विदाउट साइन फॉर्मूले में पुट कर देते थे, विदाउट साइन, साइन की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना। ओहो, विदाउट साइन हम लोग पुट करते थे, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना इसका काम था, बाकी जो डायरेक्शन वायरेक्शन है वो हम खुद सोच लेते थे। अब जैसे यहां पे क्यू है यहां पे डिस्टेंस आर है, तो मैं लिखता था फोर्स बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, है ना। फॉर्मूले में कहां मैं माइनस लिखता था, अभी तक कहां लिखा था, बस मैग्नीट्यूड इससे निकालता था और डायरेक्शन बुद्धि से। लेकिन यहां पे जब आप वेक्टर फॉर्मूला लगाओगे, वेक्टर फॉर्म में लगाओगे, तो आपको q1 q2 को विथ साइन रखना है, क्योंकि आप डायरेक्शन अपनी बुद्धि से नहीं निकाल रहे, जो भी कर रहा है वेक्टर खुद कर रहा है, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्म में याद रखना बेटा, जो q1 q2 हैं आपके चार्जेस हैं, उसको आप विथ साइन ही पुट करोगे। अगर प्लस है तो प्लस लिखोगे, अगर माइनस है तो माइनस लिखोगे। बात क्लियर हुई है ना। आइए अब देखिए फॉर्मूला सुनिए बेटा, फॉर्मूला क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है। फोर्स वेक्टर इन वेक्टर फॉर्म इज रिटन एज के क्यू वन क्यू टू, ठीक है, इनटू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर क्यूब, ठीक, k q1 q2 into r vector upon magnitude of r vector का क्यूब। देखो इस बैच में जितने भी बच्चे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि सब के सब 160 प्लस आराम से टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज अगर आप 4-5 घंटे किसी सेशन में बैठ रहे हो, दैट मीन्स यू आर अ सिंसियर स्टूडेंट। तो मैं भले ही थोड़ा बारीकियों में जाके
पढ़ाऊंगा, थोड़ा ज्यादा समय लगेगा मुझे, लेकिन इट विल बी वर्थ इट, है ना। तो यहां पे भी मैं थोड़ा सा बारीकियों में जाऊंगा, जहां भी मेरे को जरूरत पड़ेगी मैं जाऊंगा। अब देखो बेटा, ज्यादातर 90% बच्चे इस फॉर्मूले को याद करके चले जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ऑप्शन आएगा ऐसा कि विच इज द करेक्ट फॉर्मेट ऑफ कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, है ना। सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में कौन सा सही है, ऐसा बोल देगा के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, आर यूनिट कैप, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा यूनिट यूनिट वेक्टर, ठीक है। पहला ऑप्शन ये दे दिया उसने, ठीक है। दूसरा ऑप्शन उसने दे दिया के क्यू वन क्यू टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, इसका स्क्वायर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये हो गया बेटा। तीसरा ऑप्शन हो गया के क्यू वन क्यू टू आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर की पावर में 4, तीन ऑप्शन हो गए बेटा, है ना। और चौथा ऑप्शन उसने दिया सिंपली के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। कैन एनी वन टेल इन द क्लास कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, एनी वन, एनी वन इन द क्लास, एनी वन इन द क्लास बेटा, अब ये क्वेश्चन वो बच्चा कर पाएगा जिसको पता है कि यूनिट वेक्टर क्या होता है, है ना। कोई बोल रहा है कोई सा सही नहीं है, अच्छा बेटा ए सही है। अब आप बोलोगे सर आपने अभी अभी पिछली स्लाइड में हमें सिखाया कि ऊपर आर वेक्टर आएगा और नीचे क्यूब आएगा, ये ऑप्शन तो कहीं नहीं है सर। देखो तभी तो एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चन में तो फंसाता है ना, बेसिक आपका यहीं पे चेक किया जाता है बेटा। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, है ना। अगर किसी यूनिट वेक्टर को लिखा जाए, यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर में आपने पढ़ा होगा कि यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय द वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर इट्सेल्फ ऊपर लिखो आप, वेक्टर अपॉन उसका आप मैग्नीट्यूड लिखो, है ना बेटा। वो बताता है, यूनिट वेक्टर बनाता है आपको डायरेक्शन, जानते हैं आप लोग ये बात बेटा। अब जैसे देखो मान लो एक फोर्स लिखा हुआ है 10 i कैप, आपको पता करना है यूनिट वेक्टर क्या है। आप बोलोगे सर दिख रहा है i कैप है, बट मैं बोलूंगा नहीं तरीका सीख कैसे निकालते हैं, है ना, जबरदस्ती सीख। तो इसका तरीका ये है कि पहले ऊपर f वेक्टर लिख और नीचे उसका मैग्नीट्यूड लिख। तो तू बोलेगा बेटा ठीक है, देखो सर f वेक्टर क्या है 10 i, देखो 10 i अपॉन मैग्नीट्यूड क्या है 10 10, 10 और 10 कैंसल, आई कैप आ गया। तो बोलोगे सर मेरे को ऑलरेडी पता था कि यूनिट वेक्टर आई कैप है, आप क्यों ऐसे कर रहे हो। मैं आपको सिखा रहा हूं कि यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है अगर ऐसा लिखा हो 3i प्लस 4j प्लस 2k, बोलेगा ये आपका r वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर निकाल के दिखाओ। तो आप क्या करोगे, थोड़ी ना बोलोगे i है कि j है कि k है मेरे को नहीं पता। आप लिखोगे ठीक है इसका यूनिट वेक्टर विल बी r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर, समझ में आया। तो ऊपर आ जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 2k अपॉन, ओहो अपॉन मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बेटा, ऐसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो थोड़ा सा मैंने आपको वेक्टर रिवाइज करवाया, है ना। अब आइए ऑप्शन ए में, कहां गया, हां अब आइए बेटा ऑप्शन ए में, ठीक है। ऑप्शन ए को अगर मैं यहां पे कॉपी पेस्ट करूं बेटा तो मैं क्या लिखूंगा, फोर्स वेक्टर बराबर के क्यू वन क्यू टू आर कैप अपॉन आर स्क्वायर, है ना। अब बताओ आर कैप क्या सिखाया सर ने आपको, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अगर मैं आर कैप को ओपन करता हूं तो देखो क्या बनेगा, के क्यू वन क्यू टू, देखो आर कैप आर वेक्टर अपॉन आर स्क्वायर तो ऑलरेडी है ना, डिवाइडेड बाय एक और आर आ गया, समझ में आया। अरे बेटा ये जो है वो तो है ही, इसको क्या लिखोगे आप, आर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। अच्छा मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है ना, और ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, दोनों सेम है बेटा। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दोनों मैग्नीट्यूड ही दिखा रहा है। अब जब आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट एफ वेक्टर बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर, और यही मैंने आपको सिखाया था कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में। सो ऑप्शन ए इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट आई हैव टॉट यू इन दिस स्लाइड, समझे। तो
तो ऐसे घुमा के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो आप यहां पे लिख लो कि इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, एफ वेक्टर बराबर के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये देखो ये मैग्नीट्यूड हो गया यहां से, है ना, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर इंटू डायरेक्शन, डायरेक्शन आएगा आर कैप से। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, अगर ये ऑप्शन में हो तो ये भी सही है, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ये हो तो ये भी सही है बेटा, प्लीज नोट डाउन, है ना। हाँ थोड़ा सा वेक्टर पता रहेगा तो काम आएगा, है ना। आइए अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है वो देख लेते हैं और फिर आज का सेशन यहां पे हम लोग रोक देंगे, है ना। देखो बेटा क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, कितना सिंपल क्वेश्चन आता है देखना आप, है ना। आपको बोलेंगे कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है ना, ये आपका z एक्सिस है। देखो क्वेश्चन इज वेरी इजी, अगर आपने फॉर्मूला सीख लिया तो इसके क्वेश्चन लगाना बहुत इजी केक है, बहुत इजी। देखो आपको ऐसा बोलेंगे कि पहला चार्ज जो है वो यहां पे रखा है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 2, 4, ऐसे आपको कोऑर्डिनेट दे देंगे, ठीक है। इस चार्ज का मैग्नीट्यूड है 2 कूलम्ब, ठीक है सर। अब एक चार्ज यहां पे रखा है, ये है -8 कूलम्ब, ठीक है ना, -8 कूलम्ब, और इनके बीच का जो दूरी है, मतलब इनका जो आप कह लो यू नो कोऑर्डिनेट है, वो ऐसे है, देखो वो है आपका 3, है ना 5, 4, चलो ऐसे है 3, 5, 4, ठीक है ना। आपको बोला उसने, ये भी सुनना, ये बहुत क्रूशियल है जो मैं बोलूंगा अभी ना, आपको उसने बोला कि फाइंड फोर्स ऑन -8 कूलम्ब, है ना, ड्यू टू 2 कूलम्ब। किस पे निकालना है बेटा? सर -8 पे कितना लगा वो निकालना है मेरे को। तो आप एक छोटा सा काम करोगे बस, ठीक है, जिस पे निकालना है उसको आप लिखोगे R2 वेक्टर, ठीक, -8 पे निकालना है ना, तो उसको लिखोगे आप R2 वेक्टर, और जिसकी वजह से निकालना है उसको आप लिखोगे बेटा R1 वेक्टर, बस इतना याद रखना, ठीक है ना। अगर -8 पे निकालना है तो R2 यही वाला बनेगा। अब आप देखो R2 वेक्टर कैसे लिखोगे बेटा, देखो R2 वेक्टर बराबर, देखो 3i 5j 4k, बहुत सिंपल है सर ये तो, इट्स लाइक एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है वेक्टर फॉर्म का, आपको बस उसमें इनपुट कर देना है वैल्यूज, कंप्यूटर कैसे काम करता है बेटा, वैल्यू इनपुट कर दो आंसर आ जाता है, ये वैसा ही कुछ है। अब देखो R1 वेक्टर, देखो बेटा ये R1 है पहला वाला, तो 1i 2j 4k, है ना, 1i + 2j + 4k, डन सर। अब जो अपना फॉर्मूला है, फॉर्मूला लगाओ एक बार, फॉर्मूला क्या है सर, फॉर्मूला है K Q1 Q2 R वेक्टर अपॉन R वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब, सही है, यही फॉर्मूला है बेटा। हाँ सर, R वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, R वेक्टर निकाला जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यही याद रखना है आपको कि फाइनल उसका लेना है जिस पे फोर्स पूछा गया है, वरना आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा और एग्जामिनर बहुत शातिर प्रजाति है, दोनों ऑप्शन देगी वो, ध्यान रखना बेटा। अगर बोलेगा कि फोर्स निकालिए -8 पे, तो जो आप R2 लेंगे वो -8 वाले का कोऑर्डिनेट लेंगे और वही इससे आप घटाएंगे, R2 - R1 आप करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब इसका आंसर क्या आ रहा है बेटा, R वेक्टर का R2 - R1, देखो ये R2 है ये R1 है, यहां पे 3 है यहां पे 1 है, राइट, तो 3i - i, ये हो गया आपका 2i, 5j - 2j, ये हो गया आपका 3j, 4 - 4, 0, ये आ रहा आपका R वेक्टर, ये आ रहा आपका R वेक्टर। यहीं पे अगर फोर्स इस पे पूछता 2 कूलम्ब पे अगर फोर्स पूछता तो मैं दिस माइनस दिस करता तो आंसर में एक नेगेटिव आ जाता यहां पे, क्योंकि आप 1 में से 3 को घटाते तो -2 आता, समझ रहे हो ना,
यहां पे 2 में से 5 को घटाते तो -3 आता। तो जिस पे पूछा है उसको R2 मानो और उसमें से दूसरे वाले को घटाओ, अदरवाइज फंस जाओगे। ठीक है, तो 2 + 3j। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लो बेटा। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं सर? अंडर रूट दिस का स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो 4 + 3, 3 = 9, ये आ जाएगा √13। ठीक है ना, 9 और 4 13, √13। अब सजा सजा के सब कुछ इस फॉर्मूले में लिख दो, बस इतना करना है आपको। के 9 × 10^9 होता है। ठीक है, चलो के के टर्म्स में ही आंसर दे देते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये हो गया आपका के, है ना बेटा। मेरा फोन कहाँ है यार? अच्छा, फोन मैंने बाहर छोड़ दिया है, कोई नहीं, यहां पे के छोड़ दिया मैंने। हाँ, Q1 कितना है? Q1 बोलो सर 2 है सर। Q2 बोलो सर -8 है, विथ साइन, मैंने बोला था विथ साइन, है ना। एक लाइन यहां पे डाल देते हैं। फिर देखो उसके बाद क्या है, R वेक्टर, तो ये लिख दो आप, है ना, 2i + 3j एंड डिवाइडेड बाई √13^3। अब जो भी आए सॉल्व करके, जो भी आए, मैंने थोड़ा वैल्यूज उस हिसाब से नहीं बनाया, है ना। एग्जामिनर इसको बनाता तो शायद यहां पे √25 आता, तो √25 आप निकाल लेते 5 आ जाता, 5 का क्यूब आप कर देते 125 आ जाता। तो सॉल्वेबल वैल्यूज वो लोग देंगे, है ना। अब यहां पे तो मेरा आया √13, चलो ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया बस। बट ये प्रोसेस आपको चमका बेटा, प्रोसेस आपको चमका बेटा, है ना। ध्यान रखना, जिस पे फोर्स निकालना है वो आपका R2 है, और जिसकी वजह से निकालना है ड्यू टू 2 बोल रहा है, तो ये आपका R1 है। और R वेक्टर कैसे निकलेगा? फाइनल माइनस इनिशियल करके, यानी कि R2 - R1 करके। ठीक है, चलो जी, तो आज के लिए इतना कर लेते हैं, ठीक है ना। अब अगली क्लास में जो चीजें हैं वो काफी स्पीड में निकलेंगी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पढ़ाने में टाइम लगता है, बट इक्विलिब्रियम का भी मैं आपको एक फॉर्मूला दूंगा डायरेक्ट, उससे बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएंगे, और बेसिक मेथड भी अपन सीखेंगे, है ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप जो इस लेक्चर को देख रहे हो वो सारे बच्चे सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, एंड दे डिजर्व वेरी गुड कॉन्टेंट, वेरी गुड क्वेश्चंस, एवरीथिंग इन डिटेल और सारे सवाल। उस हिसाब से ये कोर्स प्लान्ड है बेटा। आप देख लो, आज मैंने 4 घंटे के आसपास सिर्फ आपको कूलॉम्स लॉ पढ़ाया है, है ना। तो आपका सिलेबस टाइम पे हो जाएगा, डोंट वरी, लेकिन आपको बहुत बढ़िया कंटेंट देंगे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ, है ना। आज के लिए इतना ही, नोट्स आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, डाउनलोड कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून, बाय।